आइए प्यारे बच्चों, आज एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में टाइम बचा के देगा। आप ये समझिए कि अगर किसी क्वेश्चन में, किसी पेपर में, जैसे एसएससी प्री का एग्जाम है, और 25 क्वेश्चन में अगर गलती से 2 या 3 क्वेश्चन आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के आ गए, तो आप ये मान के चलिए कि वो 2 से 3 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आपके लिए बोनस है। क्योंकि मैं 2 से 3 क्वेश्चन को आपको सोल्व करने के ऐसे मेथड एक्सप्लेन करूंगा आखिरी में, कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 सेकंड लेंगे, और दो तीन जितने भी क्वेश्चन होंगे, 2 या 3 सवाल, वो 5 से 6 सेकंड में आपके ख़त्म हो जाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ईजी चैप्टर है, बशर्ते आपने 2 चीज़ें कर रखी हों। सबसे पहला पॉइंट ये कि आपने परसेंटेज को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ हो। अगर नहीं पढ़ा है तो बच्चों परसेंटेज को अच्छे से पढ़िए, उस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखिए जो हमने यूट्यूब पे डाला है, पेड और फ्री वाला। जो पेड वाला, उसके पूरे लेक्चर्स को अटेंड करिए। जब उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे आप, तब आप उस कंपाउंड इंटरेस्ट पे आइए। दूसरा, बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट को बताने के 3-4 तरीके हैं, मैं उन सारे मेथड्स के साथ आपसे बात कर रहा हूँगा। अब हमारे पास पढ़ाते वक्त एक अप्रोच ये आती है कि हम स्टूडेंट को केवल एक ही मेथड बताएं और उसी मेथड से चीज़ें धीरे धीरे बताते चले जाएं। स्टूडेंट के लिए वो समझना आसान है, हमारे लिए उस चीज़ को समझाना आसान है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आज के टाइम में जितना कंपटीशन हो रहा है, आप जानते हैं कि एसएससी में अब ड्रामेटिक चेंज आते जा रहे हैं, सीपीयू सीजीएल दोनों को एक साथ ले आया गया है, और भी चीज़ें चेंज होती रह रही हैं, क्योंकि भारत सरकार की ऐसी पॉलिसी है कि वन एग्ज़ाम वन नेशन की पॉलिसी है। पूरे भारत में ग्रेजुएशन लेवल पे एक ही एग्ज़ाम हो जो आने वाले समय में इम्प्लीमेंट हो रही होगी, तो धीरे धीरे बच्चों मेरिट बढ़ती चली जाएगी। जब मेरिट बढ़ती चली जाएगी तो वहाँ पे सिलेक्शन इस बात पे नहीं हो रहा होगा कि आप क्वेश्चन सोल्व कर लें, वहाँ सिलेक्शन इस बात पे हो रहा होगा कि आप सारे क्वेश्चन, यानी 100% क्वेश्चन सबसे जल्दी कर लें, इस चीज़ से डिसाइड हो रहा होगा। तो सारे क्वेश्चन बच्चों सबसे जल्दी कर लें, इसमें हमें कुछ सोचना पड़ेगा। इसलिए हमें एक ही अप्रोच से सारे सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, हमें मेथड या अप्रोच क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग चुननी है, कि क्वेश्चन का डाटा कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम अप्रोच चुनें और फिर उस सवाल को सोल्व करें। तो मैं धीरे धीरे पहले आपको सक्सेसिव इंक्रीज बताता हूँ, सक्सेसिव डिक्रीज बताता हूँ, आपको समझाता हूँ कि सक्सेसिव जो वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है, उसके बाद फिर चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। फिर मैं डिटेल मेथड बताऊँगा आपको कि एक एक मेथड होता है सक्सेसिव का, कि कैसे कंपाउंड अमाउंट और प्रिंसिपल में रिलेशन बनाते हैं। देन उसके बाद फिर हम डिटेल मेथड सीखेंगे, और सबसे आखिरी में जो मेथड सीखेंगे वो मेरा अपना मेथड होगा, और वो ऐसा मेथड होगा बच्चों जो किसी भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को 2 से 3 मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड लगेंगे और आपका क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा, बशर्ते वो किसी एग्जाम का क्वेश्चन हो, यानी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हो। तो उस पर अब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, आइए शुरू करते हैं। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अभी हमने YouTube पे परसेंटेज का चैप्टर डाला था, वो बहुत बड़ी संख्या में बच्चों ने परचेज़ भी किया, और हज़ारों संख्या में मेरे Facebook पर, मेरे WhatsApp पर, हमारे YouTube पेज पर बहुत सारे मैसेज आए कि सर हम परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं, हमारे डेबिट क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो रहे हैं, या कुछ के साथ ऐसा भी हुआ है कि कुछ ने पेमेंट की और फिर भी वीडियो यूट्यूब ने नहीं दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें एक बात समझनी होगी कि जो यूट्यूब है ये कोई इंडियन कंपनी तो है ही नहीं, कि और ना ही इससे हम कोई कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। इससे मेल के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, तो हम इसको मेल सेंड करते हैं और उसके बहुत समय बाद हमें मेल पर रिप्लाई होता है, 3-4 दिन बाद, और उसके बाद ये चीज़ें लिख देते हैं कि इट इज़ द पॉलिसी ऑफ गूगल और यूट्यूब, ऐसे करके रिप्लाई दे देते हैं। मतलब कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई हमारा बच्चों नहीं आता है, और बहुत सारे बच्चों के साथ ये समस्या है। बेसिकली इंडियन डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स बहुत कम ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में प्रॉब्लम आ रही है। हम लोग समझ पा रहे हैं बच्चों की समस्याओं को, और बड़ी दिक्कत हो रही है इस चीज़ में। तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने उस चीज़ को रोका है ऑनलाइन वाले को थोड़े टाइम के लिए, 10 से 12 दिन के लिए हम उसको रोक रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये समस्याएँ आ रही हैं। तो हम मैंने अपनी टेक्निकल जो हमारी टीम है वो इस पे काम कर रही है, और अभी हम पेनड्राइव वाले सिलेबस पे, पेनड्राइव वाले कोर्स पर बात कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है हम 10 से 12 दिन के अंदर एक ऐसा विकल्प लेके आएंगे पेनड्राइव का, जिसको आज चलाने के लिए आपको नेट की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप ऑफलाइन उसको यूज़ कर पा रहे होंगे, और वो हमारा सेटअप लगभग रेडी है, उस पर हम कोशिश कर रहे हैं अभी। तो मैं उम्मीद है 4 से 5 दिन के अंदर आपसे दोबारा एक बार इस बारे में बात करूँगा,
और सारी चीज़ें डिटेल देंगे और उतनी ही कॉस्ट में, और पाँच पाँच छः छः चैप्टर की हम वो चीज़ें आपको स्टार्टिंग में दे रहे हैं, आप ऑफलाइन उसे देख पाएंगे, आपको नेट की ज़रूरत नहीं होगी। साथ में जो यूट्यूब पे दिक्कतें आने लग रही हैं वो सारी दिक्कतें हमारी बच जाएंगी उससे और आप लोगों की। तो अभी दोस्तों उस पर जुड़ेंगे हम लोग और काम कर रहे होंगे, हमारी टेक्निकल टीम उस पर काम कर रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्द हम उस पर सोल्यूशन निकाल लेंगे और 10 से 12 दिन के अंदर हमारा पेन ड्राइव का सिस्टम चालू हो जाएगा। तो हम 4-5 दिन बाद एक बार दोबारा इस पर बात करते हैं। आइए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों ये जो सक्सेसिव मैंने वर्ड लिखा हुआ है क्रमागत, हम कंपाउंड इंटरेस्ट समझने से पहले यहीं पर आते हैं चीज़ों को। ये सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, क्रमागत का मतलब क्या होता है, उसके बाद मैं आपको सक्सेसिव डिक्रीज समझाऊंगा, फिर सक्सेसिव इंक्रीज समझाऊंगा। क्रमागत का मतलब होता है बच्चों क्रम दर क्रम, अगर वो क्रम बढ़ता हुआ है तो क्रम दर बढ़ाते चलो और अगर वो क्रम घटता हुआ है तो क्रम दर क्रम घटाते चले जाइए। ये सक्सेसिव इंक्रीज को हम बोलते हैं बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट। स्पेलिंग पे ना जाना बच्चों, मैथ के टीचर। कंपाउंड इंटरेस्ट। और जो सक्सेसिव डिक्रीज होती है इसे हम बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी किसी चीज में क्रम दर क्रम वृद्धि करते चले जाएंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा और अगर किसी चीज में क्रम दर क्रम कमी करते चले जाएंगे तो इट इज सक्सेसिव डिस्काउंट। तो अभी हम सक्सेसिव का मतलब समझाते हैं। मान लीजिए बच्चे आप किसी दुकान पर गए और एक शर्ट है उसका मार्क प्राइस है 100 रुपये, एक शर्ट है उसका मार्क प्राइस है बच्चों 100 रुपये। आप किसी दुकान पे गए और दुकानदार ने कहा कि जी हम अपनी शर्ट पे 3 डिस्काउंट दे रहे हैं, एक 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं, एक 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं और हम 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए कि जो शर्ट 100 रुपये मार्क प्राइस वाली है वो शर्ट आपको कितने की मिलेगी अगर एक दुकानदार 3 डिस्काउंट दे रहा है। तो आप सिंपली जोड़ेंगे, सर 30%, 50%, 20% जोड़ते हैं तो ये बन जाता है 100%। तो 100% का डिस्काउंट मिल गया, मैंने 100 रुपये वाली जो मार्क प्राइस वाली चीज़ थी उस पर 100% डिस्काउंट, यानी 100 रुपये का डिस्काउंट हो गया, यानी आपको कितने मिलेगी बच्चों फ्री में। लेकिन अगर स्टेटमेंट में चेंज करूँ और मैं स्टेटमेंट में ऐसे बोलूँ कि एक आदमी के पास, या आप किसी दुकान में गए और उस वहाँ पर 100 रुपये मार्क प्राइस वाली एक शर्ट थी, तो एक दुकानदार ने कहा कि वो 30%, 50% और 20% के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देगा। एक दुकानदार ने कहा कि वो 30%, 50% और 20% के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देगा। तो बताइए प्यारे बच्चों ग्राहक को वो शर्ट कितने की मिलेगी। देखिए 3 डिस्काउंट देगा एक अलग बात है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देगा एक अलग बात है। तो इसको हम धीरे धीरे समझते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई आर्टिकल 100 रुपये मार्क प्राइस वाला है, 100 रुपये मार्क प्राइस वाला है, तो उस पर सबसे पहले जो डिस्काउंट दिया जाना है वो दिया जाना है 30%। तो 100 पे 30% का डिस्काउंट दोगे बच्चों तो 100 का 30% बना 30 का डिस्काउंट। अगर 30 रुपये का डिस्काउंट हुआ तो अब उस आर्टिकल की कीमत कितनी बची बच्चों 70 रुपये। अब आप उस पर दोगे कितने का डिस्काउंट 50% का, तो 70 का 50% कितना बना 35। तो 35 का डिस्काउंट दोगे तो अब उस आर्टिकल की कीमत बची कितनी बच्चों 35। भाई 70 का था, 35 का डिस्काउंट दिया तो बची 35। अब 35 पे आप दे रहे हो 20% का डिस्काउंट, तो 35 का 20% आप जानते हैं 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5। बच्चों इस बात को ध्यान रखना, जब तक परसेंटेज को बहुत बढ़िया से नहीं पढ़ोगे आप चीज़ें बहुत आसानी से नहीं कर पाएंगे। वो बेसिक चैप्टर है पूरे अर्थमेटिक का, इसलिए उस पर पूरी जान लगाइए और उसको अच्छे से समझिए और पढ़िए फिर आगे आइए। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 35 का 1/5, 35 का इंटू 1/5 इट विल बी 7। तो 35 में 7 का डिस्काउंट, इसकी कीमत अब कितनी बची 28। तो इसका अर्थ ये बना कि 100 रुपये मार्क प्राइस वाला आर्टिकल अब कितने का बिक रहा है 28 का। तो 100 रुपये मार्क प्राइस वाला आर्टिकल अगर 28 का बिक रहा है तो हम उस पर कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं बच्चों 72 का। और 100 पे 72 का डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं तो इसका मतलब कितना परसेंट बना जी 72%, 72%। आप इस बात को समझें कि 100 पे दिया गया डिस्काउंट ही तो परसेंट होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज, मींस एनी वैल्यू विच इज ऑन 100। 100 पे कोई मान ही तो प्रतिशत होता है, तो 72% का डिस्काउंट दिया गया। मैंने ये सवाल सिर्फ इसलिए लिया है कि आप सक्सेसिव का क्रमागत का अर्थ समझ पाएं क्या होता है। क्रमागत का मतलब होता है पहले एक आर्टिकल पे डिस्काउंट, फिर जो कीमत बची उस पे डिस्काउंट, फिर जो कीमत बची उस पे डिस्काउंट।
अगर ये घटी हुई कीमत पे घटाते चले जा रहे हैं बच्चों, तो ये सक्सेसिव डिक्रीज कहलाता है। लेकिन अगर यही चीज़ सक्सेसिव इंक्रीज होती, जिसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चों होता क्या है, कोई धन होता है उस पर ब्याज लगता है, फिर धन में वो ब्याज जुड़ जाता है, उसके ऊपर फिर से ब्याज लगता है, फिर वो ब्याज उसमें जुड़ जाता है, फिर आगे लगता है, यानी ब्याज पे ब्याज जिसे हम कहते रहते हैं, वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। बेसिकली हम उसे सक्सेसिव इंक्रीज बोलते हैं मैथ की भाषा में। तो आप समझ में आया होगा कि सक्सेसिव का क्या अर्थ है। आइए बच्चों अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैंने अभी ये बताया आपको कि सक्सेसिव शब्द का क्या अर्थ होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि सक्सेसिव डिक्रीज कैसे निकालते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज कैसे निकालते हैं। आइए बच्चों चीज़ें समझते हैं कि कैसे फाइंड आउट करें। देखिए बच्चों, अगर आपको x परसेंट और y परसेंट के दो सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दिए हुए हैं या सक्सेसिव डिक्रीज आपको दे रखा है x परसेंट और y परसेंट का, और अगर आपसे सवाल में पूछा हुआ है कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए, समतुल्य बट्टा बताइए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोलते हैं समतुल्य बट्टा बताइए, अगर आपने x परसेंट और y परसेंट के दो डिस्काउंट दिए हैं, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है बच्चों x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। इतना परसेंट जो होगा वो होता है हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट। होता क्या है, कोई भी प्राइस मान लीजिए आप 100 यूनिट मान लेते हैं, तो 100 पे पहले आप x परसेंट डिस्काउंट निकालेंगे तो वो बनेगा बच्चों x, फिर कीमत बची अब 100 माइनस x, तब 100 माइनस x कीमत बची, तो इस पे अब आप भाई आप x परसेंट और y परसेंट ही तो सक्सेसिव डिस्काउंट ले रहे हैं, दो तो पहले 100 पे x परसेंट यानी x का डिस्काउंट, अब इतनी कीमत बची, अब इस पे y परसेंट निकालोगे, तो इसका y परसेंट निकालना आसान है। कैसे, 100 माइनस x का y परसेंट, y परसेंट मैंने बटे 100, तो इसको इससे गुना करेंगे इट विल बी y, इसको इससे गुना करेंगे तो आएगा एक्स वाई बाई 100, तो इतना डिस्काउंट बना, यानी y परसेंट जो इसका बना वो बना इतना, y माइनस एक्स वाई बाई 100, इतना डिस्काउंट। तो अब इस आर्टिकल में इतना डिस्काउंट देंगे, तो इतना डिस्काउंट देंगे तो अभी आर्टिकल है कितने का, 100 माइनस एक्स का, इसमें अगर इतना डिस्काउंट देंगे यानी माइनस करेंगे से, तो ये माइनस हो जाएगा बच्चों और ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। तो कैलकुलेट कर रहे होंगे आप इसे, तो अब इसकी बच्चों जो कीमत निकल के आ रही होगी वो आ रही होगी 100 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो अब आप ये सोचिए कि जो आर्टिकल पहले 100 का था अब वो इतने का बचा, तो कितने का डिस्काउंट दिया गया जी, जैसे पिछले सवाल में मैंने बोला कि 100 का था और अब 28 का बचा, तो कितने का डिस्काउंट दिया, तो आपने कहा 100 माइनस 28, तो ऐसे 100 में से ये वैल्यू घटाएंगे, तो ये घटाएंगे तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, माइनस, लेकिन ये वैल्यू क्या होगी, प्लस, ये प्लस और ये क्या हो जाएगी, माइनस। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कुल मिला के हम कह देंगे जी इतने का डिस्काउंट दिया गया। तो 100 पे कोई चीज क्या कहलाती है, परसेंटेज। तो यहां से ये फार्मूला बना है कि अगर आपको दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हों, एक्स परसेंट और वाई परसेंट के दो क्रमागत बट्टे दे रखे हों, तो जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है वो बनता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आप मुझे बच्चों 10% और 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए, तो आप कहेंगे सर एक्स हो गया 10, वाई हो गया 20, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, तो सोल्व कर रहे होंगे तो ये बन रहा होगा 30 माइनस 2, तो आंसर आप लिख रहे होंगे कितना, 28%। उम्मीद है बच्चों समझ आ रहा होगा। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। मैं अभी आपको बता रहा था यहाँ तक कि अगर नंबर सिंपल हो, जैसे 10% 20% हो, तो उनके सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा हो तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना आसान है, 12% 15% आसान है। लेकिन अगर बातें फ्रैक्शन पे आने लगे तो कैसे करें, बोल दे कि जी 11:1/9% और 37.5%, 37.5%, 11.9% इसका समतुल्य बट्टा बताइए क्या होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए क्या होगा, तो स्थिति थोड़ी गंभीर होगी। तो उसको कैसे करें वो समझते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि भाई 10% और 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट है,
तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए क्या होगा। तो एक तो तरीका यहाँ है कि हम रखें 10 जमा 20 माइनस 10 गुना 20 घटा के लिख दें 28। दूसरा तरीका हम ऐसे लिख लें कि जी x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, उस तरीके से कर सकते हैं। या हम इसको फ्रैक्शन बेस तोड़ें। फ्रैक्शन से कैसे, जैसे 10% की फ्रैक्शन हुई बच्चों 1/10, 20% की फ्रैक्शन है 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी आर्टिकल की कीमत 10 है तो उस पर हमने 1 का डिस्काउंट दिया तो उसकी कीमत बची कितनी, 9। अब उस आर्टिकल की कीमत 5 है तो फिर से उस पर 1 का डिस्काउंट दिया गया तो कीमत बची कितनी भाई, 4। यानी पहले 10 पे 1 का डिस्काउंट, 9 बची, फिर 5 पे 1 का डिस्काउंट, 4 बची। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप इसे इस तरीके से कैलकुलेट करिए, 2 2 4 2 5 10 5 5 25 9 2 18। यानी अगर किसी आर्टिकल की कीमत अभी 25 है या स्टार्टिंग में 25 थी तो आखिरी में कितनी बची, 18। तो हमने कितने का डिस्काउंट दिया बच्चों, 7 का। तो 7 का डिस्काउंट 25 पे, तो 100 पे कितना, तो हमारा आंसर होगा 28%। देखिए अब डाउट क्या क्या खड़े होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि हम ये समझ में आए कि जी 10 रुपये का कोई आर्टिकल था तो उस पर 1 का डिस्काउंट दिया, कीमत बची 9। अब अगर उसकी कीमत 5 है तो फिर से 1 का डिस्काउंट, कीमत बची कितनी बच्चों, 4। तो सर कहानी ये आती है कि अगर ऐसी चीज़ें हैं तो अगर यहाँ पे कीमत 9 बची तो फिर यहाँ 5 से कैसे चली गई। तो इसका अर्थ ये रहता है कि मान लीजिए किसी आर्टिकल की कीमत X है तो 10% का डिस्काउंट दिया, नहीं वो अपनी कीमत का 9/10 गुना रह गया। फिर उस पर हमने 20% का डिस्काउंट दिया यानी 5 पे, फिर 1 का डिस्काउंट दिया तो अब वो अपनी कीमत का 4/5 गुना रह गया। तो इस तरीके से 10 को 5 से गुना करते हैं, 9 को 4 से गुना करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि इस तरीके से ऐसे ऐसे इस तरीके से कोई सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लेते हैं। वही चीज़ हमने किया कि ऐसे सिंप्लीफाई हो रहा हो, ऐसे सिंप्लीफाई हो रहा हो, ऐसे सिंप्लीफाई हो रहा हो, वो हम कर सकते हैं। बस ऐसे मत करना कि 5 से 10 हटा दिया, ये मत करना बच्चों, बाकी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहीं से ये फॉर्म उठा रखिए। ऐसे ही अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन दिया मैंने आपको कि मेरे प्यारे बच्चों 37.5% 37.5% और 40% दो सक्सेसिव डिस्काउंट है तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए क्या होगा। तो 37.5% की फ्रैक्शन होगी 3/8, 40% की फ्रैक्शन होगी 2/5। यानी अगर कोई आर्टिकल 8 का है तो 3 का डिस्काउंट दिया, कीमत कितनी बची, 5। अब वो आर्टिकल 5 का है तो फिर 2 का डिस्काउंट दिया, कीमत कितनी बची बच्चों, 3। फिर से समझाता हूँ, 8 से 3 घटा, 5 बचा। अब 5 है तो फिर 2 का डिस्काउंट दिया तो कीमत बची 3। मैंने बताया बच्चों इस तरह से क्रॉस कर लो, यानी 8 रुपये का कोई आर्टिकल था तो बचा 3 का, तो डिस्काउंट कितने का दिया बच्चों, 5 का। तो 5 का डिस्काउंट किस पे रखा है बच्चों, 8 पे, तो 100 पे कितना, तो आपको बताइए फ्रैक्शन परसेंटेज में सिखाइए, तो 62%। ऐसे ही अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए 3 डिस्काउंट है, एक 11:1/9% का डिस्काउंट है, एक 12.5% का डिस्काउंट है, एक 9:1/11% का डिस्काउंट है और एक 10% का डिस्काउंट। ये 4 डिस्काउंट है, 4 सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो आप मुझे बताइए कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। तो जब सोल्व करोगे तो इसकी फ्रैक्शन बनी 1/9, इसकी 1/8, इसकी 1/11 और इसकी बनी 1/10। तो हम लिख रहे जी कोई आर्टिकल 9 से 1 घट के 8 बचा, फिर 8 से 1 घट के 7 बचा, फिर 11 से 1 घट के 10 बचा, और अब अगर वो 10 का बचा तो फिर 1 घट के 9 बचा। फिर तरीका आपको बताया, 9 से 9 काटिए, 8 से 8 काटिए, और तो कुछ कट रहा है तो बच्चे 10 से 10 काटिए। यानी वो आर्टिकल अगर स्टार्टिंग में 11 का था तो अब उसकी कीमत क्या बची, 7। तो 11 से 7 बची कितने का डिस्काउंट, 4 का। तो 4 का डिस्काउंट 11 पे, तो 100 पे कितना, तो 4 का डिस्काउंट 11 पे तो 100 पे कितना, तो कैलकुलेट करोगे बच्चों तो 1/11 जो होता है वो हमारा होता है 9:1/11%। तो 4/11 करेंगे सो इट बिकम 36:4/11%। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट हमारा डिस्काउंट निकलेगा। हमने करना क्या है कि 9 का आर्टिकल था तो 1 का डिस्काउंट दिया, बचा 8 का। अब 8 का है तो फिर 1 का डिस्काउंट दिया, 7 का। अब अगर 11 का है तो फिर से 1 का डिस्काउंट दिया, इतने का। आखिरी में इस तरीके से क्रॉस में कोई भी वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है बच्चों, हम करते चले जाएंगे और आखिरी में रिजल्ट आया कि कोई आर्टिकल स्टार्टिंग में 11। ये चीज़ स्टार्टिंग को डिनोट करती है, ध्यान रखना। अभी कंपाउंड स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें समझ में आएगी चीज़ें। ये चीज़ स्टार्टिंग को डिनोट कर रही है। तो अगर स्टार्टिंग में 11 है तो अब कितना बचा बच्चों, 7। तो कितने का डिस्काउंट, 4। तो 4 का डिस्काउंट 11 पे, तो कितना परसेंट बना, 36 से ही 4/11%। यहाँ करेंगे तो 10 से 9 बचा, 5 से 4। तो आपने देखा ये जो फ्रैक्शन अल्टीमेटली बनती है
जैसे यहाँ लिख रहे हैं हम, तो एक्स का मान लो 36/50 लिखा, तो इसका मतलब अगर कोई चीज़ स्टार्टिंग में 50 थी तब वो बच गई कितनी, 36। तो इस तरीके से हम इन सक्सेसिव इंक्रीज को या सक्सेसिव डिक्रीज के इक्विवेलेंट इंक्रीज या इक्विवेलेंट डिक्रीज निकालते हैं। अगर डिक्रीज हो रहा है तो घटाते चले जाते हैं बच्चे, लेकिन अगर यही चीज़ इंक्रीज हो रही है तो सभी को हम आगे बढ़ाते चलेंगे। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो हम सीख रहे थे उसमें सक्सेसिव इंक्रीज सीखते हैं क्या होता है। बेसिकली सक्सेसिव इंक्रीज ही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि बच्चों 11 से ही 1/9% और 12.5%, ये दो सक्सेसिव इंक्रीज दिए मैंने आपको, तो इक्विवेलेंट इंक्रीज बताइए क्या होगा। इस पर इंक्रीज है, बढ़ रहे हैं, क्रमागत वृद्धि है। ये दो सक्सेसिव इंक्रीज मतलब क्रमागत वृद्धि। तो 11 से 1/9% की फ्रैक्शन बनी 1/9, इसकी फ्रैक्शन बनी 1/8। यानी अगर किसी आर्टिकल की कीमत 9 थी तो अब एक इंक्रीज होके कितनी हो गई, 10। दूसरे आर्टिकल की कीमत 8 थी तो फिर से एक इंक्रीज होके कितनी हो गई, 9। इस पर बढ़ाते चलना है बच्चों। जब बढ़ाते चलेंगे तो 9 से 9 कटा तो 4, ये 5। इसका मतलब कि अगर स्टार्टिंग में उस आर्टिकल की कीमत 4 थी तो अब उस आर्टिकल की कीमत कितनी बची बच्चों, 5। तो 4 से 5 बची तो कितना इंक्रीज हुआ बच्चों, 1। तो 1 इंक्रीज हुआ किस पे बच्चों, 4 पे। तो 100 पे कितना, तो हम कहेंगे जी इक्विवेलेंट इंक्रीज है 25%। या इसको दूसरे शब्दों से अगर समझा जाए या खेला जाए तो हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जी अगर कोई प्रिंसिपल है उस पे पहले साल इतने परसेंट रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाए, दूसरे साल इस रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट किया जाए, तो बताइए फाइनली प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो हम कह रहे होंगे जी कोई धन अगर आज 9 है तो 1 बढ़ गया, 1 बढ़ के कितना हो गया, 10। अब अगर वो धन 8 है तो फिर से उस पर 1 बढ़ गया, यानी अब कितना हो गया, 9। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि जी वो धन अगर स्टार्टिंग में 4 था तो अब हो गया कितना बच्चों, 5। 4 से 5 होने का मतलब अगर प्रिंसिपल 4 था तो अमाउंट हो गई बच्चों कितनी, 5। तो बीच का जो ये डिफरेंस आ रहा है ये बन रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी एक यूनिट बना कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसा हो इसलिए रहा है कि अगर मान लीजिए कोई प्रिंसिपल एक्स यूनिट है तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले साल उसमें 11 से 1/9% का इंक्रीज हुआ, यानी कोई धन अगर 9 था तो 1 बढ़ के कितना हो गया, 10। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि पहले साल का जो इंटरेस्ट होता है उसे प्रिंसिपल में जोड़ देते हैं और फिर जो टोटल बना इसके ऊपर नेक्स्ट टाइम फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो हमने प्रिंसिपल 9 था तो उसमें एक इंटरेस्ट जोड़ दिया, तो इंटरेस्ट जोड़ने के बाद जो अमाउंट बना टोटल वो बना 10/9 ऑफ प्रिंसिपल, यानी इतना हमारा अब टोटल धन बना एक साल के बाद। अब सेकेंड ईयर कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल 8 है तो फिर से उस पर 1 रुपये इंटरेस्ट जोड़ो, प्रिंसिपल 8 मतलब पहले साल का इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मिला के अगर 8 बना तो उस पर फिर से 1 रुपये इंटरेस्ट लगाओ, तो इसके 1 रुपये और इंटरेस्ट जोड़ोगे तो ये आएगा 9/8। कैलकुलेट करोगे, सॉरी 9 से 9 ये 5, ये 4, तो इसका मतलब ये बनेगा एक्स इंटू 5/4, यानी स्टार्टिंग में कोई प्रिंसिपल 4 था तो अब कितना बन गया वो, 5। तो यही चीज़ें धीरे धीरे हम यहीं से सक्सेसिव इंक्रीज के मेथड से कंपाउंड इंटरेस्ट को समझते हैं थोड़ी देर। उसके बाद मैं डिटेल मेथड बताऊंगा और आखिरी में एक ऐसा मेथड बताऊंगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर पा रहे होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को। आइए सीखते हैं, आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है कि कोई प्रिंसिपल है, इस पर रेट है 10%, टाइम 2 साल है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, अमाउंट है 2420 रुपये। तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा मेरे प्यारे बच्चों कि 10%, यानी पहले साल भी सक्सेसिव इंक्रीज 10% है और दूसरे साल भी सक्सेसिव इंक्रीज 10% है। यानी पहले साल भी इंटरेस्ट 10% लगा, फिर पहले साल के प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ने के बाद उसके ऊपर फिर से 10% लगा। तो हम इसे साधारण भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई धन पहले साल 10 से 11 हुआ, दूसरे साल फिर वही धन 10 से 11 हो गया, यानी दूसरे साल की शुरुआत में अगर 10 है तो फिर से 11 हो गया। इसका मतलब 2 साल में वो धन 100 से 121 हो गया, यानी 2 ईयर्स में कोई 100 यूनिट का प्रिंसिपल 120 यूनिट अमाउंट बन गया। तो 2 साल में ये प्रिंसिपल था तो ये हो गया बच्चों अमाउंट। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बन रहा है बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया 21 यूनिट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है 21 यूनिट।
अमाउंट बन रहा है बच्चों 121 यूनिट, प्रिंसिपल बन रहा है 100 यूनिट, तो 21 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 121 यूनिट है अमाउंट, और अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है 2420 रुपए को। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 2420 बटे 121, तो वो आ रहा होगा आपको कितना, 20 रुपए। अगर एक यूनिट की वैल्यू 20 रुपए है तो 21 यूनिट की वैल्यू 21 गुना 20 यानी 0, 2, 4, 420। और अगर प्रिंसिपल की बात करें तो 100 यूनिट है तो 100 गुना 20, तो प्रिंसिपल आ रहा होगा 2000 रुपए। तो प्रिंसिपल 2000 रुपए है, तो अमाउंट 2420 रुपए है, तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है 420 रुपए। आइए प्यारे बच्चों, ऐसा ही एक सवाल है, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है, अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है, आपको रेट गिवन है बच्चों, टाइम गिवन है और कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है। तो दो साल तक यानी रेट यही रहेगी, तो इसकी फ्रैक्शन बनाते हैं 1/6, इसका मतलब पहले साल भी रेट 1/6 होगी, दूसरे साल भी रेट 1/6 होगी। तो हम इसे सिंपली लिख सकते हैं कि कोई धन एक साल में 6 से 7 हो रहा है, दूसरे साल फिर 6 से 7 हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि दो साल में वो धन 36 यूनिट से 49 यूनिट हो रहा है। यानी अमाउंट अगर बात करें तो 49 यूनिट होगा, प्रिंसिपल बात करें तो 36 यूनिट होगा, और इनके बीच का डिफरेंस बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा होगा बच्चों कितना, 13 यूनिट। बात आ रही है यहाँ तक समझ में? अब आप ये देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 780 रुपये, तो 13 यूनिट 780 रुपये, एक यूनिट की वैल्यू 60 रुपये। अगर एक यूनिट 60 रुपये है तो सवाल में आपसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल बताइए क्या होगा, तो हमारा प्रिंसिपल है 36 यूनिट, तो एक यूनिट की वैल्यू 60, तो 36 यूनिट की वैल्यू कितनी, 0 6 6 36 बच्चों 36 18 और 3 21, यानी 2160 रुपये हुआ हमारा बच्चों प्रिंसिपल। अब इसी तरीके से अगर आपसे अमाउंट पूछी जा रही है, तो हम जानते हैं कि अमाउंट है बच्चों 49 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू है 60 रुपये, तो गुना करेंगे तो 0 6 9 54 6 4 24 और 5 29, यानी अमाउंट है 2940 रुपये, प्रिंसिपल है 2160 रुपये, और कंपाउंड इंटरेस्ट है 780 रुपये। तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब जब सवाल में आपको प्रिंसिपल, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो पूछा जाए, या इन तीनों की बारे में कुछ भी चीज़ें इंफॉर्मेशन पूछी जाए, तो आपका सबसे ठीक और सटीक मेथड होगा सक्सेसिव इंक्रीज का। आप इस मेथड से उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 11:1/9%, फ्रैक्शन बनी 1/9। सेकेंड है 12.5%, फ्रैक्शन बनी 1/8। इसका मतलब कोई धन पहले साल 9 से 10 हुआ, दूसरे साल वही धन 8 से 9 हुआ, यानी इट मींस कोई सम है जो फर्स्ट ईयर 9 to 10 हुआ, सेकंड ईयर 8 to 9 हुआ, तो सोल्व आउट कर रहे होंगे। तो इट मींस कोई प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर 4 है तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 5, तो 4 से 5 हो रहा है, तो बच्चों ये बना हमारा प्रिंसिपल, ये बना हमारा अमाउंट, और ये जो डिफरेंस आ रहा है इट विल बिकम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है 1 यूनिट। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों 1 यूनिट बन रहा है, तो क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है 480 रुपये, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 480 रुपये। तो हमसे बात पूछी गई है कि प्रिंसिपल बताइए, तो प्रिंसिपल है हमारा 4 यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 यूनिट की वैल्यू है 480, तो 4 यूनिट की वैल्यू होगी 4 गुना 480, यानी 0 4 8 32 4 4 16 और 3 19, यानी प्रिंसिपल है बच्चों हमारा 1920 1920। और अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट है 5 यूनिट। अगर अमाउंट 5 यूनिट है तो 1 यूनिट की वैल्यू 480, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 480, 0 5 8 40, 5 4 20 और 4 24, तो अमाउंट हो गई है बच्चों 2400 रुपये, प्रिंसिपल आया 1920 रुपये, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन ने दे रखा था 480 रुपये। तो चीज़ें हम लोग धीरे 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 सीखना शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपस पेशेंस रख के सीखते चले जाइए, अभी मन में ऐसे डाउट मत लाइए कि जी 2.5 साल हो 1.5 साल हो, सारे लेके आऊँगा बच्चे, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझाऊँगा। बट ओनली वन थिंग यू हैव टू,
विच इज़ पेशेंस। बस पेशेंस रखिए, चीज़ें धीरे 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 समझते चले जाइए। दूसरा बच्चों, मैं एक चीज़ और भी आपसे कह रहा हूँ कि इन प्रोसेस को आप धीरे से आराम से समझते चलिए, एक एक स्टेप को, और बारीकी से धीरे धीरे बार बार देखते देखते समझते चलिए आराम से। ज़रूरी नहीं है कि हम 3 घंटे या 5 घंटे का कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर है तो उसे एक ही बार पढ़ें। हम आधे ही घंटे का पढ़ें, लेकिन अच्छे मन से पढ़ें और कंटिन्यू बन के पढ़ें। ऐसा ना हो कि हम बस पढ़ें फिर छोड़ दें फिर आगे, ऐसे नहीं, अच्छे से पढ़ें। दूसरी चीज़ प्यारे बच्चों, एक और मैं कह रहा था कि भी हम लोगों के सामने एक समस्या आ रही है कि हम YouTube पे डाल रहे हैं तो बड़ी समस्या आ रही है बच्चों को परचेज़ करने की। तो मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है अभी कि हम लोग पेनड्राइव कोर्स लेके आ रहे हैं, जहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को पेनड्राइव में अवेलेबल करा देंगे और हमारी टीम उस पर लगी हुई है। और ये जो सिस्टम है ये पूरा हमारा अप्रैल एंड तक हमारा पॉसिबल हो जाएगा, और हम सारा सिलेबस आपको पेनड्राइव में डाल के दे देंगे, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो, GS हो, रीजनिंग इंग्लिश हो, सारे सब्जेक्ट आपको दे देंगे। तब तक धीरे धीरे हम जुड़ते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं कि हम कितना आसानी से और क्या काम कर सकते हैं। अगर हम आसानी से काम करते रहे तो हम यूट्यूब पे आते रहेंगे आपके साथ, पेड वीडियो के साथ भी। अदरवाइज़ होगा क्या कि आप लोगों को मेरी वेबसाइट पे आना पड़ेगा, वहाँ से आप परचेज कर पाएंगे उस पेनड्राइव को। हम आपको बाई कोरियर आपके घर पर भेज देंगे, और वो एक प्ले स्टोर का मीडियम होगा, उसके थ्रू हम चीज़ें आपको समझाएंगे कैसे यूज़ करनी। तो उस पर हम थोड़े दिनों में बात करने वाले हैं बच्चों आपके साथ। तो अगर हम अभी पेड वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं तो उसका एक रीज़न है कि हम YouTube के साथ ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो पा रहे, या चीज़ें टेक्निकली बहुत अच्छे से करेक्ट नहीं हो पा रही हैं। तो थोड़ा सा वेट करिए, हमारे पास चीज़ें तैयार हैं सारी, बस हम थोड़ा वेट कर रहे हैं कि टेक्निकली साउंड हो जाए। तो अप्रैल एंड तक 100% हम आपको सारी चीज़ें पेनड्राइव कोर्स में अवेलेबल करा देंगे, और वो सारी चीज़ें हम ऑनलाइन सेल कर रहे होंगे, मेरी ही वेबसाइट पर सेल हो रही होंगी वो। तो तब तक का वेट करिए, और अगर चीज़ें ठीक हुई तो हम YouTube पे कल भी डाल देंगे, परसों भी डाल देंगे। तो हम बस अपनी तरफ से टेक्निकली साउंड होना चाहते हैं बच्चों। आइए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। और ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, मैंने आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, ये जितने क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ये आपके बोनस के रूप में गिने जाएंगे। जितने क्वेश्चन आए समझिए बोनस है, क्योंकि आखिरी में मैं एक ऐसा मेथड आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, और वो बहुत लंबा मेथड नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का होगा। आधे घंटे में आप कोई भी टाइम हो, कोई भी रेट हो, कुछ भी हो, आप सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर देंगे और हर क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में ख़त्म कर देंगे। वो तरीका मैं आपसे आखिरी में डिस्कस करूँगा। तब तक हम चीज़ें धीरे 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 समझते चलते हो। भयंकर तरीका होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन हो जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का हो, आप 2 से 3 सेकंड मैक्सिमम बोलना, वरना आप पढ़ोगे। और चूंकि मैं ऐसा टाइम इसलिए कह रहा हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत बड़ी बड़ी भाषाएं नहीं होती, छोटी लैंग्वेज होती है। जैसे इस तरह का क्वेश्चन लिखा आया, ये एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है। अभी मैं आपको धीरे धीरे तैयार करा रहा हूँ उस लेवल तक पहुँचने पर। जैसे आपकी सोचने की शक्ति वैसी होगी, फिर हम सीधे एग्जाम के क्वेश्चन की बात कर रहे होंगे, तो वो हम बहुत जल्दी से सॉर्ट आउट करेंगे, उसे सबसे आखिरी में डिस्कस कर रहे होंगे। अभी एक बात फिर से दोहराता हूँ, पेशेंस रखना है, चीज़ों को समझना है। आइए बच्चों, तो यहाँ मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से डिफरेंट रेट हो, सेम रेट हो। अभी 2 ही साल में समझा रहा हूँ, फिर 2 साल में टाइम तोड़ के बताएंगे, 1.5 साल, 1 साल, 73 दिन, इस तरह की सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो आया होगा बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी पे। प्यारे बच्चों, अभी जो मैंने आपको कराया था सवाल इससे एक जस्ट पहले, मैं उसी क्वेश्चन को दोबारा आपके सामने दोहरा रहा हूँ कि प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है, अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है, रेट है बच्चों 16:2/3%, और अगर कुछ भी ना लिखा हो तो 16 आप इसका मतलब ये समझिए पर एनम है। कुछ ना लिखा हो मतलब पर एनम की बात हो रही है। तो आपको कंपाउंड दिया, अमाउंट और प्रिंसिपल बताना। मैंने आपको कहा कि बच्चों जब भी आपको प्रिंसिपल, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट का रिलेशन ढूंढना हो, सबसे बढ़िया तरीका जो है वो एक है, वो है सक्सेसिव का। जैसे मैंने वहाँ समझाया, फिर से रिपीट करता हूँ, रेट बनी 1/6, तो पहले साल भी 6 से 7 हुए, दूसरे साल भी 6 से 7 हुआ धन, 2 साल में वही धन 36 से 49 हुआ, तो अमाउंट हुआ 49, प्रिंसिपल हुआ 36, तो डिफरेंस हुआ बच्चों कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट वो बन रहा है 13 यूनिट, डिफरेंस हो रहा है 13 यूनिट। तो 13 यूनिट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, इट बिलोंग्स टू 780 रुपीज़, सो 1 यूनिट बिलोंग्स टू 60 रुपीज़, सो वट एवर द वैल्यू यू वॉन्ट टू फाइंड जस्ट मल्टीप्लाइड बाई 60। सो इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड द अमाउंट, अमाउंट इज 49 यूनिट एंड 1 यूनिट बिलोंग्स टू 60, सो द टोटल वैल्यू ऑफ अमाउंट। इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज 36 यूनिट एंड 1 यूनिट रिप्रेजेंट 60 रुपीज़, सो इट इज प्रिंसिपल। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को बच्चे सॉर्ट आउट कर पा रहे थे।
अभी मैं यहाँ पे सिखाता हूँ, यहाँ तो आपने एक फ्रैक्शन के मेथड को अडॉप्ट किया कि भाई 16 से ही दो बटे 3% रेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी पहले साल कोई धन एक्स, मान लो कोई प्रिंसिपल एक्स था, पी रुपये था, तो पहले साल 16 से ही दो बटे 3% इंटरेस्ट बना, यानी 6 प्रिंसिपल था तो एक इंटरेस्ट हो गया, तो अब जो प्रिंसिपल है वो अपने आप का कितना हो गया, 7/6 टाइम्स हो गया। तो ये दूसरे साल के स्टार्टिंग में, अब फिर से उस पर 16 से 2/3%, फिर हम कहेंगे जी वो फिर से 7/6 टाइम्स हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर रहे थे। अब हम एक्चुअल में समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है। आइए बच्चों समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रिंसिपल मान लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ कि क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे चलता है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रिंसिपल मान लें, 2, 4, 5, 10, जो दिल करे वो मान लीजिए। तो मैंने मान लिया जी प्रिंसिपल है 100 यूनिट, कुछ भी मानिए। अच्छा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, परसेंटेज वाली वीडियो आपने रेंट नहीं की होगी, परचेज की होगी, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ऐसा मान मैं इसलिए लेता हूँ कि उसे बार बार देखोगे ना तो चीज़ें अच्छी तरह क्लियर होगी। कहीं अगर छोटे मोटे डाउट भी आ रहे होंगे तो मैं, आप उसको कमेंट्स वगैरह में लिखिएगा, मैं जैसे ही समय लगेगा तो हम उन डाउट्स पे एक बार फिर से डिस्कस कर देंगे, फ्री वीडियो उसकी एक अलग से बना के डाल देंगे कि बच्चों को यहाँ यहाँ डाउट आ रहा था तो हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं दोबारा से। तो वो सारी चीज़ें हम ईमानदारी से आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसको बार बार देखते रहिए, जितनी बार आप उसको देखेंगे उतनी अच्छी तरह से चीज़ें क्लियर होंगी। आपने कई बार बच्चों ये चीज़ नोटिस की होगी कि हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर रहे हैं तो सॉर्ट आउट करते पहली बार में वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से सेंस नहीं देता या पहली बार में चीज़ समझ में नहीं आती, लेकिन जब उसी पोर्शन को हम 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो हमें चीज़ समझ में आती है। देखिए, अर्थमेटिक है, भाषा का खेल है, तो भाषा को जितना अच्छे से और बारीकी से पढ़ा जा सके पढ़िए। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, उसको परचेज करिए, रेंट पर मत आइए और अच्छे से चीज़ों को समझिए। देखिए बच्चों, प्रिंसिपल है 100 यूनिट, तो मेरे प्यारे बच्चों कंपाउंड निकालने से पहले आप इस बात को समझिए कि प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट निकाला जाता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकालो यानी सिंपल, और उस साल से पहले अगर कोई इंटरेस्ट लगा हुआ है तो उस पे इंटरेस्ट निकालो, ये रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम पहले साल निकालेंगे 16 से 2/3% यानी 1/6। तो अब देखो यार, 100 यूनिट का 1/6 निकालोगे तो फंस जाओगे, कैलकुलेशन पॉइंटों में आएगी, और जैसे ही पॉइंटों में कैलकुलेशन आएगी मेरे प्यारे बच्चों आपकी स्पीड खराब हो जाएगी। इसलिए इस प्रिंसिपल को जो मैं कह रहा था ना कि जो दिल आए वो मानो, लेकिन उस दिल को थोड़ा संभालो और उस दिल को बोलो ऐसा कुछ माने कि फ्रैक्शन ना बने। तो फ्रैक्शन कैसे ना बने, तो उसके लिए तरीका बता रहा हूँ कि जो फ्रैक्शन बनी उसमें जो अपॉन में वैल्यू आ रखी, बटे में जो वैल्यू आ रखी, इसकी पावर टाइम मान लो प्रिंसिपल, जैसे टाइम यहाँ 2 साल है तो 6^2 मान लो, तो बच्चों 6^2 कितना बना, 36। तो आप मान लीजिए कि प्रिंसिपल है 36 यूनिट, अगर प्रिंसिपल 36 यूनिट है तो 36 यूनिट का पहले साल 1/6 कितना बना, 6 यूनिट, दूसरे साल 1/6 कितना बना, 6 यूनिट। तो पहले साल सिंपल इंटरेस्ट 6 यूनिट, दूसरे साल भी सिंपल 6 यूनिट। अच्छा, और सिंपल कभी नहीं बदलता, जो नाम ही सिंपल है वो हमेशा उतना ही चलता रहता है, क्योंकि वो कैपिटल पे इंटरेस्ट होता है। अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट इज बेसिकली द इंटरेस्ट विच इज ऑन कैपिटल, नॉट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज अ इंटरेस्ट विच इज ऑल्सो ऑन कैपिटल एंड एज वेल एज इट इज ऑल्सो एन इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल पे भी ब्याज लग रहा है साथ के साथ ब्याज पे भी ब्याज लग रहा है। तो हम पहले हमेशा सिंपल निकालते हैं, तो हमने इसका 1/6 निकाला, 6 यूनिट बना, 1/6 निकाला, 6 यूनिट बनाया। अब मैं देख रहा हूँ कि बच्चों मैंने पहले साल तो ब्याज निकाल दिया 6 यूनिट बना, तो ये तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगा जिसे मैं सिंपल कहता हूँ, तो अब मुझे कंपाउंड निकालना है पहले साल, तो मैं देख रहा हूँ क्या इससे पहले कोई इंटरेस्ट लगा हुआ है पीछे, तो आप कह रहे हैं कोई इंटरेस्ट नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट भी यही बनेगा और पहले साल का मेरे प्यारे बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट भी यही बनेगा। अब आते हैं दूसरे साल, तो दूसरे साल आपने प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगा दिया, अब ये देखिए इस इंटरेस्ट से पहले क्या कोई इंटरेस्ट है, तो आप कहेंगे हाँ ये वाला इंटरेस्ट लगा हुआ है तो इस पे भी ब्याज लगेगा सेकंड ईयर, लेकिन किस रेट से, 1/6, तो 6 का 1/6 बच्चों कितना बना, 1। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट बताइए 2 साल का,
तो आप कहेंगे सर 6 और 6 12 यूनिट। मैं कहूँ कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए बच्चे मुझे, तो आप कहेंगे सर 6 6 12 और 1 13, तो ये बना कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल बना 6 और 6 12, कंपाउंड बना 6 6 12 और 1 13 यूनिट। ये सिंपल इंटरेस्ट बना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट बना। अब हमें दे रखा था बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट 13 यूनिट कितना बच्चों, 780 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल रहे थे तो आएगी 60, और आप यूनिट निकाल पा रहे होंगे 13 यूनिट 780, एक यूनिट 780/13 डिवाइड करोगे तो आएगी 60। अब आपसे अगर सवाल में पूछा जाए कि सिंपल इंटरेस्ट बताइए, तो आप कहेंगे 12 यूनिट है तो 12 × 60, इस तरह सोल्व कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल बताइए, तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल है 36 यूनिट, तो हमारा प्रिंसिपल होगा 36 यूनिट × 60 रुपीज़। अगर मैं कहूँ कि अमाउंट बताइए, तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है बच्चों हमारा 13 यूनिट इक्वल्स टू अमाउंट। तो अमाउंट होगा मेरे प्यारे बच्चों 36 + 13 कितना 49 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू 60, तो 49 यूनिट की वैल्यू कितनी। तो ये ऐसा तरीका है जिससे आप एक एक चीज़ इंडिविजुअली निकाल सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताइए, तो आप कहेंगे सर एक यूनिट, और एक यूनिट कितना था मेरे प्यारे बच्चों 60 रुपये। इसका मतलब CI और SI का जो डिफरेंस होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 60 रुपये होगा साथ की साथ। अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों आपसे ये कहूँ कि मुझे दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो आप कहेंगे सर ये पहले साल का कंपाउंड है, ये पूरा 2 साल का कंपाउंड है, दूसरे नहीं पूरा 2 साल का कंपाउंड है, और ये वाला जो है ना मेरे प्यारे बच्चों ये दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये डिटेल मेथड है, इस डिटेल मेथड से आप एक एक चीज़ निकाल सकते हैं। आप दिनों का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, निकाल तो आप सक्सेसिव वाले से भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सिंपल निकाल सकते हैं, आप कंपाउंड और सिंपल का डिफरेंस निकाल सकते हैं, आप सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी वेराइटीज़ हैं जो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए बच्चों आप आगे बढ़ते हैं, आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है कि रेट दिया हुआ है, CISI का डिफरेंस दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपसे पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो आप ये देखिए कि फ्रैक्शन बनी 1/7। मैंने तरीका बताया कि अगर आप डिटेल में करना चाहते हैं तो टाइम लीजिए, जो टाइम है उतनी पावर करिए। तो 7 की पावर 2 करेंगे तो प्रिंसिपल मान लीजिए 49 यूनिट है, 49 यूनिट है प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल इज 49 यूनिट, सो 1/7 टाइम ऑफ फर्स्ट ईयर। तो पहले साल का 1/7 से निकालेंगे तो आ रहा होगा बच्चों 7 यूनिट, दूसरे साल फिर प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये आएगा 7 यूनिट। अब होगा क्या मेरे प्यारे बच्चों कि हमने जो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकालना था वो तो निकाल लिया, अब हम पहले साल का जो इंटरेस्ट है, क्योंकि सेकंड ईयर इससे पहले तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो पहले साल का तो CI भी यही और SI भी यही, लेकिन दूसरे साल हमने प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगा दिया। अब हम ये देख रहे हैं इससे पहले भी क्या कोई इंटरेस्ट है, तो हाँ है, तो इस पर भी ब्याज लगेगा। तो 7 का 1/7 कितना बना बच्चे 1। तो इसका अर्थ ये बना कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो बना वो बना 14, दो साल का जो कंपाउंड बना वो कितना बना बच्चों 15, दो साल का कंपाउंड बना 15, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट बना 14 यूनिट। तो ये बताओ बच्चों CISI का डिफरेंस कितना आया 1 यूनिट, और 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे बच्चों 40 रुपए को। तो 1 यूनिट 40 रुपए, तो आपसे जो पूछ रहा हो निकालता है। अगर उसने पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए तो 15 यूनिट था, तो 15 यूनिट × 40 यानी 600। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिंसिपल बताइए, तो प्रिंसिपल था 49 यूनिट × 40। तो इस तरीके से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब धीरे धीरे चीज़ों को समझिए बच्चों, ये पहले साल का सिंपल और कंपाउंड यही है, ये दूसरे साल का सिंपल भी हुआ और दूसरे साल का कंपाउंड भी हुआ, ये पूरे 2 साल का कंपाउंड हुआ, ये पूरे 2 साल का सिंपल हुआ। तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये हमेशा ही 2 साल के CISI का डिफरेंस ही होती है। तो आप ध्यान रखें कि ये CISI का डिफरेंस, ये सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट,
ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये 2 साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, और अगर प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो हमारा आएगा अमाउंट। आइए प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है कि रेट गिवन है आपको, टाइम 2 साल है, CSI का डिफरेंस दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है 180 रुपये। आपको कंपाउंड बताना है, आपको प्रिंसिपल बताना है, तो आप करिए क्या कि 15% की फ्रैक्शन ले आइए। तो 15% की फ्रैक्शन जो होगी बच्चों, आप ये बताओ मेरे प्यारे बेटा कि 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है बच्चों? आप कहेंगे सर 1/20। तो 15% क्या बच्चों? 5 का 3 गुना, तो 15% की फ्रैक्शन होगी 3/20। तो करिए क्या कि जो वैल्यू बटे में लिखी है ना, इसकी पावर टाइम लिखी, तो 20 की पावर 2 करोगे तो बनेगा बच्चों कितना? 400। अगर 20 की पावर 2 करते हो तो ये बनता है हमारा 400। तो पहले साल 3/20, दूसरे साल भी 3/20, तो 3/20 इसका निकालेंगे 400 का, तो ये आएगा बच्चों 60। 400 × 3/20 करेंगे तो आएगा 60, यानी पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 20 हुआ, दूसरे साल भी कैपिटल पे जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो 60 ही हुआ। अब हमें करना क्या होगा कि पहले साल के ब्याज पे ब्याज कैलकुलेट करना होगा, तो 60 का 3/20 निकालेंगे, या तो आप 60 का 15% लिख लो या 60 का 3/20, एक ही मतलब हुआ। तो 60 का 3/20 निकालोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी बच्चों 9। तो ये बना 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपसे सवाल में पूछा जाए 2 साल का सिंपल बताइए, तो आंसर होगा 120 यूनिट। अगर मैं कहूं कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए कितना हुआ, तो 60 60 120 और 9 129 यूनिट। 2 साल का कंपाउंड 129, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 120 यूनिट। तो 2 साल के CISI का जो डिफरेंस बना वो कितना बना? 9 यूनिट। और हमें कह रहा है कि 2 साल के CISI का डिफरेंस जो है वो है 180 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 20 रुपये। तो आपसे पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट बताइए, तो 120 × 20, कंपाउंड पूछे तो 129 × 20, अगर आपसे बोले कि प्रिंसिपल बताइए तो 400 यूनिट, तो 400 × 20। अगर आपसे सवाल में सिर्फ ये बोले कि सेकंड ईयर का कंपाउंड बताइए, तो ये हुआ बच्चों सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 60 और 9, तो 69 यूनिट हुआ सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो गुना करेंगे हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करते चलिए, छोटी छोटी चीज़ों को समझते चलिए। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है कि रेट 8 से 1/3% फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये बनेगी 1/12। तो 1/12 बनेगी बच्चों, तो 12 की पावर टाइम रखिए 2 साल, तो 12 की पावर 2 करोगे तो प्रिंसिपल मान लीजिए 144 यूनिट। अगर प्रिंसिपल 144 यूनिट मानेंगे तो आप पहले साल सिंपल निकालेंगे 1/12 यानी 12, सेकंड ईयर 12 निकालेंगे, फिर पहले साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालेंगे वो आएगा 1/12 का 1/12 यानी 1। अब अगर मैं आपसे सवाल में कहूँ कि बच्चों मुझे 1 साल का कंपाउंड बताओ, तो आप कहेंगे सर पहले साल का कंपाउंड भी यही और सिंपल भी यही। मैं कहूँ बच्चों मुझे 2 साल का कंपाउंड बताओ, तो 2 साल का यही कंपाउंड है और यही सिंपल। अगर मैं कहूँ आपको सॉरी 2 साल का ये है सिंपल इंटरेस्ट 12 और 12 24 यूनिट, और ये है पूरा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 12 12 24 और 1 25। अब आप ये देखिए कि दूसरे साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना, तो 12 और 1 13, यानी सेकंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होगी तो 12 और 1 13 यूनिट। तो हम यहाँ लिखेंगे जी सेकंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है बच्चों 13 यूनिट, 12 और 1 13 यूनिट, और 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 9.10 रुपीज को। तो हमें कहना है जी 1 यूनिट की वैल्यू होगी 9.10/13। आप 13 से डिवाइड करोगे बच्चों, तो देखो पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो लिखेंगे, 1 जीरो कैंसिल आउट होगी, 13 से डिवाइड करेंगे 7, तो हमारा आंसर आ रहा होगा 0.7। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ रही होगी हमारी वो आ रही होगी 0.7 रुपीज़।
अगर एक यूनिट 0.7 रुपीज है तो हमसे पूछा हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है बच्चों 25 यूनिट, तो 25 गुना 0.7, बस बच्चों हम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है 25 यूनिट, एक यूनिट 0.7 रुपीज, सोल्व करना है, पॉइंट हटा भी सकते हैं, बटे लिख देंगे 10, तो 5 5 25, 5 2 10 बच्चों, तो ये आएगा 35/2, और 35/2 आया तो हम लिख देंगे जी 17.5 रुपये हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसे ही प्रिंसिपल पूछ रहा है तो 144 यूनिट गुना 0.7, तो इस तरीके से इन्हें सोल्व करिए। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, हमारा एक क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, रेट है 6:2/3% पर एनम, टाइम है 2 साल, और सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 8 रुपये है, तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो बताया प्यारे बच्चों, रेट ले लीजिए 6:2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/15, और प्रिंसिपल ऐसा नंबर मानिए जो बटे में लिखा है उसकी पावर टाइम, तो 15^2 रखोगे बच्चों तो प्रिंसिपल बना कितना 225। अगर प्रिंसिपल 225 यूनिट है तो पहले साल 1/15 रहेगा बच्चों कितना 15, सेकेंड ईयर जो रहेगा वो भी रहेगा प्यारे बच्चों 15। अब पहले साल के इंटरेस्ट पे जब आप इंटरेस्ट लगाएंगे तो 15 का 1/15 लगाएंगे तो यू विल गेट इट 1। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताइए, तो आप मुझे बताएंगे सर 15 15 30 यूनिट। मैं कहूँ बच्चों आप मुझे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो आप बताएंगे 31 यूनिट, ये आप कहेंगे 2 साल का कंपाउंड है, ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। अगर मैं आपको प्यारे बच्चों कहूं कि आप मुझे 2 साल के CISI का डिफरेंस बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 30 और 31 का डिफरेंस आया 1 यूनिट। तो इस तरीके से हम चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे होंगे, और 1 यूनिट जो होगा वो CISI का डिफरेंस होगा। और अगर मैं आपको कहूं कि मुझे सेकंड ईयर का कंपाउंड बताइए, तो आप कहेंगे सर 15 और 1 16 यूनिट सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 15 और 1 16 यूनिट, और 16 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों सेकंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट को, और इट इज़ इक्वल्स टू 8 रुपीज़, तो 16 यूनिट 8 रुपये को बता रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 8/16 यानी 1/2 रुपीज़। नाउ वॉट एवर ही वांट टू आस्क, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई 1/2 ईच एंड एवरी यूनिट। So if he wants to ask the principal, then principal is 225 unit and 1 unit belongs to 1/2 rupees. So make it multiply and you will get 112.5 rupees. It is the principal. आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है कि रेट है 20%, टाइम 1 ईयर 73 डेज है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, हमें प्रिंसिपल और अमाउंट वगैरह चीज़ें निकालनी है। तो एज ए स्टूडेंट मुझे सबसे पहले ये देखना है कि टाइम अगर 1 साल और 2 साल के बीच में हो तो आप मेरे प्यारे बच्चों टाइम पूरा 2 साल काउंट करिए, अगर टाइम 1 साल और 2 साल के बीच का हो तो टाइम पूरा 2 साल काउंट करिए। अगर टाइम पूरा 2 साल काउंट करते हैं तो फ्रैक्शन बनी 1/5, तो जो बटे में आ रहा अपॉन में आ रहा उसकी पावर टाइम रखेंगे, यानी 5^2 रखेंगे, तो आप प्रिंसिपल मानेंगे 25, और अगर आप प्रिंसिपल 25 यूनिट मानते हैं तो पहले साल दूसरे साल, पहले साल आप निकालेंगे 1/5 5, दूसरे साल निकालेंगे 1/5 5, उसका पहले साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाएंगे तो 5 का 1/5 निकालेंगे तो ये आ रहा होगा बच्चे 1। तो कहानी ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे बात करूँ 2 साल का, तो आप कहेंगे सर 5 5 10 और 1 11। अगर मैं कहूँ 2 साल का सिंपल बताओ, तो आप कहेंगे 5 और 5 10। अगर मैं कहूँ कि 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट हुआ। मैं कहूँ बच्चों दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो आप कहेंगे सर 6 यूनिट हुआ। यानी प्यारे बच्चों 6 यूनिट जो कंपाउंड इंटरेस्ट बना ये पूरे दूसरे साल का बना, और आपको पूरे दूसरे साल में पूरे दूसरे साल का नहीं चाहिए, देखिए 1 साल तो पूरा चाहिए था तो हमने ले लिया, दूसरे साल की केवल 73 डेज की बात करनी है हमने, तो दूसरे साल के 73 दिन का कंपाउंड चाहिए, तो ये जो 6 यूनिट कंपाउंड है पूरे 365 दिन का है, और आपको चाहिए बच्चों केवल 73 दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 73 से सॉर्ट आउट करोगे 5 आएगा, इसे कैलकुलेट करोगे 1.2 आएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी ये जो 6 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट आया ये पूरे दूसरे साल का आया,
तो ये जब पूरे दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बना 6 यूनिट, तो यानी पूरे दूसरे साल के 365 दिन का बना और आपको चाहिए 73 दिन का, तो ये बना बच्चों 1.2 यूनिट। तो यानी एक साल का कंपाउंड 5 यूनिट है और दूसरे साल के 73 दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट 1.2 यूनिट है, जोड़ेंगे तो ये बनेगा 6.2 यूनिट। अब इतने यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों 1240 रुपए को। तो मेरे प्यारे 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 बच्चों, एक यूनिट की वैल्यू होगी 1240 बटे 6.2। पॉइंट हटाएंगे बच्चों, एक जीरो और लगाएंगे, 62 से काटेंगे 2, तो एक यूनिट की मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू आएगी 200 रुपये। अगर एक यूनिट 200 रुपये है तो आपसे सवाल में पूछ रहा है कि प्रिंसिपल बताइए, तो प्रिंसिपल है प्यारे बच्चों कितना, 25 यूनिट। एक यूनिट 200 रुपये, तो 25 यूनिट आएगा हमारा कितना, 5000। तो अगर आप प्रिंसिपल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो होगा 5000 रुपये। अगर आप अमाउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो प्रिंसिपल में कंपाउंड जोड़ के आप अमाउंट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी टाइम हो, आपने करना क्या है, पहला साल पूरा था उसे पूरा रखना है, दूसरे साल के जितने दिन का चाहिए उतने दिन का कंपाउंड आप निकाल लेंगे। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमसे सवाल में पूछ रहा है कि प्रिंसिपल निकालना है क्या होगा, रेट 12.5% पर एनम है, कुछ ना लिखा हो तो मतलब पर एनम की बात हो रही है। कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है बच्चों, टाइम दिया है 1 ईयर 4 मंथ। तो बात आती है कि हम इसे कैसे सोल्व करें। मैंने तरीका बताया, अगर प्यारे बच्चों टाइम 1 साल और 2 साल के बीच में है तो पूरा 2 साल काउंट करिए, तो 12.5% की फ्रैक्शन बनी बच्चों 1/8। तो करना क्या, आपने 8 की पावर टाइम लेनी है, तो टाइम कितना लेना है, 2 साल। तो 8 की पावर 2 करोगे बच्चों तो प्रिंसिपल बना 64, और अगर प्रिंसिपल 64 यूनिट बना तो पहले साल का 1/8 निकालोगे, 8 बना, दूसरे साल फिर 1/8 निकालोगे, 8 बना, फिर पहले साल के ब्याज पे ब्याज रखोगे तो 8 का 1/8 बनेगा बच्चों 1। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे प्यारे बच्चों मुझे पहले साल का कंपाउंड बताइए, तो आप कहेंगे 8, क्योंकि पहले साल का कंपाउंड भी वही होगा, पहले साल का सिंपल भी वही होगा। अब बात करते हैं दूसरे साल। तो ये जो है बच्चों, ये पूरे दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बना, कितना बना मेरे प्यारे बच्चों, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट पूरे दूसरे साल का कंपाउंड बना, और हमसे जो पूछा जा रहा है वो दूसरे साल में केवल कितने महीने पूछे जा रहे हैं बच्चों, 4 महीने। तो ये जो 9 यूनिट बना पूरे दूसरे साल के 12 महीने का कंपाउंड बना, और हमें चाहिए मेरे बच्चों 4 महीने का। तो 4 महीने का कितना कंपाउंड बना बच्चों, 3 यूनिट। तो इसका मतलब पहले साल कंपाउंड 8 यूनिट और दूसरे साल के 4 महीनों का कंपाउंड 3 यूनिट, तो जोड़ेंगे तो ये बन रहा होगा 11 यूनिट। और 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा किस चीज़ को बच्चे, 17820 को। तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 11 × 11 बच्चों, बचा कितना हमारा, 6 2 0। तो एक यूनिट की वैल्यू 1620। अब हमसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल बताइए, तो प्रिंसिपल था मेरे प्यारे बच्चों 64 यूनिट, तो 64 × 1620 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको 2 साल में अलग अलग टाइम लेके चीज़ें समझाई, अलग अलग रेट लेके चीज़ें समझाई, कंपाउंड पूछ लेता है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेता है, CSI का डिफरेंस पूछ लेता है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लेता है, बहुत सारे रिलेशन मैंने आपको करा के सवालों में समझाए। अब हम धीरे धीरे 3 साल पे आते हैं, समझते हैं कैसे। एक क्वेश्चन आपके सामने के प्रिंसिपल पूछना है, रेट आपके सामने गिवन है 10%, टाइम 3 साल है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 6620 रुपये। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा सबसे बढ़िया तरीका अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो वो होता है सक्सेसिव का। तो रेट है यहाँ पे 10%, तो 10% की फ्रैक्शन बनी 1/10, यानी पहले साल कोई धन 10 से 11 हुआ, दूसरे साल फिर वही धन 10 से 11 हुआ, तीसरे साल फिर वही प्रिंसिपल 10 से 11 हुआ, यानी सेकंड ईयर में कोई 10 था तो फाइनल में 11 हो जाएगा, फिर थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में 10 था तो लास्ट में फाइनल में 11 हो जाएगा। तो यानी 3 साल में अगर कोई प्रिंसिपल 1000 यूनिट था, ये प्रिंसिपल है बच्चों, तो 3 साल बाद वो हो जाएगा 1331 यूनिट। तो ये बना मेरे प्यारे बच्चों अमाउंट, इनके बीच का जो डिफरेंस आया ये आया कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड इट इज़ इक्वल्स टू 331 यूनिट। तो 331 यूनिट 6620, 6620 रुपये मैंने लिखा हुआ है, 6620 रुपीज़,
सो वन यूनिट बिलोंग्स टू ₹20, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई ₹20। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल बताएं, तो प्रिंसिपल था बच्चों 1000 यूनिट, तो अगर प्रिंसिपल पूछ रहा है आपसे तो 1000 यूनिट × 20 यानी 20,000। अगर आपसे पूछ रहा है अमाउंट बताइए तो 1331 यूनिट × 20, तो ये अमाउंट आ जाएगा, ये प्रिंसिपल आ जाएगा। इस तरीके से हम चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे। आइए बच्चों इसी क्वेश्चन की तरफ फिर से आते हैं। अभी मैंने समझाया आपको सक्सेसिव से, अब मैं समझाता हूँ डिटेल मेथड क्या होता है। तो प्यारे बच्चों करिए क्या कि प्रिंसिपल ऐसा नंबर मानिए जिससे फ्रैक्शन ना बने, और तरीका बताया प्रिंसिपल कैसे मानिए कि जो बटे में वैल्यू लिखी है उसकी पावर टाइम लीजिए। तो 10^3 रखोगे तो प्रिंसिपल बनेगा बच्चों 1000। ये सब सवाल चुटकियों में सोल्व कराना मैं आपको सिखाऊंगा। आई काकरी मेथड लास्ट में डिस्कस कर रहे होंगे। तो 1000 यूनिट है बच्चों, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहले साल हम 10% यानी 1/10 निकालेंगे। अच्छा बच्चों आप जानते हैं बात कि सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल सेम रहता है, ये कभी नहीं बदलता। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं कहूँ पहले साल बताओ बच्चों कितना बना, तो 200, दूसरे साल 200, तीसरे साल 200, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट सीधा सीधा जोड़ के लिख देते हैं हम 300 यूनिट। अब कहानी ऐसा है कि बच्चों कंपाउंड निकालते हैं तो पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगाते हैं, यानी हम ये देखते हैं कि पहले, सबसे पहले हम प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगाते हैं, वो लगा दिया, इससे पहले क्या कोई इंटरेस्ट है? नहीं। तो यही कंपाउंड है, यही सिंपल है। सेकेंड ईयर जब हम आते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगाया लेकिन इससे पहले क्या कोई इंटरेस्ट है? हाँ ये वाला है, तो इस पे भी इंटरेस्ट लगाओ। तो 100 का 10% यानी 1/10 कितना होगा बच्चों? 10, 2 साल के लिए। अब आते हैं तीसरे साल, तो तीसरे साल से पहले क्या कोई इंटरेस्ट है इससे पहले? तो हाँ है, 1, 2, 3, तो इन पे भी इंटरेस्ट लगाना है। तो 100 का 10% कितना बना? 10। इस 100 का देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से रिपीट करता हूँ। 2 साल तक तो हम कर ही रहे थे, तीसरे साल आपको देखना है कि प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट आप लगा ही चुके हैं। अगर प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लग गया तो ये देखिए कि इससे पहले क्या कोई इंटरेस्ट है? तो हाँ इससे पहले कितने इंटरेस्ट हैं? 1, 2, 3, पहला इंटरेस्ट, दूसरा इंटरेस्ट और तीसरा। तो इन तीनों पे इंटरेस्ट लगेगा तीसरे साल भी, तो इस 100 पे दूसरे साल भी लग गया, तीसरे साल भी लगेगा। तो 100 का 10% होगा मेरे बच्चों 10, इस 100 का 10% होगा 10, और इस 10 का जो 10% होगा बच्चों वो होगा हमारा कितना? 1। बात समझ रहे हैं? तो ये जो सारा फंडा होगा ये होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जोड़ रहे होंगे तो 100, 200, 300, 10, 20, 30, 31, यानी हमारा प्यारे बच्चों जो कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है वो 331 यूनिट बन रहा है। तो 331 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 6620 रुपये को। एक यूनिट हमारी वैल्यू होगी ₹20, तो हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल बताइए, तो प्रिंसिपल होगा 1000 यूनिट × 20 यानी आंसर होगा हमारा 20,000। तो प्रिंसिपल आया 20,000। तो इस तरीके से भी हम सवाल को कर रहे होंगे। आप चीज़ों को ऐसे समझिए, ये वाली जो लाइन रहती है अगर मैं इनको मिटा दूं यहाँ से, तो अगर मैं आपको बोलूं बच्चों कि पहले साल का कंपाउंड बताइए तो आप कहेंगे 100 है, मैं कहूं कि दूसरे साल का कंपाउंड बताइए तो आप कहेंगे 110 है, मैं कहूं बच्चों तीसरे साल का कंपाउंड बताइए तो आप जोड़ेंगे 100, 10, 20, 1, 21, तो 121 है। अगर मैं कहूं तीनों साल का कंपाउंड बताइए तो इन सब को जोड़ देंगे, मैं कहूं कि तीनों साल का सिंपल बताइए आप इन सब को जोड़ देंगे, मैं कहूं कि तीनों 3 साल के CISI का डिफरेंस बताइए तो आप ढूंढेंगे यहाँ से कितना आ रहा है बच्चों 31 यूनिट। तो बेसिकली अगर ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये वाली वैल्यू किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? ये CISI के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम इस तरीके से भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम डिटेल में करते हैं तो हम एक एक चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा हम सॉर्ट आउट कर पा रहे होंगे। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगला सवाल है जिसमें आपसे मैंने CISI का डिफरेंस पूछा है। अगर आपसे CISI का डिफरेंस पूछा गया है, आपसे थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, तो फिर आप इस वाले मेथड से आइए जो मैं सिखा रहा हूँ डिटेल। आप 15% की फ्रैक्शन जानते हैं बच्चों 3/20 होती है। तरीका बताया कि जो बटे में लिखा उसकी पावर टाइम रखी, 20 की पावर 3 करेंगे बच्चों
तो ये बन रहा होगा हमारा 8,000। तो प्रिंसिपल अगर हमारा 8,000 यूनिट है तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, तो पहले साल 3/20 रखेंगे तो 8,000 का 3/20 होगा बच्चों 1,200। 8,000 का 3/20 निकालते हैं तो आप देखिए 0 से 0, 2 से काटेंगे 400, 400 को 3 से गुना कर रहे होंगे 1,200। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 1,200, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 1,200, तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 1,200। फिर पहले साल के ब्याज पे ब्याज काउंट करते हैं तो 1,200 का 3/20 निकालोगे तो यह आ रहा होगा बच्चों 180। यानी आपने 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। अब करना क्या होगा बच्चे कि तीसरे साल आपने प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगा दिया तो अब देखिए क्या इससे पहले भी क्या कोई इंटरेस्ट है? तो हाँ, आप देख रहे हैं 1, 2, 3 इंटरेस्ट है, तो तीनों ब्याज पे ब्याज लगाना है। तो 1,200 का 15% 180, इस 1,200 का 15% 180, इस 180 का 15%, यानी 180 का 3/20 आप कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों 27। तो अभी चीज़ें समझाई आपको कि ये वाली जो वैल्यू रहती है ये कंपाउंड इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। ये पूरा जो फंडा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाली जो वैल्यू रहती है बच्चों ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही होती है CISI के डिफरेंस को। तो देखते हैं, तो 180 180 180, 540 जमा 27 567, यानी 3 साल के CISI का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 567 यूनिट। अगर 567 यूनिट है तो दे रखा है हमें 5,670 रुपये, तो एक यूनिट की जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी हमारी 10 रुपये। अब पूछ रहा है कि प्रिंसिपल बताइए, तो 8,000 यूनिट गुना 10 रुपये, तो हमारा आंसर आ रहा होगा 80,000 रुपये। आइए प्यारे बच्चों अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में रेट दिया हुआ है 25%, टाइम 3 साल है, CISI का डिफरेंस पूछा है, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे रखा है। तो आप करिए क्या कि 25% की फ्रैक्शन निकालिए बच्चों, कितनी बनी बेटा 1/4, टाइम 3 है तो 4 की पावर 3 करिए, तो 4 की पावर 3, 12 मत रख देना, 4 की पावर 3 है यानी 4 × 4 × 4, तो मतलब 64, यानी प्रिंसिपल आपका है 64 यूनिट। अगर बच्चों प्रिंसिपल 64 यूनिट है तो पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, पहले साल 1/4 आ रहा होगा 16 16 16, यानी अगर मैं आपसे ये कहता कि आप मुझे मेरे प्यारे बच्चों 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताइए तो आप कह रहे होते 16 16 16 यूनिट। अगर मैं कहूँ कि मुझे दूसरे साल का कंपाउंड बताइए तो आपको पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगाना होगा यानी 4। अब अगर थर्ड ईयर पे आ रहे हैं तो आप ये देखिए प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लग गया, तो इससे पहले क्या कोई इंटरेस्ट है? हाँ, ये है ये है ये, तो इस 16 का 1/4 कितना बना? 4। इस 16 का 1/4 कितना बना? 4। इस 4 का 1/4 कितना बना बच्चों? 1। तो मेरा कहना आपको ये है कि आप ऐसे ऐसे देखिए बच्चों कि थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना? 16 4 20 4 24 और 1 25, यानी थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट, थर्ड ईयर मतलब ये वाला, 3 साल नहीं बच्चों, थर्ड ईयर ओनली, तो 16 4 20 4 24 और 1 25 यूनिट। सो थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 25 यूनिट है। सो 25 यूनिट रिप्रेजेंट 450 रुपीज, सो 1 यूनिट बिलोंग्स टू 18 रुपीज। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ CISI डिफरेंस? तो मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि ये वाली जो लाइन है ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो ये वाला जो पोर्शन बचा ये बचा CISI का डिफरेंस, तो 4 4 8 4 12 और 1 13, ये बना CISI का डिफरेंस यानी 13 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू 18, तो इंटू कर देंगे ये हमारा आंसर होगा। मैं एक चीज़ और आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये कि हमेशा ही बच्चों अगर किसी रेट की फ्रैक्शन में अपोन में ऐसा नंबर आ रहा है
यानी ऊपर ए की लिखा और नीचे मान लीजिए ए लिखाओ, तो हमेशा ही सी आई एस आई का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे भी ए ही आएगा, यहाँ पे भी ए आएगा और यहाँ पे भी वन आएगा। तो हमेशा ही सी आई एस आई का जो डिफरेंस होगा वो 3a+1 होगा और प्रिंसिपल जो होगा वो ए क्यूब होगा। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब भी 1/a की टाइप में कोई फ्रैक्शन बन रही होगी तो सी आई एस आई का डिफरेंस 3a+1 और प्रिंसिपल आपका हमेशा ए क्यूब होगा। जैसे यहाँ पे 4 था तो हम सीधा भी सोच सकते थे 4 × 3 = 12 और 1 = 13 यूनिट सी आई एस आई का डिफरेंस होगा, प्रिंसिपल होगा 4³ = 64 यूनिट। उसके बाद यूनिट का खेल हम सीखेंगे। तो यहाँ से हम एक यूनिट निकाले, यहाँ इंटू की इस कंपाउंड आ गया, प्रिंसिपल पूछे तो 64 यूनिट इंटू 18 रुपीज़। आइए प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एसएससी ने अपने क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, मीन्स तक के सवालों में पूछा हुआ है, मीन्स के एग्जाम में कोई भी वनडे कॉम्पिटिशन हो लगभग में इस तरह के सवाल आते हैं। और अभी जो मैंने तरीका सिखाया इसी बेस पे आप देखिए कि इस सवाल को कितना जल्दी से कर पाते हैं। मैं एक यूनिक मेथड भी आपको समझाऊंगा बच्चों, जो सबसे आखिरी में समझा रहा हूँ, जो किसी भी डाटा को किसी भी क्वेश्चन को आप विद इन 2-3 सेकंड कंप्लीट कर पाएंगे। और मैंने आपको एक स्टार्टिंग में वर्ड कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट बोनस है, जितना एग्जाम में पूछा जाएगा समझिए उतना आपके मज़े के लिए चीज़ है वो, क्योंकि वो टाइम बचा देगा आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए। तो आइए सीखते हैं नए सवाल पे और आपने तुरंत जवाब देना है इसका। बच्चों प्रिंसिपल निकालना है, रेट है 12.5%, टाइम दिया हुआ है, सी एस आई का डिफरेंस दिया है, प्रिंसिपल पूछा है। तो मैं एज ए स्टूडेंट ऐसे सोचूंगा कि रेट 12.5% है, यानी फ्रैक्शन बनी 1/8। तो बताया था कि जैसे ही 1/a की टाइप की कोई फ्रैक्शन बने तो प्रिंसिपल हमेशा ए क्यूब होता है, तो 8³ करेंगे कितना हुआ 512 यूनिट। और सी एस आई का डिफरेंस की बात हो तो 8³ आपको बताया 3a+1 होता है, यानी 8 को 3 से गुना करेंगे जमा 1 करेंगे, तो 8³ और 1 = 25, तो 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है सी एस आई के डिफरेंस को। और सी एस आई का डिफरेंस दे रखा है 12.5 रुपये, या मैं लिख के सिखा देता हूँ, तो 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12.5 रुपये को, तो एक यूनिट की जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी 12.5 बटे 25, यानी ½ रुपये। तो हमसे प्रिंसिपल पूछे तो 512 × ½ रुपये, यानी ये आएगा 256 रुपीज़। बहुत आसान है, मात्र 4 से 5 सेकंड में आप इसका आंसर दे रहे होंगे। मुझे आपको समझाना है, आपको समझ के करना है तो आपको कम टाइम लगेगा। और जो यूनिक मेथड है वो मैं सबसे आखिरी में आपके साथ डिस्कस करूँगा, तब तक आप चीज़ों को पेशेंस रख के धीरे धीरे समझते रहिए और मेरे शब्दों का ध्यान रखिए। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम 10, 15, 20 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं इन मेथड से, जो मैं आपको ये नॉर्मल मेथड सिखा रहा हूँ जो मेरी किताब में है और मैंने ही इनको डिस्कवर करके बुक में लिखा हुआ है, तो ये कोई यूनिकनेस नहीं होगी। ये हज़ारों लाखों बच्चे सीख रहे हैं इन मेथड्स को मेरी किताब के द्वारा, और उन किताबों के थ्रू बहुत सारे टीचर्स इन चीज़ों को सिखाने लग रहे हैं, तो इनसे बात नहीं बनेगी। आप 20-25 सेकंड में अगर 15 सेकंड में भी एक कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। बड़ी बात तब है जब आप क्वेश्चन को 100% सही करें, 2 से 3 सेकंड में उस डाटा को तोड़ के सोल्व कर दें, तो उसको हम जानेंगे। अभी आते हैं आगे। अब मैं बच्चों इसी क्वेश्चन को आपको डिटेल समझाता हूँ। ये तो मैंने आपको तरीका बताया, डिटेल कैसे कि भाई बच्चों अभी समझाया कि जो बटे में वैल्यू उसकी पावर टाइम रखिए, तो टाइम है या 3 साल, तो 8³ करेंगे तो प्रिंसिपल बना 512। अगर प्रिंसिपल 512 यूनिट है तो ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, तो पहले साल 1/8 निकालेंगे तो ये आएगा 64, दूसरे साल 1/8 निकालेंगे ये आएगा 64, तीसरे साल 1/8 निकालेंगे आएगा 64। हमने प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगा दिया बच्चों, अब हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाना है। तो 64 का 1/8 निकालोगे तो ये बन रहा होगा 8, फिर ये 64 का 1/8 8, उसके बाद इस 64 का 1/8 8 और इस 8 का 1/8 1। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सिंपल इंटरेस्ट बताइए, तो ये वाली जो लाइन होगी ये पूरा सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। मैं कहूं कि बच्चों कंपाउंड बताओ तो ये सब कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर मैं कहूं सी आई एस आई के डिफरेंस को बताओ तो ये होगा सी आई एस आई का डिफरेंस। तो सी आई एस आई का डिफरेंस हुआ 8, 8, 16, 8, 24 और 1 = 25 यूनिट।
तो 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12.5 रुपये को. सो 1 यूनिट बिलोंग्स टू 12.50 अपॉन 25, सो इट बिकम्स 1/2 रुपीज़. एंड 1 यूनिट बिलोंग्स टू 512 इंटू 1/2, सो इट बिकम्स 256 रुपीज़. सो इट इज़ द डिटेल वे, बट मैंने आपको समझाया है कि अगर फ्रैक्शन में ऊपर 1 हो और नीचे कुछ लिखा हो तो प्रिंसिपल हमेशा हम इसी का पावर, अगर टाइम 3 साल हो तब की बात है, तो हम हमेशा प्रिंसिपल इसका क्यूब ही मानते आए बच्चों. CISI का डिफरेंस इसके 3 गुने से 1 बड़ा, यानी 8 × 3 = 24 और 1 = 25. तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं. आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से कि प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है. रेट है 11:1/9%, टाइम है 3 साल, CISI का डिफरेंस है 5.60. तो करिए क्या कि आप इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे, 1/9 आएगा. अब आपको CISI का डिफरेंस निकालना है. तो बच्चों तरीका बताया कि अगर ऊपर 1 आए तो प्रिंसिपल हमेशा इसका बटे वाली वैल्यू का क्यूब, तो 9 का क्यूब करेंगे 729 यूनिट. और CISI का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा इसके 3 गुने से 1 बड़ा, तो 9 × 3 = 27 और 1 = 28. तो 28 यूनिट बच्चों इतने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, पॉइंट हटाओगे बटे 100 28 × 2 = 56 कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 0.2. तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 0.2 रुपये है बच्चों, तो इतने यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इंटू 0.2 रुपये. बस सिंपली कैलकुलेशन करके हम इस तरह से इस सवालों को करेंगे. इसे करेंगे बच्चों तो यह आएगा 145.8 रुपये. तो इस तरीके से इन सवालों को हम सॉर्ट आउट कर रहे होंगे. आप चाहें तो इनको डिटेल भी कर सकते हैं. आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन इस तरह से कि रेट है 14:2/7%, टाइम है 3 साल. तो इस बार कह रहे हैं थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सेकंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है. तो रेट को आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इट बिकम्स 1/7. तो अब हमें करना क्या होगा कि 1/7, यानी आपको कहा था कि प्रिंसिपल कुछ ऐसा नंबर मानिए जिससे फ्रैक्शन ना बने. तो टाइम 3 साल है तो 7³ लीजिए बच्चों, ये बनेगा 343. तो 1/7 बना कितना, बना 49. अब पहले साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाएंगे 7, फिर पहले साल के इंटरेस्ट पे तीसरे साल इंटरेस्ट 7, फिर इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट 7, और फिर इस 7 का 1/7 1. यानी प्यारे बच्चों ये बना सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बना थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट. ये पूरा थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है, ये पूरा सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है. अब हमसे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में जो पूछा वो हुआ है वो ये है कि थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट और सेकंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताइए. तो ये तीसरे साल का कंपाउंड है, ये दूसरे साल का कंपाउंड, इनका डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस होगा 7, और इतनी वैल्यू तो सेकंड में भी है इतनी थर्ड में भी, यहाँ बस 7 और 1 एक्स्ट्रा है. यानी थर्ड ईयर के कंपाउंड और सेकंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होगा वो होगा 8 यूनिट. तो 8 यूनिट हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 480 रुपये को. तो 1 यूनिट की वैल्यू जो हमारी होगी वो होगी बच्चों कितनी, 60 रुपये. ये हो गया बच्चों हमारी 1 यूनिट की वैल्यू. अब जो आपसे पूछ रहा, अगर सवाल में पूछ रहा है कि कंपाउंड बताइए, अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रिंसिपल बताइए, तो 343 यूनिट है बच्चों, 343 गुना हम करेंगे 60, तो ये होगा हमारा आंसर. अगर कंपाउंड पूछ रहा है तो जोड़ रहे होंगे हम सबको, तो 49 को जोड़ेंगे बच्चों 147, और 777 ये बन रहा है बच्चों 147 और 22 जो हमारा बन रहा होगा 147 और 22, तो 7 × 2 = 9. तो ये हमारा बन रहा है 169, और 1 यूनिट रिप्रेजेंट 60 रुपीज़. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 169 यूनिट, जस्ट मेक इट मल्टीप्लाई एंड गेट योर आंसर. सो बाय दिस वे यू कैन गेट कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट, वट एवर यू फाइंड वॉन्ट टू फाइंड. You also can find second year compound interest, third year individual compound interest, the difference between third year and second year compound interest. You can get any year of simple interest or any year of compound interest by this method. ऐसे ही आगे के सवालों पे आते हैं. आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन इस तरीके से कि रेट है 16:2/3%, टाइम है 3 साल, और 10 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 10,800 रुपये है. कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है बच्चे क्या है.
तो आप ऐसे देखिए कि 16 से 2/3% की फ्रैक्शन होगी 1/6, तो 6 की पावर हम टाइम करते हैं 3 साल, तो 6 की पावर 3 होता है कितना, 216। तो बच्चों अब तक तो आप पैटर्न समझ गए होंगे कि अगर हम प्रिंसिपल अपने मन के अकॉर्डिंग मानते हैं या ऐसा प्रिंसिपल मानते हैं जिससे फ्रैक्शन ना बने, तो जो रेट है वो इस तरह से ड्राफ्ट होगी 1, 6, 6, 6, 36, 36, 36, इसी तरीके से ड्राफ्ट होगी। तो मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप मुझे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो आप कहेंगे सर 36, 36, 36 यानी 108, 108 के बाद 108, 6, 6, 12 यानी 120 और 6, 126 और 127 यानी 127 होगा बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट, 127 यूनिट। अब हम ये भी देख रहे हैं कि 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है बच्चों वो 36 यूनिट है। अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 36 यूनिट है तो 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट इंटू 10 यानी 360 यूनिट हो गया 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट। और मेरे प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट कभी चेंज नहीं होता, पहले साल भी उतना है, दूसरे साल भी उतना है, तीसरे साल भी, हर साल उतना ही रहता है, सेम रहता है। तो मैटर ये है कि 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 10,800, तो 360 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10,800 रुपये को। सो 1 यूनिट बिलोंग्स टू बच्चे 30 रुपीज़, 36 से 108 होता है। और अगर हम यहाँ से देख रहे हो बच्चों तो जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 360 को जब आप इसे सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ रही होगी 30 रुपये। अब आपसे जो पूछ रहा है वो निकाल दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है तो इंटू 30 रुपीज़, अगर आपसे पूछे प्रिंसिपल कितना है तो 216 इंटू 30 रुपीज़। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों समझते हैं आगे क्वेश्चन को। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है, रेट दिया है, आपसे पूछा प्रिंसिपल बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों बताया था तरीका कि 1 साल और 2 साल के बीच का टाइम हो तो आप पूरा 2 साल मानिए, 2 साल और 3 साल के बीच का टाइम हो पूरा 3 साल मानिए। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चे पूरा 3 साल आपको मानना है। रेट दी है 1/9, तो 1/9 की पावर 3 जब आप रख रहे होंगे तो 1/9 की पावर 3 होगी 729। अब जब आप इसे सॉर्ट आउट कर रहे होंगे तो आप फॉर्मेट समझ ही रहे होंगे बेटा कैसे काम करता है। तो 1, 9, 9, 9, 81, 81, 81। अब आप ये देखिए कि अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि पहले 2 साल का कंपाउंड बताइए, तो 2 साल का कंपाउंड हमारा होता 81 + 81 + 9, तो ये हो रहा होता बच्चे हमारा 171, 81, 81, 162 जब मानो 171। अब सवाल में कह रहा होता 3 साल का बताइए तो हम पूरे को जोड़ देते, लेकिन क्वेश्चन में क्या 2 साल तो पूरा चाहिए, लेकिन अगले साल के केवल कितने दिन चाहिए बच्चे हमें, 73 दिन। तो नेक्स्ट ईयर के केवल 73 डेज चाहिए, तो इनको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो 81 और 9, 90, 90 और 10, 100। तो 100 यूनिट जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है वो बन रहा है पूरे तीसरे साल के 365 दिन का, पूरे तीसरे साल के 365 दिन का। और हमें जो चाहिए वो केवल 73 दिन का चाहिए बच्चों। तो 73 से सिंप्लीफाई करेंगे 5, 5 से सिंप्लीफाई करेंगे 20, तो 73 दिन का जो कंपाउंड इंटरेस्ट बना वो बना 20, तो यह आया 1, ये 7, 2, 9 और 1, यानी इसका मतलब 2 साल 73 दिन का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 7,640 रुपये। तो 191 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 7,640 रुपये को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 40 रुपये। 1 यूनिट बनी बच्चों 40 रुपये। तो अब कह रहा है कि प्रिंसिपल बताइए, तो प्रिंसिपल है बच्चों 729 यूनिट, तो 1 यूनिट 40, तो 729 यूनिट की वैल्यू कितनी, सॉर्ट आउट कर लेंगे। ऐसे ही हमसे जो भी वैल्यू आगे पूछी हो वो इसी तरीके से हम क्वेश्चन में सॉर्ट आउट करते रहेंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब भी क्वेश्चन में ना लिखा हो तो इसका मतलब रेट पर एनम होती है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो भी पर एनम ही कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में दे रखा हो कुछ तो लेते हैं, अदरवाइज हम पर एनम लेते हैं। तो बच्चों यहाँ टाइम दे रखा है 2 साल 3 महीने, तो आप करिए क्या कि रेट की फ्रैक्शन बनाइए 1/5। तरीका आपको बताया कि हमेशा टाइम जो भी है उतनी पावर लगाइए। अगर 1 से 2 साल का टाइम है तो पूरा 2 साल लीजिए, 2 साल से 3 साल के बीच का टाइमिंग है पूरा 3 साल लीजिए। तो 5 की पावर 3 लिखेंगे कितना आएगा, 125।
एक बटे पाँच 25 आया, पच्चीस का एक बटे पाँच पाँच, पाँच पाँच, फिर पाँच का एक बटे पाँच एक, ये हमारा कंपाउंड बना। अब बच्चों अगर दो साल का पूछे तो हम कैलकुलेट कर देंगे जी 25 25 50 और 5 55 यूनिट। अगर पूरे तीसरे साल की बात, तीन साल की बात हो तो सबको जोड़ देंगे, लेकिन बात हो रही है दो साल और तीन महीने, तो यहाँ तीन महीने कैलकुलेट करना है। तो 25 5 30 5 35 और एक 36, यानी जो 36 यूनिट इंटरेस्ट बना है ये हमारा पूरा बना है पूरे तीसरे साल का। तीसरे साल यानी कितने महीने बच्चे, 12 महीने, अगर यहाँ महीने तो महीने, दिन होते तो दिन, तो 12 महीने का। और हमें चाहिए बच्चे कितने महीने का, तीन महीने का, तो 4 × 36, तो 55 और 9 कितना बना, 64 यूनिट। हाँ या ना? अब आप ये देखिए कि प्रिंसिपल दे रखा है बच्चों 125 यूनिट और क्वेश्चन में गिवन है डाटा 8000। तो आप ये बात जानते हैं कि 125 को 8 से गुना करते हैं तो आता है 1000, और ये है बच्चों कितना, 8000, तो कितना गुना हुआ बेटा, 64 गुना। तो 125 यूनिट इतना, तो एक यूनिट की वैल्यू 64। तो हमारे साथ पूछा हुआ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है 64 यूनिट और एक यूनिट की वैल्यू 64 रुपीज़। कैलकुलेट करेंगे वो आ रहा होगा बच्चों हमारा आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट का। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा गिवन है उसमें रेट दिया हुआ है, पहले साल इतना, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना, टाइम 3 साल है, CISI का डिफरेंस है 11 रुपये। तो पूछ रहा है कि बताइए प्रिंसिपल क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा मैंने समझाया, पहले साल निकालेंगे 1/7 होगा, 1/6 होगा, 1/8 होगा। तो आप लोग करिए क्या इसके लिए कि इनको आपस में, हम चूंकि टाइम 3 साल होता था तो सेम ही रेट होती थी 1/7 1/7 1/7, यानी हम 7 को 7 से करते थे, या हम सीधा सीधा लिख देते थे कि 7 की पावर 3, यानी जितना टाइम है। यहाँ पे डिफरेंट रेट है तो बच्चों मल्टीप्लाई करो, 8 को 6 से करेंगे तो 48 आएगा, 48 को 7 से करेंगे तो 7 और 56 बच्चों, 7 चौक 28 और 5 33, यानी 48 को अगर 7 से किया तो आया 336, यानी जो प्रिंसिपल है वो है बच्चों 336। अगर प्रिंसिपल 336 है तो ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। तो पहले साल रेट है 1/7, दूसरे साल रेट है बच्चों 1/6 और तीसरे साल रेट है 1/8। तो आप ये देखिए पहले साल 336 का 1/7 निकालेंगे तो 48 आएगा, सेकेंड ईयर 1/6 निकालेंगे इसका तो 56 आएगा, और फाइनल ईयर में 1/8 निकालेंगे तो 42 आएगा। अब बेटा पहले साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन किस रेट से लगेगा, 1/6, तो 48 का 1/6 होगा बच्चों 8, यानी 2 साल का यहाँ सिस्टम क्लियर हुआ। अब हम आते हैं तीसरे साल पे। तो अब आप ये देखिए कि तीसरे साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगना है वो लगना है 1/8 की रेट से, तो पहले वाले ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, लेकिन किस रेट से, 1/8, तो 48 का 1/8, 48 का 1/8 बच्चों कितना बना, 6। फिर 56 का भी 1/8 लगेगा, क्यों, क्योंकि अब हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं फाइनल ईयर का, यानी थर्ड ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो थर्ड ईयर से पहले जितने भी इंटरेस्ट उन सब पे इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन किस रेट से बच्चों, थर्ड ईयर की रेट से। किस रेट से बच्चों, थर्ड ईयर की रेट से। तो 56 का 1/8 करेंगे 7, 8 का 1/8 कर रहे होंगे 1, तो ये आ रहा होगा हमारा फाइनल कंपाउंड रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मेरे प्यारे बच्चों हमसे बात और की CISI के डिफरेंस की, तो आप जानते हैं ये वाली जो लाइन रहती है, ये लाइन रहती है सिंपल इंटरेस्ट, ये वाली लाइन, ये पूरा जो सिस्टम होता है ये रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो फंडा हुआ ये क्या हुआ हमारा, CISI का डिफरेंस। तो ये CISI का डिफरेंस हुआ तो 8, 6, 14 और 7, 21 और 1, 22, यानी जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो 22 यूनिट है। तो 22 यूनिट हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे 11 रुपये को, सो 1 यूनिट बिलोंग्स टू 11/22, सो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1/2 रुपीज़। सो व्हाट इज़ द वैल्यू प्रिंसिपल, 336, सो 336 इंटू 1/2 इट विल बी इक्वल्स टू 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, सो इट बिकम्स 168। तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों हमारा प्रिंसिपल। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन इस तरीके से है कि प्रिंसिपल 8000 है, रेट 10% पर एनम है, टाइम 1 साल 6 महीने, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें बताना है क्या होगा, और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है।
कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है, हिंदी में बोलते हैं बच्चों छमाही संयोजित, छमाही संयोजित होता है बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप करिए क्या कि 10% की फ्रैक्शन बनाएंगे 1/10। सॉरी, अगर हम बच्चों हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो हाफ ईयरली का मतलब हर छठे महीने कैलकुलेट होगा। तो आप ये देखिए कि ये जो रेट है, कुछ नहीं लिखा था इसके मतलब पर एनम है, तो ये जो रेट है ये पूरे साल की रेट है 10%। हमें 6 महीने की रेट चाहिए तो बच्चों कितनी होगी 5%। आप मेरी बात समझ रहे हैं, 6 महीने की रेट चाहिए बच्चों तो रेट होगी कितनी 5%। अब बच्चों एक साल 6 महीने की एक हाफ ईयरली होती है, तो एक साल में 2 हाफ ईयरली और 6 महीने की, तो टोटल हाफ ईयरली कितनी हो गई 3, तो 3 हो गई जी हाफ ईयरली। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 हाफ ईयरली हो गई, रेट 5%, हाफ ईयरली हो गया, हमें कैलकुलेट करना है। तो करिए क्या, हमें तो चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल में रिलेशन निकालना है, तो 5% की फ्रैक्शन बनाइए 1/20, तो सीधा सीधा लिख देंगे कि कोई प्रिंसिपल एक साल में 20 से 21 हुआ, दूसरे साल फिर 20 से 21 हुआ, तीसरे साल फिर 20 से 21 हुआ, तो 3 साल में वो प्रिंसिपल 8000 से 9261 हुआ। यानी प्रिंसिपल अगर 8000 यूनिट है तो अमाउंट होगा 9261 यूनिट, तो जो डिफरेंस आया वो आया 1261 यूनिट का। और हमें प्रिंसिपल जो दे रहा है मेरे बच्चों वो 8000 यूनिट नहीं, कितना दे रहा है 8000 रुपये, तो इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू बनी 1 रुपये, तो 1261 यूनिट की वैल्यू बनी 1261 रुपये। इसका मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा होगा बच्चों वो बन रहा होगा 1261 रुपये। तो एक तो तरीका ये है कि हम सक्सेसिव वाले मेथड से कर जाएं इस क्वेश्चन को। दूसरा तरीका मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ये है कि हम इसे उसी डिटेल वाले मेथड से करें। तो उस मेथड से आप करेंगे तो आपको करना क्या होगा कि 5% की फ्रैक्शन हुई 1/20, तो आपको टाइम यहाँ लेना होगा 3 हाफ ईयर। अब वो 3 हाफ ईयर हो 3 क्वार्टर, इस बात से क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस टाइम 3 से मतलब है। तो 20 की पावर 3 लेंगे, 8000 यूनिट आपको प्रिंसिपल मानना पड़ेगा, पहले साल, दूसरा साल और तीसरे साल, सॉरी तीसरे हाफ ईयर लिए, पहला हाफ ईयर, दूसरा हाफ ईयर, तीसरा हाफ ईयर। तो पहले साल 1/20 निकालेंगे 400 होगा पहले हाफ ईयरली में, फिर दूसरे हाफ ईयरली में, फिर इसका 20 1/20 20 20, और फिर 20 का 1/20 निकालेंगे बच्चों 1। तो इशू ये है यहाँ पे कि अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पूछूँ तो 400 800 1200 20 40 60 61, यानी अगर प्रिंसिपल 8000 यूनिट है, अगर प्रिंसिपल 8000 यूनिट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है हमारा 1261 यूनिट, जबकि प्रिंसिपल 8000 यूनिट नहीं, कितना है बच्चों सवाल में 8000 रुपये, तो एक यूनिट की वैल्यू 1 रुपये, तो 1261 यूनिट की वैल्यू 1261 × 1 यानी 1261 रुपये। यानी बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट जो बन रहा होगा 3 हाफ ईयरली का, वो बन रहा होगा 1261 रुपये। ये होगा हमारा आंसर। यानी अगर रेट हाफ ईयरली कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट करा रहा है तो रेट हाफ ईयर करेंगे, रेट आधे साल की करेंगे यानी आधी करेंगे, टाइम हाफ ईयर के अकॉर्डिंग लेंगे यानी 6 महीने के हिसाब से हमें टाइम लेना होगा। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है कि प्रिंसिपल 4000 रुपये, रेट 10% है, टाइम है 2 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट करें तो कैसे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे कि अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक साल में 2 हाफ ईयरली, तो 2 साल में 4 हाफ ईयरली बना, 4 हाफ ईयर बने। रेट 10% पर एनम है तो आधे साल की रेट होगी बच्चों 5% पर हाफ ईयर। अब या तो आप प्रिंसिपल कुछ मान लीजिए 5% की फ्रैक्शन 1/20 और 20 की पावर 4 लेके, या फिर अगर प्रिंसिपल दे रखा है तो उस प्रिंसिपल के साथ ही क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। जैसे हमें प्रिंसिपल दे रखा है बच्चों 4000, तो 4000 को साथ ही लेके सोल्व करते चले जाइए। अब यहां ध्यान से समझिएगा बच्चों कि 4 हाफ ईयर का कैसे कैलकुलेट करें। देखिए ये क्वेश्चन इतने SSC में नहीं पूछे जाते, लेकिन मैं आपको फिर भी सिखा दे रहा हूँ कि अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उस चीज़ के लिए एफिशिएंट हो कि आप कर पाए उस क्वेश्चन को। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने एक्चुअल प्रिंसिपल को उठा लिया, जब इतना बड़ा क्वेश्चन है, हो सकता है क्वेश्चन में आपसे ऐसे बोल दे कि CI बताइए, ऐसे बोल दे कि CI - SI बताइए, यानी इनका डिफरेंस बताइए अगर हाफ ईयर लियो। तो प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट में चाहे वो हाफ ईयर करे या पर एनम करे या क्वार्टरली करे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है।
जब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाओगे ही नहीं तो डिफरेंस आएगा नहीं। तो यहाँ पे समझते हैं 5%, तो 4000 का बच्चों 5% करेंगे तो बन रहा होगा हमारा कितना, 200। तो पहले हाफ ईयर हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, ये सेम रहेगा। इस बार हमने एक्चुअल प्रिंसिपल ही ले लिया, तो ये सारा रुपए में। फिर 200 का 5% 10, 10, 10, फिर 10 का 5% 0.5। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज़ तो हम सब लोगों ने समझी हुई है, अभी 3 साल तक समझा, 3 हाफ ईयर तक समझा, अब आते हैं चौथे हाफ ईयर पे कैसे चलें। तो ये देखिए, इससे पहले कितने इंटरेस्ट आपके लगे हुए हैं, तो इससे पहले कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इन सातों पे इंटरेस्ट लगाना होगा फिर आपको फोर्थ हाफ ईयरली में। तो 200 का 5% 10, इस 200 का 5% 10, इस 200 का 5% 10, इस 10 का 5% 0.5, इस 10 का 5% 0.5, इस 10 का 5% 0.5, और इस 0.5 का 5% निकालेंगे तो इस तरह से कैलकुलेट करोगे, पॉइंट हटाओगे बच्चों तो 10 और आ जाएगी, तो 3 जीरो आएगी तो आंसर होगा 0.025, तो ये आ रहा होगा 0.025। तो ये बन रहा होगा 4 हाफ ईयर का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें तो बच्चों सिर्फ CISI का डिफरेंस चाहिए था, तो ये बना सिंपल इंटरेस्ट, ये पूरा बना कंपाउंड इंटरेस्ट, तो डिफरेंस होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60। 60 तो हो गया बच्चों ये वाला, इसे जोड़ते हैं 0.5, आधा 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 दिए, 2 हो गया बच्चों ये वाला, और 0.25 हो गया वो वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इन्हें जोड़ रहे होंगे तो आंसर आ रहा होगा 62.025 रुपये। तो ये आ रहा होगा CI और SI का डिफरेंस। तो इस तरीके से आप 4 साल, 5 साल, 6 साल का निकाल सकते हैं, लेकिन SSC आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो लगभग 2-3 साल के बीच में ही पूछता रहेगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रिंसिपल है 5000 रुपये, रेट है 16%, टाइम है 9 महीने, CISI का डिफरेंस पूछ रहा है क्या होगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली कैलकुलेट होता हो, तिमाही संयोजित होता हो, तो इसके लिए आप करिए क्या कि बच्चों, जब आप क्वार्टरली कैलकुलेट करोगे तो मतलब हर 3 महीने में एक बार, तो जो 16% रेट है ये पूरे 12 महीने की है, आपको चाहिए 3 महीने की, यानी जो रेट आएगी वो कितनी निकल के आएगी बच्चों, 4% पर क्वार्टरली। अब 3 महीने में 1 क्वार्टर होता है तो 9 महीने में हो गए बच्चे 3 क्वार्टर। प्रिंसिपल है 5000 रुपये, अच्छा तीन ही क्वार्टर हैं तो 3 ही क्वार्टर तक लेंगे, रेट है 4%, हम इनमें प्रिंसिपल ही ले लेते हैं अगर दे रखा है तो। 5000 का 4% बनता है बच्चों कितना, 200 अब 200 का 4% बनता है बच्चों 8, 8, 8, ये तीसरा क्वार्टर है, फिर 8 का 4% बनेगा बच्चों 0.32। अब हमसे सवाल में पूछ रहा है कि CISI का डिफरेंस बताइए, तो CISI का डिफरेंस होगा 8, 8, 16 और 8, 24.32। यानी अगर टाइम हम 9 महीने लेंगे और रेट अगर हम लेते हैं 4% पर क्वार्टरली, तो हमारा 5000 रुपये के प्रिंसिपल पे जो CISI का डिफरेंस आएगा वो आएगा 24.32 रुपये। तो मेरा कहना बच्चों ये है कि इस तरह का जब डाटा आ रहा हो और प्रिंसिपल दे रखा, तो आप सीधा प्रिंसिपल को भी लेके सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका होगा कि 4% की फ्रैक्शन 1/25, तो फिर 25 की पावर 3, यानी 625, 625, 625, फिर गुना 25, तो 25 की पावर 3 को आप लेना होगा आपको प्रिंसिपल, और फिर उस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना पड़ रहा होगा। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम उस तरीके की बात कर रहे हैं जिससे हम किसी भी क्वेश्चन को 3-4-5 सेकंड में ख़त्म कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी छोटी छोटी, और उन टर्म की जो कैलकुलेशन है वो बहुत फास्ट करनी पड़ेगी। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की 2 साल की रेट आपकी एक्स परसेंट और वाई परसेंट दे रखी हो कि जी पहले साल एक्स परसेंट रेट है, दूसरे साल बच्चों वाई परसेंट रेट है, अगर इस तरीके से दे रखी हो
तो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगी, फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ टू ईयर, यानी दो साल की फाइनल जो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट बनेगी वो मेरे प्यारे बच्चों बनेगी x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100%। इसी तरीके से सेम यही सिनेरियो पे फाइनल रेट ऑफ CI माइनस SI ऑफ टू ईयर जो होगी वो होगी XY एक्स इंटू वाई बाई 100%। यानी दो साल की जो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट होगी वो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100% होगी। दो साल के CISI के डिफरेंस की जो रेट होगी वो एक्स इंटू वाई बाई 100% हमारी हो रही होगी। तो अगर कोई रेट दे रखी हो दो साल की और आपसे पूछा जाए कि CISI के डिफरेंस की रेट बताइए, तो आप ये बोलेंगे, कंपाउंड की बोले तो ये बोले। और इनको हम कई बार इफेक्टिव रेट भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि किसी साल या पहले साल किसी प्रिंसिपल पे रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 4% है, दूसरे साल 5% है, तो बताइए इफेक्टिव रेट क्या हुई दो साल में कंपाउंड की, तो वो इसी के बारे में बात कर रहा होता है। तो प्यारे बच्चों आइए धीरे धीरे इन्हीं पे क्वेश्चन लेते हैं और धीरे धीरे चीजों को समझते हैं। बिल्कुल बेसिक डाटा से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। मान लीजिए प्रिंसिपल दे रखा है आपको 5000 रुपए, और रेट का मतलब आप जानते हैं कि दर प्रतिशत जो होती है, रेट परसेंट होती है, इसका अर्थ होता है कि 100 रुपए पे एक साल का जो ब्याज बना वो हमारा रेट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल 5000 रुपए है और मैं आपको सवाल में कह रहा हूं कि जी रेट जो है वो पहले साल जो रेट है वो 3% है, दूसरे साल जो रेट है वो 7% है, तो आप हमें दो साल में कंपाउंड इंटरेस्ट की फाइनल रेट बताइए क्या होगी। दो साल में कंपाउंड इंटरेस्ट की फाइनल रेट बताइएगा क्या होगी। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर रहे होंगे तब आप ये देखिए कि एक तो तरीका हमने डिटेल में सीखा था वैसे, दूसरा कंपाउंड निकालना है तो फाइनल रेट निकालते हैं। तो पहले साल रेट है 3, दूसरे साल रेट है 7, तो पहले साल 3 है, दूसरे साल 7 है। यहाँ होगी बच्चों 3 × 7/100, तो ये होगी 10.21%। ये बनी फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर टू ईयर। तो प्रिंसिपल 5000 रुपए है, तो 5000 रुपए पे दो साल की जो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बनी वो 10.21% बनी। परसेंट का मतलब बच्चों बटे 100, पॉइंट हटाएंगे बटे 100, 3 जीरो से 3 जीरो करेंगे, 2 से काटेंगे, 5 × 2 = 10, 2 से काट रहे होंगे तो 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 0 = 0 और 2 × 5, यानी फाइनल जो कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा होगा दो साल का वो बन रहा होगा बच्चों 510.5। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है कि प्रिंसिपल 4000 है, रेट पहले साल और दूसरे साल है, टाइम 2 साल है, तो पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। तो आपको दो साल की रेट दे रखी है 1% 2%, कैलकुलेट करेंगे बच्चे तो 1 + 2 + 1 × 2/100, तो ये इतनी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, एक दो सवालों में हम यूज टू हो जाएंगे, तो इट विल बिकम 3.02%। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि फाइनल रेट ऑफ जो कंपाउंड इंटरेस्ट बना वो बना 3.02%। तो 4000 का 3.02% जो बना वो हमारा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों। पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो, 3 जीरो इससे कैंसिल आउट होगी, 4 × 2 = 8 होगा और 4 × 3 = 12, तो 120.80 रुपये जो होगा वो होगा हमारा फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रिंसिपल निकालना है, दो साल की रेट दे रखी है 3% 4%, तो आपसे कंपाउंड दिया हुआ है, पूछा प्रिंसिपल बताइए। तो आप ये देखिए बच्चों 3% और 4% रेट है,
तो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 3% प्लस 4% प्लस 3 × 4/100 यानी हम लिख देंगे 7.12%। तो मेरे प्यारे बच्चों जो प्रिंसिपल होगा उसका 7.12% जो होगा इट विल बिलोंग्स टू ₹3560। अब बच्चों पॉइंट हटाते हैं यहाँ पर लिखेंगे 20 और 712 को इससे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये 5 आ रहा है तो हमारा जो प्रिंसिपल आ रहा होगा वो आ रहा होगा 5 और आगे 40। तो हमारा आंसर जो हो रहा होगा वो बच्चों प्रिंसिपल के रूप में आ रहा होगा 50,000। मैं यहाँ आपको धीरे धीरे चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ कि अगर बच्चों हमें ये बात पता चल गई है कि फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो 2 साल की बनी वो 7.12% बनी है, इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 100 होगा तो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड जो बन रहा होगा वो 7.12 यूनिट बन रहा होगा। तो दे रखा है 3560 और बन रहा है 7.12। तो अगर प्रिंसिपल 100 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट है 7.12 ये रिप्रेजेंट कर रहा है इससे, तो 100 की वैल्यू क्या होगी बस अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल 100 है तो फाइनल कंपाउंड इंटरेस्ट बना 2 साल का 7.12 और फाइनल कंपाउंड इतना तो 7.12 यूनिट रिप्रेजेंट करा इससे, तो एक यूनिट की वैल्यू इतनी, तो प्रिंसिपल होता है 100 यूनिट की वैल्यू इतनी। बस कैलकुलेट करेंगे पॉइंट हटाएंगे 20 और तो हमारा आंसर आ रहा होगा 50,000। मैं चाह रहा हूँ धीरे धीरे आप इस अप्रोच की तरफ आना स्टार्ट हो, चीज़ों को समझना शुरू करें। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इस तरीके से है कि रेट पहले साल 6% है, दूसरे साल रेट है 1%। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि प्रिंसिपल बताइए बच्चों क्या होगा, आपको कंपाउंड दिया हुआ है तो सबसे पहले आप निकालिए इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट। तो पहले साल 6% फिर 1%, 6 और 1 7% प्लस में 6×1 6/100 मतलब 7.06%। तो यानी 14,120 रुपये कंपाउंड और हमारे तरीके से जो बन रहा है वो 7.06% बन रहा है। इसका मतलब प्रिंसिपल 100 है तो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट है 7.06, तो प्रिंसिपल यानी 100 की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो पॉइंट हटाएंगे 20 ऊपर तो 2 से करेंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 3 = 20 तो 2,00,000 तो ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से, प्रिंसिपल गिवन है 200 रुपये, रेट है 3%, 2%, हमें CISI का डिफरेंस बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 साल में CISI के डिफरेंस की जो इफेक्टिव रेट बनती है वो बनती है x×y/100%। तो पहले साल 3 है, दूसरे साल 2 है, 100 तो हमारी इफेक्टिव रेट जो बननी होगी वो 0.06% बने। तो ये बना CISI का डिफरेंस की रेट। तो जो प्रिंसिपल होगा तो 200 × 0.06% / 100 इससे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 0.12 रुपये यानी 12 पैसे CISI का डिफरेंस आ रहा होगा जब रेट पहले साल 3% हो, दूसरे साल बच्चे 2%। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें रेट पहले साल है 5%, दूसरे साल रेट है 4%, टाइम है 2 साल, CISI का डिफरेंस रखा है 40 रुपये। अब मेरे प्यारे बच्चों कहानी ये है कि अगर पहले साल रेट 5 है, दूसरे साल रेट 4% है तो अगर हम CISI का डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस निकालेंगे तो बनेगी बच्चों 5 × 4/100 तो जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 0.20% या 0.2% की बात। तो बच्चों इसका मतलब ये बना कि इस तरीके से जो 0.2% बनेगा या हम यूं कहेंगे 0.20% जो बनेगा, बात एक ही है, 0.20% जो बन रहा होगा वो बच्चों हमारा बनने लग रहा होगा क्या, इफेक्टिव रेट ऑफ CISI डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट यानी इन दोनों के ब्याज का अंतर बन रहा होगा। तो जो प्रिंसिपल होगा बच्चों, जो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा प्रिंसिपल होगा उसका 0.20% जो होगा वो हमारा होगा CISI का डिफरेंस यानी 40। अब आप जानते हैं पॉइंट हटाएंगे 20 और 20 से काटेंगे 2, इसका मतलब हमारा जो प्रिंसिपल आएगा वो आएगा 20,000। बस ये हमारा आंसर आएगा बच्चों।
उम्मीद है समझ पा रहे होंगे आप लोग। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो कह रहा है उसमें रेट पहले साल 6% है, दूसरे साल 7% है और हमें CISI का डिफरेंस चाहिए बच्चों। तो CISI का डिफरेंस निकालेंगे तो 6 × 7/100 कर रहे होंगे तो इट बिकम 0.42%। और अगर 0.42% बन रही है तो प्रिंसिपल का 0.42% जो होगा वो बन रहा होगा बेसिकली 21 के पॉइंट हटाएंगे 20 और 21 × 42, 2 से काटेंगे 50, तो प्रिंसिपल जो होगा वो कितना होगा हमारा 5000 रुपये। या बच्चों हम समझ गए होंगे चीज़ों को तो खुद सीखेंगे कि 0.42% जो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है CISI का डिफरेंस, इसका मतलब ये है कि अगर प्रिंसिपल 100 है तो CISI का डिफरेंस होगा 0.42 और 0.42 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे 21 को, तो 100 की वैल्यू क्या, बस कैलकुलेट करेंगे वो आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आने लगी होंगी। आइए मेरे प्यारे बच्चों अब मुझे उम्मीद है कि 2 साल पे आप रेट के साथ खेलना बड़ा आसानी से सीख गए होंगे। चलिए कुछ पे प्रैक्टिस करते हैं और आप मुझे आंसर करिएगा। अगर मान लीजिए रेट 1% और 2% हो तो आप मुझे फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए 2 साल की क्या बनेंगे कि 2 साल में जी इतनी बनेगी। फार्मूला लिखा है x + y + xy/100। तो चीज़ें जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो रट सी जा रही होंगी इनके फॉर्मेट को कि 1, 2, 3 × 3.02%। मैं कहूँ बच्चों 1% 5%, आप कह रहे होंगे 1, 5, 6.05%। मैं कह रहा हूँ बच्चों 2% 3%, आप कह रहे होंगे 2, 3, 5, 10.06%। मैं कहूँ बच्चों 12% और 5%, तो आप कहेंगे 12, 5, 17, 10.06%, क्योंकि 12×5=60 होता है, 60/100 यानी 0.06%। मैं आपको कहूँ कि बच्चे 4% 3% बताइए तो आप कहेंगे सर बड़ा आसान है 4, 3, 7, 10.12%। तो ये चीज़ें हमारे लिए मुश्किल नहीं है, ये फंडा हमने सीखा कि x + y + xy/100 बेहद ही आसान तरीका है। अब मान लीजिए मैं चल रहा हूँ 3% और 5% पे, तो 3, 5, 8, 10.5, 3, 15 यानी 8.12%। मैं कह रहा हूँ बच्चों मुझे बताइए 2% और 9% पे, तो 9 × 2=11.18%। मैं कहूँ आपको 12% × 8%, मुझे बताइए कितना, तो 12×8=20 और 12×8=96%। बात आ रही है समझ में। मैं कहूँ आपको कि 13% और 10% बताइए बच्चे कितना बना, तो आप कहेंगे 13 और 10 13x + y। देखिए इसको समझाता हूँ, तो x 13 है y 10 है + xy/100, तो 13 और 10 हमारा बना 23, गुना कर रहे होंगे 13 आएगा तो ये जमा 1.3, तो आंसर आ रहा होगा हमारा 24.3। तो हमारा आंसर आ रहा होगा बच्चों 24.3%। तो आप इस चीज़ को इस तरह से भी सोचेंगे चीज़ों को और ध्यान देंगे मेरी बात पे कि ये चीज़ें वर्बली रट जाएंगी आपको। 13, 10, 130 यानी ये 1 से बड़ा आ रहा है तो बस 1.30, तो 13, 10, 23 और 1 24.3%। बात समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे डाटा पे प्रैक्टिस करनी है। जैसे मान लीजिए मैं आगे बढ़ूँ इन्हीं पे और मैं आपको बोलूँ कि बच्चों मुझे 4-5 और डाटा पे बताइए कैलकुलेशन, मैं कहूँ कि बच्चे 11% और 11% बताइए क्या बने, तो आप कहेंगे 11, 11, 22 और 11, 11, 121, तो ये आएगा 23.21%। जिसकी नब्ज़ कमज़ोर हो इन चीज़ों को पकड़ने में वो यहाँ से आए कि 11 × 11 × 11 × 11/100 करके। मैं कहूँ बच्चों के 9% और 12% बताइए क्या, तो आप सबसे पहले गुना करिए 12 × 9=108 यानी 12×9=108 यानी 1.08 और 12 और 9=21 21 और 1=22.08%। ऐसे ही हम कर रहे हैं 13% और 10%, अभी सिखाया था 13 और 10% का। तो मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि 12% और 15%, तो 12% और 15% करेंगे तो 12 और 15 = 27 और 12×15 होता है बच्चों 180, तो 180 को हम लिखेंगे 1.80, तो 27 में ऐड कर रहे होंगे तो यह आ रहा होगा 28.80%। तो इस तरीके से हम इन सारे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर रहे होंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं। रेट इस बार 3% है, पहले साल भी 3% है, दूसरे साल भी 3% है, हमें कंपाउंड फाइंड आउट करना है।
तो पहले साल भी तीन, दूसरे साल भी तीन, फिर 3 × 3/100 तो यह आ रहा होगा बच्चों 6.09%। यानी हमें पता चला कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो 6.09% है, यानी प्रिंसिपल का 6.09% जो होगा, परसेंट यानी 2/100, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो और, तो 3 जीरो काट देंगे, तो 5 × 9 = 45, तो आंसर आ रहा होगा 304.50 रुपये। तो ये आ रहा होगा बच्चों हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। आइए प्यारे बच्चों, सवाल है कि प्रिंसिपल 200 रुपये है, रेट 4% है, कह रहा कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। तो 4% से रेट सॉर्ट आउट कर रहे होंगे, तो 4 + 4 + 4 × 4/100 कर रहे होंगे बच्चों, तो ये आंसर आ रहा होगा 8.16। तो जो प्रिंसिपल होगा उसका 8.16% जो होगा वो हमारा बच्चे होगा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटू कर रहे होंगे 32, यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो 16.32 रुपये का, यानी 3-2 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा होगा। आइए प्यारे बच्चों, हमें प्रिंसिपल निकालना है, रेट 3% है, टाइम 2 साल है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, तो 3% से आप निकालोगे तो 3 × 3 × 3/100, तो आप कर रहे होंगे तो 6.09% बन रहा होगा। तो अब हमें ये बात पता है कि 6.09% रिप्रेजेंट कर रहा है इसे, तो यानी प्रिंसिपल का 6.09% जो है वो 182.70 को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट हटाएंगे 2/0 रखेंगे, इससे कट रहे हैं, पॉइंट हटाएंगे 2/0 इससे, और ये जीरो इतना चली, 2 जीरो कैंसिल हो रहा, 609 से काट रहे हैं, तो इसे 30 बन रहा है, तो प्रिंसिपल बन रहा है 3000। तो ये आ गया है हमारा प्रिंसिपल। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। आइए इन पे प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन एक दो और लेके। बच्चों हमें CISI का डिफरेंस दे रखा है, रेट है 2%, तो अब हमें यहाँ से CISI के डिफरेंस की रेट निकालनी होगी। तो पहले साल भी 2% है, दूसरे साल भी 2% है, तो डिफरेंस की रेट आ रही है 0.04%। अगर 0.04% आ रही है तो प्रिंसिपल का 0.04% रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो और बचे, 2 से काटेंगे 2, 2 से कैंसिल आउट कर रहे होंगे 50, इसका मतलब जो प्रिंसिपल आ रहा होगा वो आ रहा होगा हमारा 5000 रुपये। मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ कि आप इतना डिटेल लीजिए, आप सीधा देखिए कि डिफरेंस आ रहा है CISI का 0.04% और ये है 2 रुपये, तो 0.04 रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 2 हटा के 0, तो कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है 5000। बस ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा अब हम डाटा की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर रेट दे रखी हो तो 2 साल की रेट किस तरीके से जल्दी जल्दी हम कैलकुलेट करें। अगर मान लीजिए बच्चों रेट 1% है तो, और मैं आपको कहूँ कि 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट की फाइनल रेट बताइए, तो आपको पता है फाइनल रेट होती है x + y + xy / 100%। तब करते क्या है कि एक है तो 1111, यानी 2.01%, मैं 2% रखता हूँ तो 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, यानी 4.4%, 3% लेता हूँ तो ये बनेगी 3×3 = 6.09%, 4% लेते हैं तो ये बनेगा 8.16%, 5% ले रहे हैं हम लोग तो 10.25%, अगर हम 6% ले रहे हैं तो ये बनेगा 12.36%। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं 11% ले रहा हूँ तो 11 और 11 = 22 कर लेंगे मन में, 11 और 11 = 22 और 11 × 11 = 121, तो 22 = 23.21%। तो इस तरीके से इन चीज़ों की कैलकुलेशन हम कर रहे होंगे और ये बड़ा आसान है। मैं आपको कहूँ 5% से 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट बताइए, आप सीधा आंसर बोलेंगे 10.25%। मैं कहूँ 4% से तो 8.16%। मन में हम चीज़ें कैलकुलेट करें, 4% से मतलब पहले साल 4, दूसरे साल 4, 4 और 4 = 8,
फिर 4 × 4 यानी 8.16%। मैं कहूँ बच्चों 12% से बताइए 2 साल की इफेक्टिव रेट, तो पहले साल 12%, दूसरे साल 12% यानी 12 और 12 24, फिर 12 × 12 144 यानी 1.44, तो 24 × 25.44% हमारा आंसर हो रहा होगा इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इन पे हमें चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। अभी CGL का जो लेवल है वो इन्हीं पे घूमता रहता है, लेकिन अभी मैं धीरे धीरे आपको बहुत बेहतरीन सवालों पर लेके चलेंगे, जो क्वेश्चन नॉर्मल तरीकों से हमसे दो दो तीन तीन मिनट में नहीं टूट रहे होंगे, वो क्वेश्चन हम यहाँ 3-4 सेकंड में तोड़ रहे होंगे, लेकिन इनके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी इन रेट पे, ताकि आपको इतनी यूज टू हो जाए इन रेट्स पे कि विद इन ए सेकेंड आप उस रेट को बोल रहे हो। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया 13%, तब तुरंत बोले 27.69%। इस स्पीड से चीज़ें आने लगेंगी तो आप जल्दी से चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे होंगे। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेट 8% है बच्चों, प्रिंसिपल 5000 है, टाइम 1 साल 6 महीने, CSI का डिफरेंस आपसे पूछा हुआ है। तो अभी तक क्या होता था बच्चों, टाइम कंप्लीट होता था 2 साल, इस बार क्या है, टाइम अनकम्प्लीट है और हमसे CSI का डिफरेंस पूछा है। तो पहला साल पूरा है तो रेट 8% लीजिए, दूसरा साल अगर रेट 8% लेंगे तो 8% जो रेट बनी वो पूरे 12 महीने की बनी, और हमें चाहिए दूसरे साल के 6 महीने की रेट, तो दूसरे साल के 6 महीने की रेट चाहिए तो कितनी बनी बच्चों, 4%। देखिए भाई ध्यान से, पहले साल रेट है 8%, दूसरे साल रेट 6 महीने के यानी आधे साल की 4%, तो सोल्व करेंगे 0.32%, यानी CISI का जो डिफरेंस होगा वो 0.32% होगा। तो 5000 का 0.32% निकालेंगे, कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 0 से 1 कटेगा तो 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 और 1 = 16, यानी हमारा जो आंसर आ रहा होगा वो 16 रुपये आंसर आने लग रहा होगा। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, क्रेडिट मान लीजिए 8% और टाइम में कह रहा हूँ 1 साल 3 महीने। तो आपको ऐसे सोचना है कि भाई पहले साल तो रेट 8 ही है, दूसरे साल में जो 8% रेट है वो पूरे 12 महीने की और हमें चाहिए 3 महीने की, तो जो रेट बनेगी वो बनेगी 2, तो आंसर आ रहा होगा 0.16%। और 0.16% किसका बच्चों, प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल यानी 5000 का 0.16% निकालेंगे तो परसेंट यानी बटे 100, पॉइंट हटाएंगे तो 20, तो आंसर आ रहा होगा हमारा कितना बच्चों, 8 रुपये। बस मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर हो गया CSI का डिफरेंस का। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन इस तरह से, प्रिंसिपल 8000 है, रेट 5% है, टाइम 1 साल 73 दिन है, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो आप ऐसे देखेंगे जी कि पहले साल तो रेट है पूरी 5%, दूसरे साल जो रेट है वो 73 दिन की, यानी 5% जो रेट है वो पूरे 365 दिन की है और हमें चाहिए 73 दिन की बच्चों। 73 दिन की रेट निकालेंगे तो बननी होगी कितनी, 1, तो 5 × 1/100, तो ये बननी होगी बच्चों 6.05%, तो ये बननी होगी 6.05%। तो जो प्रिंसिपल होगा यानी 8000, उसका 6.05% निकालेंगे तो वो आ रहा होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो, तो 3 जीरो कट जाएगी, तो 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, तो हमारा जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 484 रुपये। यानी ऐसे सवालों में हमारी जो रेट होगी हम उस रेट को अपने टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। अगर टाइम आधा साल है तो रेट को आधा करेंगे, अगर टाइम 1/3 है तो रेट को 1/3 करेंगे, अगर टाइम 1/4 है तो रेट को 1/4 करेंगे, यानी जैसा टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग हम रेट को सॉर्ट आउट करते रहेंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में 73 डेज थे तो टोटल 365 होते हैं, तो 1/5 हमें रेट करनी, 73/365 यानी 1/5 रेट करनी थी, तो हमने रेट को 1/5 किया। तो इन क्वेश्चंस में जैसा टाइम होगा वैसे हम रेट के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करते चले जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आइए अब हम 3 साल पे धीरे धीरे बढ़ते हैं। मान लीजिए रेट पहले साल 1% है, दूसरे साल 2% है, तीसरे साल रेट है 3%, तो आप मुझे फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए कितनी बनी। तो सबसे पहले इन दो को सॉर्ट आउट करिए, तो सॉर्ट आउट करेंगे तो 1/2 = 3.02% और 3% है,
तो इनको सॉर्ट आउट कर रहे होंगे तो ये बन रहा होगा। देखिए यहाँ बड़ा आसान है, इन दोनों को बहुत आसानी से कर लेंगे। इन दोनों को हम वही वाला फंडा लगाते हैं जी, x प्लस वाई यानी 3.02 प्लस वाई यानी 3 प्लस 3.02 इंटू 3 बाई 100। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो प्रोसेस है ये बड़ा आसान है, इसे सॉर्ट आउट करोगे 3 2 6, 100 है तो पॉइंट क्या 20 तो इतना हो यानी 6.02 ऐड करेंगे तो 0.0906, तो ये 6 0 9 2 11 6.1106% ये हमारा बना कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का। यानी पहले दो का तो हम जल्दी से कर लेंगे, फिर इनमें हम धीरे धीरे अब कैलकुलेशन सीखेंगे कि यार एक बार तो इनको जोड़ना है तो एक्स वाई ये 6.02 हो गया, अब गुना करके इस पार्ट को और जोड़ना है। जैसे एक और एग्जांपल पे हम चलते हैं, तो बच्चों हम इन 2 साल का लेते हैं तो ये बना 2 3 5.06, अब इसके साथ लेते हैं तो एक्स प्लस वाई करेंगे तो 9.06 बना, अब इंटू में ना प्लस में करते हैं एक्स इंटू वाई, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ध्यान रखना कि जितना डेसिमल है वो तो ठीक है लेकिन बटे में हम 100 लिख रहे हैं तो 2 पॉइंट से 2 डेसिमल इधर और शिफ्ट करने हैं, तो गुना करेंगे 24 और 20 तो ये बनेगा, तो ऐड कर रहे होंगे तो 9.2624% ये हमारा होगा बच्चे आंसर। तो बच्चों इनको सॉर्ट आउट करते हैं, तो पहले इन दो को लेंगे 3 5 8 5 3 3 15 तो 8.15%, फिर इसको लेते हैं तो ऐड कर रहे होंगे हम लोग इन्हें तो ये बन रहा होगा, सबसे पहले x प्लस वाई करेंगे तो 8 6 14.15% प्लस में इंटू कर रहे होंगे तो 15 6 90 बन रहा होगा बच्चे, और 6 8 48 बन रहा होगा। अब हमें पता है कि 2 पे पहले से था, 100 से डिवाइड करते हैं तो 2 और शिफ्ट होगा यानी 0.4890, और आप इन्हें सिंपली ऐसे लिख लिया करिए कि 0.4890, जब आप इन्हें ऐड कर रहे होंगे तो 0 9 8 5 13 4 1 5 1 6 4 यानी 14.6390% हमारा आ रहा होगा डिफरेंस, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों आपको 3 रेट दे रखी है और CISI का डिफरेंस पूछा है कितना परसेंट रेट में बन रहा होगा, तो बच्चों सिंपल इंटरेस्ट तो बड़ा आसान होता है 4 5 9 और 6 15, यानी सीधा सीधा हम रख देंगे सिंपल इंटरेस्ट बनता है जी 15%, कंपाउंड निकाल लेते हैं तो पहले 4% 5% और 6%, तो पहले मेरे बच्चों इन दोनों का निकालोगे तो इनका आएगा 9.2%, अब इसके साथ 6% को सॉर्ट आउट कर रहे होंगे तो पहले इन दोनों को जोड़ लो तो 9 6 15.2, अब देखिए इनको इंटू करना है, एक के बाद है ही तो 2 जीरो होंगी तो 3 के बाद लगना है, तो 6 2 12 बच्चे 6 54 और 1 55 तो यहाँ लग जाएगा 2 5 7.51%, ये हमारा आंसर हो गया, यानी 15.752% जो होगा वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और 15% होगा सिंपल इंटरेस्ट, तो CISI का डिफरेंस होगा 0.752%, ये आएगा CISI का डिफरेंस। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन में रेट दे रखी है 1% 2% और 3%, टाइम है 3 साल, आपसे पूछा हुआ है CISI का डिफरेंस बताइए, तो क्वेश्चन करें कैसे अब हम, तो हम करते हैं कि पहले इनसे कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट निकालते हैं, तो 1% 2% 3%, ध्यान रखिएगा बहुत जल्दी से कैलकुलेशन करना है, 1 2 3.02%, अब इन दोनों को निकालते हैं तो 6.02, अब हमें पता है कि 2 पे पहले से डेसिमल है, 3 से करोगे तो 3 ही डिजिट का होगा तो 0.0 लगा लो, 3 2 6 0 3 3, अब ऐड कर रहे होंगे तो 6.1106%, तो ये बन रहा होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट। अब सिंपल की रेट हो तो 1 और 2 3 और 3 6%, तो सिंपल इंटरेस्ट की रेट है 6%, तो डिफरेंस निकालेंगे तो 0.1106% हमारा CISI का डिफरेंस है, तो जो भी प्रिंसिपल होगा तो प्रिंसिपल होगा 8000, तो 8000 का 0.1106% जो होगा वो होगा CISI का डिफरेंस, तो पॉइंट हटाएंगे 4 जीरो, तो यहाँ पे बच्चों 3 जीरो कैंसिल आउट, 8 से करेंगे 48 88, तो 3 जीरो है तो आंसर आ रहा होगा 8.8848 रुपये,
तो ये आ रहा होगा हमारा सी आई एस आई का डिफरेंस। आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में हमसे पूछा सी आई एस आई का डिफरेंस, तो हम सबसे पहले यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट निकालते हैं 2%, 5% और 3% से। तो निकालेंगे पहले इन दो को, करेंगे तो 5, 2, 7.1% 3% करते हैं, ऐड करेंगे तो 10 आया। अब जोड़ेंगे तो 3 × 3, 3 × 7 = 21, और हमें पता है एक पॉइंट के बाद एक अंक है और बटे 100 होना है, बटे 100 होना है तो दो अंक और यानी यहाँ पे, तो ऐड कर रहे होंगे तो बच्चों आ रहा होगा 3, 1, 3, 10। तो ये आ रहा होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट बन रही होगी 10.313%। सिंपल इंटरेस्ट की रेट बन रही होगी हमारी कितनी बच्चों, 2 और 5, 7 और 3, 10%, तो 0.313%। ये बना हमारे सी एस आई का डिफरेंस। तो जो प्रिंसिपल है, अब प्रिंसिपल है 5,000 रुपये, तो जो प्रिंसिपल है उसका 0.313% निकालना है यानी बटे 100, पॉइंट हटाएंगे 3 0 और इससे करेंगे। अब कैलकुलेट करते हैं 5 3 15 5 1 6 5 3 15। अब 2 0 थी तो बच्चों हमारे लिए आंसर जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 15.65 रुपीज़। और इन चीज़ों पे बार बार प्रैक्टिस करिए, इन रेट को फाइनल रेट या इफेक्टिव रेट निकालने के लिए लगातार कई सारी रेट पे प्रैक्टिस करिए, इसके बाद आप यूज्ड हो जाएंगे और आपकी जो स्पीड होगी क्वेश्चन को की फाइनल रेट निकालने की वो बहुत तेज़ गति से होगी। आइए प्यारे बच्चों, अगर रेट सेम ही हो 3 साल, जैसे पहले साल 2% है, दूसरे साल भी 2%, तीसरे साल भी 2% हो, फिर कैसे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं समझते हैं। अगर रेट 1% है तो 3 साल में फाइनल रेट होगी, आखिरी के जो 2 डिजिट हैं बच्चों उस पर लिखना है आपने AQ, अगले जो 2 डिजिट हैं इस पर लिखना है आपने 3A², यहाँ पॉइंट और यहाँ लिखना है आपने 3A। ये होगी आपकी फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसे ही CISI के डिफरेंस में भी आखिरी जो 2 डिजिट हैं वो AQ, अगले जो 2 डिजिट हैं वो 3A², यहाँ पॉइंट और यहाँ लिखा जाएगा बच्चों 0। तो आखिरी के 2 डिजिट उससे अगले 2 डिजिट, तो इतना परसेंट जो होगा वो CISI का डिफरेंस होगा और इतना परसेंट होगी फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे मान लीजिए रेट है 1%, तो 1 का क्यूब करिए, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है तो 0 1 लिखिए। 1 कवर करेंगे, 1 1 को 3 से गुना करेंगे 3, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है तो 0 3, और 1 को 3 से करेंगे 3, तो आंसर होगा 3.0301%। 2% लेते हैं और CISI का डिफरेंस तो यही हो जाएगा बच्चों 0.0301%। 2% से चलते हैं तो 2 का क्यूब आया 8, 2 का वर्ग 4 = 12, 2 3 = 6। 3% लेते हैं तो 3 का क्यूब 27, 3 का वर्ग 9, 9 को 3 से गुना किया 27 और 3 * 3 = 9, तो ये बना 9.2727%। अगर 4% पे आते हैं तो 4 का क्यूब 64, 4 का वर्ग 16 * 48 और 4 * 3 = 12। 5% से आते हैं तो 5 का क्यूब बच्चों ध्यान देना 125, लेकिन आपने क्या लिखना है, केवल 25, जो एक है वो हासिल रखनी है। फिर 5 का वर्ग 75, 5 का वर्ग 25, 25 को 3 से गुना किया 75 और 1 वो जो हासिल थी वो तो 76 और 5 * 3 = 15, तो ये बना आपका फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसे ही मैं 6% पे आऊँ तो 6 का क्यूब करेंगे आप तो आ रहा होगा 216, लेकिन आप लिखेंगे सिर्फ 16, तो जो 2 है उसे कैरी कर लेंगे। फिर यहाँ करेंगे 6 का वर्ग 36, 36 को 3 से करेंगे 108, 108 में 2 ऐड कर रहे होंगे 110, तो 110 का केवल 10 लिखेंगे, 1 कैरी कर लेंगे। फिर 6 * 3 = 18 और 1 कैरी किया तो 19.1016%। ये हारी होगी बच्चों हमारी फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी तरीके से आप किसी भी रेट पे कर सकते हैं, चाहे वो 10% हो, 12% हो, 15% किसी भी रेट पे। जैसे मान लीजिए मैं 10% पे करता हूँ,
तो 10 का क्यूब करेंगे बच्चों तो 1000, तो कितने जीरो आ गई, 2 हासिल लगी बच्चों 10। फिर 10 का और करेंगे 100, 100 को 3 से करेंगे 300 में 10 जोड़ेंगे 310, तो हासिल लगी 3, 10 दिए 30 और 3 33, तो हमारा आंसर आ रहा होगा 33.1%। और ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर हो रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों आप सबको करना क्या है कि इन रेट्स की बार बार प्रैक्टिस करनी, कैलकुलेट करने की, या मैं आपको एज ए स्टूडेंट सलाह दूंगा कि आप इन चीज़ों को याद रख लीजिए। अगर मैंने आपको कहा कि रेट 1% है तो तीन साल में मुझे फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो आपका आंसर जो होना चाहिए वो तुरंत याद हुआ बोलना चाहिए कि 3.0301%, जो मैंने आपको ऊपर लिखवाया 3.0301%। अगर मैंने कहा रेट 5% है तो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो आप बोलेंगे 15.7625%, 15.7625%। अगर मैं कहूँ 2% बताइए बच्चे कितना हुआ, तो 2% जैसे ही मैंने कहा कुछ चीज़ें क्लिक होनी चाहिए, तो आप कहेंगे 6.1208%। अगर मैंने 3% कहा तो आप तुरंत कहें 9.2727%। अगर मैं कहूँ बच्चों 4% बताइए, तो आप कहेंगे 12.4864%। तो ये चीज़ें आपके टिप्स पे होंगी, तो आप चीज़ें जल्दी से सॉर्ट आउट कर रहे होंगे एग्जाम के क्वेश्चन में। अगर मैं रेट 10% आपको बोलता हूँ तो आपको याद होना चाहिए कि 33.1% रेट हो जाती, क्योंकि इधर जीरो लगाने का मतलब ही नहीं है। यानी 10% से जो फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा होगा वो बन रहा होगा 33.1%। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, रेट हमें दे रखी है 3%, टाइम है 3 साल, CISI का डिफरेंस दे रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग, मैंने अभी चीज़ें समझाई थी कि वो डाटा आप याद रखिए, तो बताया था कि 3% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट हो जाती है 3 साल में 9.2727%, और CISI का डिफरेंस हो जाता है 0.2727%। इसका मतलब जो प्रिंसिपल होगा उसका 0.2727% जो हो रहा होगा वो वैल्यू होगी बेसिकली CISI का डिफरेंस, और वो डिफरेंस रखा 272.70। पॉइंट हटाएंगे बच्चों 2 जीरो रखेंगे, पॉइंट हटाएंगे 4 जीरो, सत्ताईस से काट रहे होंगे तो ये 10 बचेगा, सोल्व कर रहे होंगे तो हमारा जो प्रिंसिपल आ रहा होगा वो 1, 1, 2, 3, 4, 0 और 1, 5। हमारा जो प्रिंसिपल बन रहा होगा बच्चों वो बन रहा होगा 1,00,000 रुपये। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है कि प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, रेट दे रखे 4%, टाइम है 1 साल 6 महीने। क्वेश्चन में कह रहा है अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट करें, 6 माही संयोजित करें, या हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कैलकुलेट कर रहे हो, तो दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आ रहा है वो 204 रुपये का है, तो बताइए प्रिंसिपल क्या होगा। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं कि बच्चों सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं पर एनम कि जी पर एनम में कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट क्या बनेगी। तो अगर मैं पर एनम कैलकुलेट करूं तो बच्चों 1 साल पहले साल की रेट हुई, फार्मूला आपको पता है x + y + xy / 100%, तो पहले साल की रेट हुई 4%, दूसरे साल आधा साल है तो रेट हो गई आधी 2, तो +4 × 2/100, और मुझे नहीं लगता ये चीज़ें लिख के करने की जरूरत है, सीधा भी हो जाएगा 426.08%। उम्मीद है बात आ रही होगी समझ में। लेकिन अगर बच्चों मैं हाफ ईयरली कैलकुलेट करने लगूं इसी चीज़ को, हाफ ईयरली कैलकुलेट करूं, 6 माही संयोजित करूं, 6 माही का मतलब हर 6 महीने में, क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने में, हाफ ईयरली का मतलब हर 6 महीने की बात होती है, और पर एनम मतलब हर 12 महीने में। तो अगर मैं हाफ ईयरली कैलकुलेट करता हूं बच्चों तो ये जो रेट है ये तो पर एनम की है, तो हाफ ईयर करेंगे तो रेट कितनी होगी 2%। 1 साल में 2 हाफ ईयर, 6 महीने का 1 हाफ ईयर, तो कितनी हाफ ईयर 3। अब ये वही फंडा बन गया कि भैया क्योंकि वहां तो 3 से मतलब है, 3 साल की भी उसी तरीके से होगी, 3 क्वार्टर की भी इसी तरीके से होगी, 3 हाफ ईयर की भी, तो यहाँ 3 हाफ ईयर है। तो हम देखेंगे जी कि रेट 2% से 3 हाफ ईयर में रेट कितनी बन जाती है। बच्चों मैंने कहा था याद करिए उस डाटा को, 6.1208%, तो हाफ ईयर से करोगे तो 6.1208%, तो डिफरेंस निकालोगे तो आ रहा होगा 0.1208
0.0408%। तो जो प्रिंसिपल होगा उसका 0.0408% जो हमारा बन रहा होगा बच्चों, वो बनने लग रहा होगा 204 रुपये। तो इसे इक्वल टू रख देंगे 204 रुपीज़। अब पॉइंट हटाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे रखेंगे, आप जानते हैं पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे था तो 1, 2, 3, 4 डेसिमल थे, डेसिमल का 4 डिजिट थे, तो 4 ज़ीरो लिखे। कैलकुलेट करेंगे तो 204 को इससे काटेंगे, 2 बना, 2 से काटा 50 बना, तो हमारा जो प्रिंसिपल आ रहा है वो आ रहा है 50 इतने रुपये। तो ये आ गया हमारा सीधा प्रिंसिपल, यानी 5 लाख रुपये। आइए प्यारे बच्चों ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं, जहाँ प्रिंसिपल इस बार आपको गिवन है, रेट है 6% पर एनियम, यानी पर एनम दी हुई है, टाइम है 1 साल 6 महीने। अब कह रहा है कि जी अगर हाफ ईयरली और पर एनम कैलकुलेट करते हैं तो दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस बताइए क्या होगा। तो आप ऐसे देखिए कि सर सबसे पहले हम पर एनम कैलकुलेट करते हैं, अगर हम पर एनम कैलकुलेट करेंगे इसे, तो आप ये देखिए कि पहले साल रेट होगी 6%, दूसरा अगर आधा साल है तो रेट हो जाएगी 3, तो हम रख रहे होंगे 6 × 3/100, तो यार होगा 9.18%। तो ये बन रही होगी बच्चों 9.18%। लेकिन अगर हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं तो बच्चों 6% पूरे साल की, हाफ ईयर की रेट हो जाएगी 3%, और कुछ नहीं लिखा होता तो मतलब पर एनम होती है, तो 3% पर हाफ ईयर, और डेढ़ साल में 3 हाफ ईयर हो गए, तब ये रेट तो आपको रटी हुई है कि 3% से 3, अब वो 3 साल भी हो सकता है, आप 3 हाफ ईयर भी ले सकते हैं, 3 क्वार्टर भी ले सकते हैं, फंडा वही होगा। तो 3 हाफ ईयर में मतलब 3% से कितनी बननी होगी, याद होगा आपको 9.2727%। तो जब आप घटा रहे होंगे तो यू विल गेट 0.0927%। तो जो प्रिंसिपल है यानी 4000 रुपये, उसका लेंगे हम 0.9027%। पॉइंट हटाएंगे 4 ज़ीरो और, तो ये 3 ज़ीरो। अब देखिए कैलकुलेट करते हैं आगे, 4 को इससे करेंगे, 4 × 7 = 28, 4 × 2 = 8 और 2 = 10, 4 × 9 = 36 और 1 = 37। अब मेरे प्यारे बच्चों 3 ज़ीरो बची हुई थी, तो हमारा आंसर आ रहा होगा 3.708 रुपीस। यह आ रहा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर हम हाफ ईयरली और कंपाउंड इंटरेस्ट हम पर एनम कैलकुलेट कर रहे हो तो उनके बीच का डिफरेंस। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ जिनको आपको जानना है, उसके बाद हम उन पर आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए रेट है 20%, और मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर रेट 20% पर एनम है तो आप मुझे 2 साल में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बताइए क्या होगा। 2 साल में आप प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बताइए क्या होगा। तो जब आप क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर रहे होंगे तो आप इस तरीके से चीज़ों को लिख रहे होंगे कि 2 साल के लिए, कि भाई 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी पहले साल कोई धन 5 से 6 हुआ, दूसरे साल फिर वही धन 5 से 6 हुआ, ऐसे ही कर रहे होंगे। तो आप कहेंगे जी 2 साल में कोई धन 25 से कितना हो रहा है, 36 रुपये हो रहा है, ऐसे ही बोल रहे होंगे। ऐसे ही अगर मैं कहूँ बच्चों टाइम 3 साल है तो बताइए मुझे प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो क्या होगा, आप कहेंगे जी पहले साल 5 से 6 हुआ, फिर 5 से 6 हुआ, तीसरे साल फिर 5 से 6 हुआ, तो 3 साल में 125 से कितना हुआ, 216। तो अगर कोई धन 3 साल में 125 से 216 हुआ, तो अगर मैं आपको 4 साल कहूँ तो इसी तरह से इस नंबर का आपकी पावर 4 रख देनी है, 2 साल का तो इस नंबर की पावर आपने 2 रख देनी है, 5 साल कहूँगा तो इस नंबर की पावर आप 5 रख रहे होंगे। तो इस तरीके से चीज़ों को हम चला रहे होंगे। बात यह बच्चों कि रेट होती क्या है, रेट यानी दर प्रतिशत होती क्या है। तो रेट परसेंट का मतलब होता है, आपको बताया था कि 100 रुपये पे 1 साल का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर, 100 रुपये पे 1 साल का ब्याज कहलाती है हमारी रेट।
अब मान लीजिए इन्हीं को उलट के मैं क्वेश्चन आपको बोलूं कि जी कोई प्रिंसिपल है दो साल में वो 25 से 36 हो रहा है, कोई प्रिंसिपल है और दो साल में 25 से 36 हो रहा है, यानी प्रिंसिपल 25 है तो दो साल बाद अमाउंट हो जाता है 36 रुपये, तो आप मुझे उसकी रेट बताइए। तो आप कहेंगे जी 25 से 36 इतना इंटरेस्ट, लेकिन ये इंटरेस्ट कितने साल का है? दो साल, और ये कंपाउंड है, ऐसा तो है नहीं कि सिंपल इंटरेस्ट है, हर साल इंटरेस्ट सेम रहेगा। तो अगर आपको यहाँ से फिर वापसी यहाँ आना है तो वही प्रोसेस, यहाँ से जा रहे हैं तो स्क्वेयर कर रहे हैं, टाइम दो साल था तो यहाँ से वापसी आना है तो स्क्वेयर रूट करिए, तो दो साल में इतना हो रहा है तो एक साल के लिए करिए स्क्वेयर रूट, तो एक साल में कहेंगे जी पाँच से हो रहा है छः, तो एक साल में पाँच से छः तो कितना ब्याज बना? एक, तो एक का ब्याज पाँच पे तो सौ पे कितना? तो आंसर होगा बच्चे 20%। ऐसे ही मैं कहूँ जी तीन साल में कोई धन 125 से 216 हो गया, रेट बताइए जी क्या होगी? तो हमें पता है तीन साल में हुआ तो एक साल के लिए क्या करिए आप इसका क्यूब रूट, तो 125 का क्यूब रूट 5 और 216 का क्यूब रूट 6, तो 5 से कोई धन 6 हुआ तो ब्याज कितना बना? एक, तो एक रुपये ब्याज बना 5 पे तो 100 पे कितना? 20%। तो इस तरीके से चीज़ों की रेट निकालेंगे। अब सवाल में होगा क्या कि आपको सीधा सीधा नहीं दे रखा होगा कि 25 से 36 हो गया, आपको इसका अमाउंट ऐसे बना के दे रखी होगी, या आपको 25 का डबल कर देगा जी 50 से 72 हो गया, तो इस तरह से मल्टीपल कर रखे होंगे। तो सबसे पहले आप इनके क्या करिएगा, रेशियो निकालिएगा, और रेशियो निकालने के बाद जितने टाइम है उतनी पावर से उसको डिवाइड करते चले जाइएगा। आइए सवाल के थ्रू हम इन चीज़ों को बच्चों समझते हैं। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, इफ़ ए सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ रुपीज़ 225 अमाउंट्स टू रुपीज़ 256 इन टू ईयर्स, 225 रुपये का कोई धन है दो साल में कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से 256 रुपये हो जाता है, 256 रुपीज़ हो जाता है, तो आपको मेरे प्यारे बच्चों बताना है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप ऐसे देखिए कि जी इस सम ऑफ रुपीज़ 225 अमाउंट टू रुपीज़ 256, 225 रुपये से कोई धन 256 रुपये हो जाता है, और कितने दिनों में हो जाता है बच्चों? ये दो साल में, तो दो साल में 225 से 256 होता है, तो एक साल के लिए आप इसका क्या करिए बच्चे, स्क्वायर रूट। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 225 का वर्गमूल होता है 15 और 256 का वर्गमूल होता है 16, तो एक साल में ये धन 15 से कितना होता है? 16, तो कितना ब्याज बना? एक, तो एक रुपये इंटरेस्ट बना 15 पे तो 100 पे कितना? तो हमारा आंसर होगा 6:2/3%। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इस तरह से है, इफ़ ए सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ रुपीज़ 1,02,400 अमाउंट्स टू रुपीज़ 1,45,800 इन थ्री ईयर, 1,02,400 रुपए का कोई धन तीन साल में बच्चों 1,45,800 रुपए हो गया, तो हमें देखना है कि तीन साल में इतना हुआ है, तो रेट जो होती है वो एक साल का ब्याज होता है, तो हमें पहले इसे लाना होगा एक साल पे। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करिए, इनका रेशियो फाइंड आउट करिए। तो रेशियो करेंगे तो इसे काटेंगे तो ये 512 बना, और इसे सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो ये बन रहा होगा 729, यानी तीन साल में ये अमाउंट 512 से 729 हुआ। तो एक साल के लिए बच्चे इसका क्या करो, क्यूब रूट करो, तो 512 का क्यूब रूट 8, 729 का क्यूब रूट 9, यानी एक साल में ये प्रिंसिपल 8 से 9 हुआ। अगर ये प्रिंसिपल एक साल में 8 से 9 हुआ तो एक रुपये ब्याज बना किस पे? 8 पे, तो 100 पे कितना? तो हमारा आंसर आ रहा होगा रेट का 12.5%। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो इस तरह से है, इफ़ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन थ्री ईयर, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल तीन साल में अपने आप का 8 गुना है हो गया, यानी अगर आज प्रिंसिपल एक है तो तीन साल बाद कितना हो गया? 8। अगर तीन साल में बच्चों प्रिंसिपल 8 हो गया है, यानी तीन साल में एक से 8 हुआ, तो एक साल के लिए क्या करिए आप, उसका क्यूब रूट निकालिए, यानी जो टाइम है उतनी पावर, उतनी 1/टाइम वाली पावर चढ़ा दीजिए, तो एक का क्यूब रूट 1, 8 का क्यूब रूट 2, यानी एक साल में प्रिंसिपल 1 से 2 होगा तो कितना ब्याज बना? 1, 1 का ब्याज बना 1 पे तो कितना परसेंट बना बच्चों? 100%, यानी रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट होगी बच्चों हमारी कितनी? 100%। आइए प्यारे बच्चों सवाल इस तरीके से है कि इफ़ ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट व्हाट परसेंट रेट परसेंट पर एनम विल रुपीज़ 2304 अमाउंट्स टू रुपीज़ 2500 इन टू
ईयर कंपाउंडेड एनुअली 2304 रुपये से कोई प्रिंसिपल, 2304 रुपीज़ से कोई प्रिंसिपल, आफ्टर टू ईयर्स इट विल बिकम 2500, दो साल में 2304 से 2500 रुपये हो जाता है। तो दो साल में इतना होता है, तो बच्चों एक साल के लिए क्या करिए इसका स्क्वायर रूट। लेकिन उससे पहले आपका सबसे बढ़िया काम होगा कि आप इनकी क्या बना लें बच्चे, रेशियो। तो रेशियो बनाएंगे तो चार से काटेंगे तो चार पाँच बीस, चार छः चार सात अट्ठाईस, बच्चों चार छः चौबीस, 576 इसको डिवाइड कर रहे होंगे 625। तब हम कहेंगे जी दो साल में 576 से 625 हो रहा है, तो एक साल के लिए क्या कर लो जी स्क्वायर रूट। तो एक साल में हो रहा होगा 24 से 25, तो एक साल में कोई धन 24 से 25 हो रहा है, तो एक रुपये ब्याज बना किस पे बच्चों, 24 पे। तो 100 पे कितना, तो रेट होगी जी 4.6%, ये होगा हमारा आंसर। आइए प्यारे बच्चों अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल रुपीज 32,000 यील्ड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 5,044 इन 9 मंथ्स इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। बच्चों प्रिंसिपल है 32,000 रुपये, क्वेश्चन में कह रहा है कि जी 9 मंथ्स का जो कंपाउंड इंटरेस्ट बना है वो 5,044 रुपीज बना है। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो यू विल गेट 37,044। इट मीन्स ए सम ऑफ रुपीज 32,000 अमाउंट्स टू रुपीज 37,044 इन 9 मंथ्स, बट इफ यू आर कैलकुलेटिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द क्वार्टरली बेसिस देन इट इज वेरी मच क्लियर दैट इन 9 मंथ्स देर आर 3 quarters। सो वी कैन से दैट दिस फॉर्मेट दैट ए सम ऑफ रुपीज 32,000 अमाउंट्स टू रुपीज 37,044 इन 3 quarters, वी ऑल्सो कैन से दिस इन 3 quarters। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक इट्स रेशियो, सो बाई मेकिंग इट्स रेशियो वी विल गेट हेयर 8,000 एंड हियर वी विल गेट 9,261। सो ए सर्टेन सम ऑफ रुपीज 8,000 अमाउंट्स टू रुपीज 9,261 इन 3 quarters। सो दिस रेशियो बिकम्स इन 3 quarters। सो वी नीड टू गेट द रेट परसेंट फॉर 1 quarter। सो लेट्स क्यूब रूट इट्स वैल्यूज। सो क्यूब रूट ऑफ 8,000 इज 20 and cube root of 9,261 is 21. So we can easily say that in 1 quarter a principal of rupees 20 amounts to rupees 21. So if in 1 quarter it becomes 21, then compound interest is 1 rupees. So if compound interest is 1 rupees on 20, then what is on 100? But you will get a 5% rate. But for which time you will get 5% rate for quarter. So you can write it 5% rate per quarter. मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि 32,000 रुपये से कोई धन 37,044 रुपये हो जाता है, 32,000 रुपये से 37,044 रुपये हो जाता है 9 महीने में। तो 3 महीने का 1 quarter होता है, तो 9 महीने के 3 quarter होते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 3 quarter में इतने से इतना हो रहा है, रेशियो बनाया तो 1 quarter में इतने से इतना हो गया, 3 quarter था इसलिए क्यूब रूट किया, तो 1 quarter में 20 से 21 हो गया, यानी 20 यूनिट अगर प्रिंसिपल है तो उस पर 1 unit इंटरेस्ट बना है 1 quarter में। तो इसके अकॉर्डिंग 100 पे कितना बनेगा, 5%। यानी हम कैसा कह सकते हैं कि 5% रेट जो आई वो आई पर क्वार्टर। लेकिन आप जानते हैं कि रेट हमेशा ही बच्चे को कैसी बोली जाती है, रेट हमेशा बोली जाती है बच्चों पर एनम। कैसे बोली जाती है, पर एनम। अगर रेट पर एनम बोली जाती है तो यहाँ रेट पर क्वार्टर है, और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं बच्चे, 4। तो मेक इट मल्टीप्लाई विद 4, यू विल गेट 20% पर एनम, इट इज रेट परसेंट। आइए प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नया सवाल हमारे सामने लिखा है कि इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times ऑफ itself इन 8 years, कोई धन 3 साल में अपने आप का 8 गुना कोई धन 8 साल में अपने आप का 3 गुना होता है। देखो बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर कोई प्रिंसिपल पहले साल 5 से 6 हो रहा है, तो हम दूसरी बार भी उसे 5 से 6 कर रहे होते हैं, 5 से 6 कर रहे होते हैं, मतलब उसको 6/5 गुना कर रहे होते हैं। अगले साल फिर उस पिछले वाले का 6/5 गुना कर रहे होते हैं।
यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में वो उतने ही टाइम्स उस टाइम इंटरवल पे चलता रहता है। अगर टाइम एक साल है और रेट 20% है तो इसका मतलब हर एक साल बाद वो अपने आप का 6/5 होता रहेगा। तो ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें मल्टीपल ढूंढना होता है कितना हो रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल 8 साल में अपने आप का 3 गुना हो रहा है। लेट्स से मान लीजिए आपका प्रिंसिपल 1 है तो 8 साल में 8 ईयर्स में इट विल बिकम 3 टाइम्स, सो इट बिकम्स 3। माने अगर कोई धन आज 1 है तो 8 ईयर में वो कितना होगा, 3। अब बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इस स्पेसिफिक टाइम में फिर से अपने आप का 3 टाइम्स ही होगा। इट मीन्स अगले 8 ईयर में इट ऑल्सो बिकम 3 टाइम्स, सो इट बिकम्स 9। अगले 8 साल में फिर से 3 गुना होगा, 9 होगा। अगले 8 साल में फिर से 3 गुना होगा, तो 9 का 3 गुना होगा कितना बनेगा, 27। यानी हर 8 साल बाद ये अपने आप का 3 टाइम्स होता ही रहेगा, चाहे आप कितने भी साल चले जाइए। तो कुल मिला के आपने देखा कि 3 टाइम्स होने का मतलब 3^1, यानी 3^1 बनने में 8 साल लगे। 9 गुना होने का मतलब मैं कहूँ कि बताइए ये धन 9 गुना कितने साल में होगा, तो आप कहेंगे जी 8 साल में तो पहले 3 गुना होगा, फिर अगले 8 साल में फिर 3 का 3 गुना 9 होगा, तो कितने साल लगे, 16 साल। या हम इसे यूँ कह देते हैं कि जी 3^2 बनने में लगे इसे कितने साल, 16 साल। तो हम इन जनरल इसको इस तरह डेरिवेट कर सकते हैं कि 3^1 बनने में लगे इसे 8 साल, और हमसे पूछ रहा है कि बताइए 243 टाइम्स ये कितने साल में हो पाएगा। तो 243 टाइम्स का मतलब 3^3। आप जानते हैं 3^1 3 होता है, 3^2 9 होता है, 3^3 27 होता है, 3^4 81 होता है, और 3^5 होता है 243। तो 243 को लिख सकते हैं 3^5। तो 1^ बनने में 8 साल, तो 5^ बनने में कितना साल लगेगा बच्चों, 40 साल। यानी 40 साल में ये प्रिंसिपल अपने आप का 243 टाइम्स हो जाएगा। ये बात आप समझ पाए। साथ के साथ बच्चों मैं आपको यहाँ एक और भी चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, और वो है रेट। आपसे पूछा कि 243 टाइम्स कितने साल में होगा, आपने आंसर बताया 40 साल। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि रेट कैसे निकालें। तो आप ऐसे देखिए कि जी 8 साल में ये प्रिंसिपल 1 से 3 हुआ है, तो 1 साल के लिए क्या करें, क्योंकि रेट तो एक साल का ब्याज होता है, तो 8 साल में इतना हुआ तो 1 साल के लिए 8th रूट करिए इसका। तो 1 साल में निकल के आया 1 से 8√3। तो अब आप देखिए कि 1 साल में ये प्रिंसिपल 1 से इतना हुआ तो कितना इंटरेस्ट बना। जैसे मान लो हम कहते थे जी 2 साल में कोई धन 25 से 36 हो गया, तो 1 साल के लिए क्या करते थे बच्चों, हम इसका स्क्वायर रूट। तो हम कहते थे जी 1 साल में हो गया 5 से 6, तो हम कहते कितना ब्याज बना, तो आप निकालते थे 6 - 5, यानी 6 - 5 आप कहते जी 1 साल का ब्याज बना 1 है। तो ऐसे ही 1 साल में ये इतने से इतना हुआ तो कितना ब्याज बना जी, घटाएंगे तो 8√3 - 1, इतना ही ब्याज बना। तो इतना जो इंटरेस्ट बन रहा है वो किस पे बन रहा है बच्चों, हमारा 1 पे। अगर इतना इंटरेस्ट 1 पे बना तो 100 पे कितना बना, तो इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारा रेट परसेंट। क्योंकि जैसे हम यहाँ लिखते थे तो हम लिखते थे जी 1 रुपये का जो इंटरेस्ट आया वो किस पे बना बच्चों, 5 पे, तो 100 पे कितना, यानी 20%। तो ऐसे इतना इंटरेस्ट बना 1 पे तो रेट क्या होगी, यही रेट होगी बच्चों। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस की रेट को हमें फाइंड आउट करना होगा। बहुत सारे क्वेश्चन में सिंपली ये लिख रखा होगा कि ये कितने साल में कितने गुना हो रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये इंटरवल या ये टाइम हमें निकालना होगा। तो क्वेश्चन क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों और क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। अगर आपको फिर भी कहीं दिक्कत आ रही है फ्रैक्शन तोड़ने में, परसेंटेज से चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो बच्चों आप मेरा परसेंटेज का चैप्टर है यूट्यूब पर डला हुआ है, आप उसको दोबारा से देखिए, अच्छे से समझिए, उसी चैप्टर को 2-3 बार करिए, आप उसे परचेज करिए और उस पर बार बार प्रैक्टिस करिए। और आप लोगों के जितने भी डाउट्स वगैरह आ रहे हैं तो मैं इन सारे डाउट्स को एक बार इकट्ठा कलेक्ट करूंगा और सारे डाउट्स को एक साथ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा यूट्यूब पे आप सब लोगों के लिए। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से कह रहा है सवाल में आपको कि इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम डबल्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर, कोई धन 3 साल में अपने आप का डबल हो जाता है। अगर 3 साल में अपने आप का डबल हो रहा है, इसका मतलब प्रिंसिपल 1 है, तो 3 साल में अपने आप का डबल हो रहा है, यानी कितना हो रहा है, 2। अगर 3 साल में डबल हो रहा है तो इसका मतलब ये हर 3 साल के इंटरवल पे अपने आप को डबल करता रहेगा,
मैं कहूँ अगले 3 साल में क्या होगा, तो फिर से अपने आप का डबल हो जाएगा, यानी 4। अगले 3 साल में फिर क्या होगा, 8। तो यानी हर 3 साल में अपने आप का डबल होता रहेगा, यानी 2 की पावर 1 बनने में बच्चे कितने साल लग रहे होंगे, 3 साल। तो कह रहा है 64 गुना बनने में कितने साल लगेंगे, तो 64 को हम लिखेंगे 2 की पावर। देखिए बच्चों, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है 64। तो 64 को हम लिखेंगे 2^6। अब हमें पता है 1 पावर बनने में 3 साल, तो 6 पावर बनने में कितने साल लगेंगे, तो आपका आंसर होगा 18 साल, या 18 साल, यानी 18 ईयर्स में ये सम अपने आपका 64 टाइम्स हो जाएगा। देखिए बच्चों, इस तरीके से तो हम ये निकाल सकते हैं कि कितने साल में ये 64 टाइम्स होगा, इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। बट इफ इन द क्वेश्चन ही विल आस्क व्हाट इज द रेट परसेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, देन देर इज एन ए बिग इश्यू फॉर नॉर्मल स्टूडेंट्स हु आर नॉट टेकिंग माई ऑनलाइन क्लासेज और माई ऑफलाइन क्लासेज, दे कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन वेरी सॉफ्टली और वेरी इजिली, बट यू आर द फॉर्चुनेट वन हु कैन आंसर इट इज वेरी इजिली। लेट्स अंडरस्टैंड बच्चों, बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धन 3 साल में अपने आप का डबल हो जा रहा है। अगर 3 साल में डबल हो जा रहा है, इसका मतलब 1 से 2 हो रहा है, कितने साल में, 3 साल में, तो 1 साल के लिए बच्चों क्या करोगे, क्यूब रूट, तो 1 साल के लिए हो जाएगा 1 से क्यूब रूट 2। तो आप ये देखिए कि कितना सिंपल इंटरेस्ट बना, तो आप कहेंगे क्यूब रूट 2 माइनस 1, इतना सिंपल इंटरेस्ट बना, तो क्यूब रूट 2 माइनस 1, ये जो सिंपल इंटरेस्ट बना है किस पे बना है, 1 पे, तो 100 पे कितना, ये होगा हमारा रेट ऑफ शेयर। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से, इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹4500 इन 5 ईयर एंड ₹6750 इन 10 ईयर, यानी मान लीजिए कोई प्रिंसिपल ₹P है, तो सवाल में कह रहा है कि 5 साल में 5 ईयर में ये प्रिंसिपल 4500 हो रहा है, और कहता है 10 ईयर में, यहाँ से 10 साल, तो अगर बच्चों यहाँ से 10 साल में, यानी अगले 5 साल में कितना हो जा रहा है, अगले 5 ईयर में हो रहा है 6750। तो अभी आपको एक चीज़ समझाई कि बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई प्रिंसिपल अपने आप का उतना ही अमाउंट होता रहता है, यानी अगर रेट 20% है तो पहले साल 6/5 टाइम्स होगा, तो सेकेंड ईयर भी 6/5 टाइम्स होगा, थर्ड ईयर भी 6/5 टाइम्स होगा, यानी जितने टाइम सर्टेन टाइम पीरियड की बात होगी उतने टाइम पे उतना ही चीज़ें चलती रहेंगी। तो आप बस ये देखिए कि 5 साल में ये कितना गुना हुआ, तो हम देख रहे हैं कि 5 साल में कितना गुना हुआ, तो 6750 हुआ 4500 से, तो कितना गुना हुआ वो निकालते हैं, निकाल रहे हैं बच्चों, तो यार 3/2 टाइम। इसका मतलब ये प्रिंसिपल हर 5 साल में अपने आप का 3/2 गुना होगा, ये प्रिंसिपल हर 5 साल में अपने आप का बच्चों कितना गुना होगा, 3/2 गुना हर 5 साल में अपने आप का। तो अगर प्रिंसिपल आज पी है, अगर प्रिंसिपल पी है, तो 5 साल में बच्चों कितना बनेगा, 3/2 गुना, और 5 साल बाद बन कितना जाएगा, 4500। तो कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो जो हमारा प्रिंसिपल आएगा वो आएगा 3000। ये होगा हमारा प्रिंसिपल। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारा इस तरीके से है कि इफ़ ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹615 इन 2 ईयर्स एंड ₹676 इन 4 ईयर्स, कोई प्रिंसिपल मान लीजिए पी है, 2 साल में ये बन जाता है बच्चों ₹650, और 4 साल में ये बन जाता है 676, तो 2 साल में इतना बन रहा है, तो अगले 2 साल में कितना हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है ₹676। तो इश्यू ये है कि हम ये देखें बच्चों कि 2 साल में ये कितने टाइम्स हो गया अपने आप का, तो कैलकुलेट करेंगे तो जी 676/650, तो ये आएगा 26/25 गुना हुआ, यानी हर 2 साल बाद अपने आप का 26/25 गुना होगा। कईयों को इस कैलकुलेशन पे डाउट होगा, तो देखो 26 से इसे कैंसिल आउट करोगे 26 बनेगा, 26 को इससे करोगे तो 25 बचेगा। इसका मतलब ये प्रिंसिपल हर 2 साल बाद अपने आप का 26/25 टाइम्स होता जा रहा है। तो अगर प्रिंसिपल पी था, तो 2 साल में 26/25 टाइम्स हुआ, और बन कितना गया बच्चों 650,
25 से, यानी प्रिंसिपल जो था हमारा वो था बच्चों 625। ये आ गया बच्चों हमारा प्रिंसिपल, समझ पाए। अगर मेरे बच्चों इसी सवाल में आपसे पूछा जाए कि रेट परसेंट बताइए, तो आप इसे इस तरीके से कैलकुलेट करिए कि जी दो साल में कोई प्रिंसिपल 25 से 26 हो जा रहा, तो एक साल के लिए क्या कर दो उसके रूट, तो आप देखेंगे 5 से हो जा रहा है रूट 26। तो एक साल में 5 से रूट 26 हो रहा है, तो कितना सिंपल इंटरेस्ट बना, रूट 26 माइनस 5, इतना सिंपल इंटरेस्ट बना 5 पे, रूट 26 माइनस 5 सिंपल इंटरेस्ट बना 5 पे, तो 100 पे कितना, तो ये बन गए बच्चों रेट परसेंट। ये हो गया हमारा आंसर बच्चों। ये जिस तरह से आंसर आ रहे हैं ऑप्शन भी आपको इसी शेप में मिलेगा। अगर ऐसा नंबर हो जिसका स्क्वेयर रूट निकल पाएगा तो सिंपल फॉर्म में आंसर होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर इनके ऑप्शन भी इसी प्रकार से आपको मिलेंगे। एसएससी ने अभी इस ट्रेंड को सेट नहीं किया है, वो नॉर्मल नंबर्स पे जाता है, लेकिन सीडीएस वगैरह में पूछे जाते हैं, तो कभी भी इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है। इफ़ ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 66,300 इन 10 ईयर्स एंड रुपीज 20 ईयर्स, कहता है जी कोई प्रिंसिपल है, मान लीजिए लेट इट बी पी रुपीज, इट बिकम्स 66,300 इन 10 ईयर्स, 10 साल में 66,300 रुपये हो जाता है, और 20 साल में यानी बच्चों अगले 10 ईयर्स में इट विल बिकम 99,450 रुपीज, अगले 10 ईयर्स में इतना हो जाता है। तो हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो हमें देखना है कितने गुना हो रहा है, तो हम कहेंगे जी 99,450 बना कितने से, 66,300 से, कितने गुना हो रहा है बच्चों कैलकुलेट करोगे, इट बिकम्स 3/2 टाइम्स, करना पड़ेगा ऐसे नहीं आएगा। तो यानी हर 10 साल बाद ही अपने आप का 3/2 टाइम्स होगा, तो यानी आज प्रिंसिपल पी है तो 10 साल बाद कितना होगा बच्चों 3/2 टाइम्स, और हो जा रहा है 66,300, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 22,100 रुपये, तो हमारा जो प्रिंसिपल आ रहा होगा वो आ रहा होगा 44,200 रुपये, ये आ रहा होगा बच्चों हमारा प्रिंसिपल। आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन इस तरीके से है। फिर सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 8,000 इन 2 ईयर्स एंड रुपीज 27,000 इन 5 ईयर्स। मान लीजिए कोई प्रिंसिपल पी है, ये 2 साल में 8,000 रुपये और 5 साल में 27,000 रुपये, यानी अगले 3 साल में ये 27,000 रुपये हो रहा है, यानी अगले 3 साल में ये प्रिंसिपल 8,000 से 27,000 हो रहा है। तो बच्चों आप ये सोचिए कि अगले 3 साल में 8,000 से 27,000 हुआ, तो इसका रेशियो निकालता हूं मैं, तो 8 से 27 हो रहा है 3 साल में। तो मैं अगर आपको ये कहता कि बच्चों देखो यहाँ पे जितना डिफरेंस हो मेरे प्यारे बच्चों, अगर उतना ही डिफरेंस यहाँ पे रहे तब तो कोई सीन ही नहीं, हम कह देते जी ये 27/8 टाइम्स होगा हर 3 साल बाद, तो अगर यहाँ पे भी 3 साल होता तो पी का 27/8 टाइम्स होता 8,000, लेकिन यहाँ टाइम डिफरेंस डिफरेंट है, यहाँ 3 साल है तो यहाँ 2 साल है। तो फिर करिए क्या कि ऐसा अगर डाटा होगा तो उसमें आपकी जो रेट होगी वो ऐसी होगी जो फाइंड आउट करी जा सके, तो इसका क्यूब रूट निकालिए। तो क्यूब रूट निकालेंगे बच्चों तो ये आएगा 2, तो ये आएगा 3, यानी एक साल में कोई सम 2 से 3 हो जाएगा। तो अगर सवाल है कुछ रेट बताइए, तो आप कहेंगे जी एक ब्याज बना किस पे, 2 पे, तो 100 पे कितना, यानी 50% रेट हो गई, 50% कंपाउंड इंटरेस्ट। नहीं तो आप ये बात समझ गए होंगे कि 2 से 3 हुआ, यानी हर एक साल बाद ये 3/2 गुना होगा, हर एक साल बाद, क्योंकि 3 साल में 27/8 गुना, तो एक साल में 3/2 गुना, तो यानी प्रिंसिपल आज अगर पी है तो एक साल बाद 3/2 गुना हो गया, यानी इतना बन गया। अब अगले एक साल बाद फिर से उसका 3/2 गुना हो गया और होके बना कितना है जी 8,000 रुपये। तो कैलकुलेट करोगे तो प्रिंसिपल आएगा 2×2=4,8, 32,000/9 रुपये, और ये होगा बच्चों हमारा आंसर।
आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नया सवाल है वो ये है कि द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज ₹400 एंड ₹410। सवाल में टाइम दिया हुआ है बच्चों 2 साल और कह रहा है 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 400 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट 410 है। बच्चों हम चीज़ें कैलकुलेट कैसे करते हैं कि जी यहाँ मानते थे हम प्रिंसिपल, तो पहले साल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकालते थे वो कहलाता था सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल भी हम प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकालते थे वो होता था सिंपल इंटरेस्ट, यानी R% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे। तो ये और ये जोड़ते थे तो ये बनता था 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, और कह रहा है 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ₹400। और मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ आपको समझाई है कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा हर साल का बराबर होता है। अगर 2 साल का ₹400 तो पहले साल का भी ₹200 होगा, दूसरे साल का भी ₹200 होगा। अगर बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की तो हमारे सवाल में कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ₹410 है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ₹410 है तो आप ये समझिए कि 410 में सिंपल इंटरेस्ट भी शामिल है, यानी 400 सिंपल इंटरेस्ट भी शामिल है। तो जो ₹10 एक्स्ट्रा है वो बेसिकली क्या है भाई, 2 साल का ये सिंपल ये कंपाउंड, तो 10 यूनिट क्या है, ₹10 क्या है, इन दोनों के बीच के CISI का डिफरेंस। तो CISI का डिफरेंस आप जानते हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल का ये कंपाउंड बनता है, तो ये जो इंटरेस्ट आएगा ये आएगा ₹10। यानी ये जो ₹10 इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा होगा वो किस पे हो रहा होगा, 200 पे। तो 200 पे बच्चों ₹10 ब्याज है तो 100 पे कितना, तो हमारी रेट आई बच्चों 5%। अगर रेट 5% है तो प्रिंसिपल का 5% बेसिकली बराबर है 200 के, तो प्रिंसिपल का 5% जो होगा इट वुड बी इक्वल टू 200, सो यू कैन कैलकुलेट इज प्रिंसिपल 4000। बस ये हमारा आंसर हो गया। आइए बच्चों सवाल पे चलते हैं। हमारा नया क्वेश्चन है इस तरीके से कि इफ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज ऑफ ₹5000 फॉर 2 ईयर इज ₹72। 5000 रुपये के प्रिंसिपल पे 2 साल का CISI का जो डिफरेंस है वो बच्चों ₹72 है। तो आइए मैं समझाता हूँ आपको इस सवाल को। तो मेरे प्यारे बच्चों हम इसे कैलकुलेट करना सीखते हैं, ये है प्रिंसिपल। मैं डिटेल समझाता हूँ फिर आपको इसका एक फॉर्मेट बताता हूँ। तो पहले साल R% की रेट से इंटरेस्ट बना P × R/100, इतना सिंपल इंटरेस्ट बना। दूसरे साल निकालेंगे PR/100, ये सिंपल इंटरेस्ट बना। तो 2 साल का ये हुआ जी सिंपल इंटरेस्ट। फिर आप पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगाएंगे तो इस पे R% इंटरेस्ट लगाएंगे तो PR/100 का R% निकालेंगे तो आप देखेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों ये बन रहा होगा पी, देखिए PR/100 का R% जो होगा वो निकालते तो R/100 ये आ रहा होगा R/100 का स्क्वायर। आप बात समझ पाए बच्चों, यानी ये वैल्यू आ रही होगी PR/100 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये लाइन होती है सिंपल इंटरेस्ट, ये पूरी लाइन होती है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये वाली जो वैल्यू होती है ये होती है CISI का डिफरेंस। यानी अगर टाइम 2 साल है, अगर टाइम 2 ईयर है, 2 साल है, रेट R% है, प्रिंसिपल ₹P है और CISI का जो डिफरेंस है वो ₹D है, तो मेरे प्यारे बच्चों 2 साल में CISI का डिफरेंस होगा P × R/100 का स्क्वायर। तो ये बेसिकली यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है डी को, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सिर्फ मैं आपसे कहूँ कि बच्चों R/100 का स्क्वायर इसकी वैल्यू बताइए तो आप कहेंगे सर D/P। मैं कहूँ बच्चों R/100 की वैल्यू बताइए तो आप कहेंगे सर स्क्वायर रूट में D/P। अब मैं कहूँ बच्चों R की वैल्यू बताओ तो आप 100 से इंटू कर देंगे, तो यानी यहाँ से फंडा ये बना कि रेट जो होगी वो हमेशा इक्वल होगी डिफरेंस CISI का डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100%। तो जैसे अपने सवाल में डिफरेंस दे रखा है ₹72, प्रिंसिपल है ₹5000 गुना 100, तो कैलकुलेट करेंगे बच्चों
तो 11 होगा 36, 11 होगा 2500, तो 36 का वर्गमूल 6 बनेगा, 2500 का वर्गमूल 50 बनेगा, गुना 100 कर रहे होंगे तो 50 दूनी 100, 6 दूनी 12, तो हमारी जो रेट बन रही होगी मेरे प्यारे बच्चों वो बन रही होगी 12%। तो ये होगा हमारा आंसर रेट का। तो आप दो साल के लिए ध्यान रखेंगे इस रिलेशन को, ये आपके लिए एक रिजल्ट हो गया जिसे आपको याद रखना है। आइए प्यारे बच्चों, जैसा ये सवाल हमने किया इसी तरह से फिर 3 साल में आता है, तो जैसा हमारे सामने सवाल लिखा हुआ है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 430,720 इन 3 ईयर्स इज 1500। तो इसी पर हम बात करते हैं और समझते हैं चीज़ों को। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए प्रिंसिपल है पी रुपए, मैं डिटेल समझाता हूँ, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। तो पहले साल रेट आर परसेंट के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट होगा पी आर बाई 100, सेकेंड ईयर भी सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा पी आर बाई 100, थर्ड भी पी आर बाई 100। फिर पहले साल के ब्याज पे ब्याज पी, अभी सोल आउट किया था हमने आर बाई 100 का स्क्वायर, फिर इस ब्याज पे यहाँ पे भी यही आएगा आर स्क्वायर बाई 100 का, सॉरी आर बाई 100 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी करेंगे। फिर पहले इस ब्याज पे भी ब्याज लगाएंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा सिंपल इंटरेस्ट, ये होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सीआई होगा, ये एसआई होगा, और ये बेसिकली सीआई एसआई का डिफरेंस होगा, ये बेसिकली सीआई एसआई का डिफरेंस होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो बच्चों अब आप एक बात देखिए कि अगर ये सी आई एस आई का डिफरेंस है तो आप इसे जोड़िए, तो 1, 2, 3 इनको एज इट इज जोड़ेंगे तो ये बन रहा होगा पी आर स्क्वेयर बाई 100, आर बाई 100 का स्क्वेयर इंटू 3, क्योंकि यही चीज़ 3 बार आ रही है, प्लस में ये वाला पोर्शन ऐड कर रहे होंगे तो पी आर बाई 100 का स्क्वेयर इंटू आर बाई 100। तो यहाँ से पी आर बाई 100 का स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा बच्चों 3 और यहाँ बचेगा आर बाई 100। तो ये सोल्व करके लिखा होता है, तो यहीं से ये फार्मूला जनरेट किया गया है कि टाइम 3 साल और रेट आर परसेंट ऑफ प्रिंसिपल पी हो तो सी आई एस आई का डिफरेंस डी हो, तो रिलेशन ये रहता है कि पी इंटू आर बाई 100 का स्क्वेयर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल्स टू डिफरेंस। तो ये हमारा एक फार्मूला बन जाता है जब जब टाइम 3 साल हो और सी आई एस आई का डिफरेंस डी दे रखा हो, रेट आर परसेंट ऑफ प्रिंसिपल पी हो, तो फिर हम इस तरीके से इस रिलेशन को बना के सॉर्ट आउट करते हैं। आइए प्यारे बच्चों अब हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। हमारे क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था कि जो प्रिंसिपल है वो 30,720 है, अगर प्रिंसिपल 30,720 है और सी आई एस आई का जो हमारा डिफरेंस था बच्चों वो आपके सामने सवाल में दे रखा था कितना, 1500 रुपये। तब आप ऐसे समझिएगा बात को क्या कि अगर हम इस फार्मूले के थ्रू इक्वेट करते हैं, आर बाई 100 का स्क्वायर करूं मैं यहां से, ये रखूं मैं 300 प्लस आर अपॉन 100 इक्वल टू डिफरेंस है 1500, प्रिंसिपल को मैं बटे ले आऊं 30,720, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कैलकुलेट कर पाना आसान नहीं होगा बच्चों, बहुत टफ कैलकुलेशन देगा इस तरीके से ये, क्योंकि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी भयंकर बनेगा इसमें, तो क्वाड्रेटिक क्या पॉलीनोमियल इक्वेशन बन रही होगी, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे सवाल को एग्जाम में आप किस तरीके से करें मैं उस पर बात कर रहा हूँ, एक हल्का सा लॉजिक छिपा रहा हूँ आपसे बस इसलिए कि आप सवाल पे पहुँच जाएं सीधा और आपको टाइम ना लगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे सवाल में जब टाइम 3 साल हो तो आप इस तरह की फॉर्म रखिएगा कि 3x+1 अपॉन x³, ये रिप्रेजेंट करेगा सी आई एस आई के डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल को, ये डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल के रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा,
और रेट जो होगी हमारी वो होगी 1/x%, यानी 1/x × 100, ये होगी हमारी रेट फाइनली। तो जैसे अपने वाले सवाल में डिफरेंस दे रखा है 1500 रुपये और प्रिंसिपल दे रखा है 30,720 रुपये, तो बच्चों कैलकुलेशन जब आप इसे कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो 3x + 1/x³ ये आ रहा होगा हमारा कितना बच्चों, ये जीरो से तो जीरो कट गया, अब हम काट रहे हैं किससे बच्चों, 7, 2, 9, 3, 12, 6 से कट जा रहा है बच्चे, 3 से 9, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ रहा होगा 25, तो यहाँ बच रहा होगा 512। अब ऐसे दो पेड़ ढूंढिए जिनको, यानी x की ऐसी वैल्यू ढूंढिए जो x क्यूब करें तो 512 आए और इस फंक्शन में डालें तो 25 निकल के आए। तो यहाँ ढूंढना बड़ा आसान है कि x क्यूब 512 है तो x की वैल्यू कितनी बनी बच्चों, 8। और अगर x की वैल्यू यहाँ से 8 निकाल पाए आप, तो आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि रेट क्या होगी बच्चों, रेट होगी 1/8 × 100 और 1/8 आप जानते हैं कितना परसेंट बनाता है बच्चों, 12.5%। अगर फ्रैक्शन का ज्ञान नहीं है तो परसेंटेज का चैप्टर परचेज करिए और उसे ढंग से समझिए, फिर आगे सवालों पर आइए। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया है वो इस तरीके से है, रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज 3.64:1। यानी किसी प्रिंसिपल पे 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है अगर वो 3.64 यूनिट है तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट उसी प्रिंसिपल पे उसी रेट से 1 यूनिट है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द रेट परसेंट, दर प्रतिशत ज्ञात करें। अब मेरे प्यारे बच्चों जो मेथड्स हमने सीखे हैं उनका यहाँ पर यूज़ होगा और उनसे कैसे इन क्वेश्चन को हम सॉर्ट आउट करें उन चीज़ों के बारे में अब हम बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले आप इस रेशियो को सही से बनाइए। कैसे बनाएं, पॉइंट हटाएंगे, बटे लिखेंगे 100, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3.64:100। मतलब मेरे बच्चों कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 है। तो एज ए स्टूडेंट जब मैं इसे सॉर्ट आउट कर रहा हूँ तो हम ऐसे देखेंगे कि जी मान लीजिए ये प्रिंसिपल है, ये पहले साल का सिंपल, ये दूसरे साल का सिंपल, ये तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 100, दूसरे साल का सिंपल 100, तो पहले साल सिंपल इंटरेस्ट 100 है तो दूसरे साल भी 100 रहेगा, तीसरे साल भी 100 रहेगा। और हमें पता है बच्चों 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 364 है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 364 है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 100 है, तो 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा बच्चों वो कितना बना, 300 रुपये, या यूनिट में तो 300 यूनिट। तो CISI का डिफरेंस कितना बना बच्चों, 64। तो आप जानते हैं याद होगा कि CISI का डिफरेंस कैसे निकालते थे, कि इसके ऊपर कोई रेट लेके, जैसे मान लीजिए आर परसेंट रेट लेके हम यहाँ लिखते थे वैल्यू, यहाँ लिखते थे फिर यहाँ लिखते थे, यानी जैसे मान लीजिए 100 का आर परसेंट में रेट लूँ तो यहाँ मैंने लिखा आर, यहाँ भी मैंने आर ही लिखना होता था, यहाँ पे भी आर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिया फिर तीसरे साल इस ब्याज पे ब्याज, इस ब्याज पे ब्याज और इस आर पे आर परसेंट लिखते थे यहाँ पे, मेरी बात समझ रहे हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखते थे और इन तीनों 1, 2, 3 और एक इन चारों वैल्यू का जो जोड़ निकल के आता था हमारा वो होता था बच्चे हमारा CISI का डिफरेंस जो है कितना, 64। तो रेट हमें कुछ ऐसा नंबर लेना होगा यहाँ पे कि जिससे सॉर्ट आउट करके ये वैल्यू 64 आ जाए। क्वेश्चन में एक सबसे आसान चीज़ हमारे लिए बच्चों ये है कि सिंपल इंटरेस्ट 100 है, अगर मैं रेट 9% लूंगा ना तो यहाँ पे आ भी कितना जाएगा बच्चे, 9। अगर मैं 3% लूंगा तो आ भी कितना जाएगा, 3। 5% लूंगा तो आ भी जाएगा कितना, 5। अब यहाँ से आपके सामने दो तरीके हैं, पहला तरीका तो आप ऑप्शन से वैल्यू उठा सकते हैं, दूसरा और अच्छा तरीका वो है अपना जेंटलमैन वाला कि थोड़ा सा क्लिक करिए चीज़ों को, सोचिए कि आप कोई भी रेट लेते हैं, लेट अस मान लीजिए रेट ले ली मैंने 5% रेट ले ली, तो 100 का 5% लिखेंगे 5, तो यानी ये जो नंबर आएगा ये कंप्लीट नंबर होगा, ये भी कंप्लीट यानी नेचुरल नंबर ही रहेगा, नेचुरल। इस 5 का भी जब आप 5% निकालेंगे तो भी वो नेचुरल ही नंबर आना चाहिए, क्योंकि ये तीनों नेचुरल नंबर है और इसमें जोड़ें तो नेचुरल नंबर ही आए, क्योंकि रिजल्ट हमारा 64 है, पॉइंटों में नहीं है, इसलिए ये रेट ऐसी होगी जिसको उसी से गुना करें या उस रेट का उतना ही परसेंट निकालें तो रिजल्ट नेचुरल नंबर में बचे। जैसे 10 का 10% कितना हुआ, 1, 20 का 20% क्या हुआ, 4, 30 का 30% क्या हुआ, 9। यानी इन चीज़ों को कैलकुलेट करते पॉइंटों में कैलकुलेशन नहीं जाती। 40 का 40% कितना हुआ, 16।
यानी हमारा जो ऑप्शन होगा या जो हमारा आंसर हो सकता है वो 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, 30% हो सकता है, यानी 10 के मल्टीपल में हो रहा होगा। तो आपको करना क्या होगा कि रेट सबसे पहले 10% उठाइए। अगर आप 10% रेट उठाते हैं तो 100 का 10% जो होगा वो होगा 10, 10, 10, फिर 10 का 10% होगा 1। लेकिन ये तो बच्चों कितना बना, 31 बना, बनाना है 64, तो 10 से अगला ऑप्शन चलिए 20 उठाइए। तो रेट अगर 20% लेते हैं तो 100 का 20% 20, 20, 20, और 20 का 20% लोगे बच्चों का आएगा कितना 4। तो आप देख रहे हो तो 20, 20, 40, 20, 60 और 4, 64, अभी 64 ही यूनिट रहा, हमें चाहिए भी वही था, यानी जो रेट है वो हमारी आगे बच्चों 20%। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल इस तरीके से है, द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years एंड 2 years इज 19:6, यानी 3 साल के CISI का डिफरेंस और 2 साल के CISI का जो डिफरेंस है वो 19:6 है। अब हमसे सवाल में पूछ रहा है कि बताइए कि दर प्रतिशत क्या है, रेट परसेंट बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें उसी बेसिक फॉर्मेशन को समझना होगा कि हम कैसे निकालते थे 3 साल में और 2 साल में CISI का डिफरेंस। हम यहाँ सबसे पहले प्रिंसिपल लिखते थे, ये पहला साल होता था, ये दूसरा साल होगा, और आपको लिखना नहीं है कुछ पेपर में, सिर्फ समझना है, अभी चीज़ों को एनालिसिस करना है, फील करना है। तो यहाँ पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट लिखते थे, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट लिखते थे, या तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट लिखते थे। फिर हम पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट पे यहाँ इंटरेस्ट लिखते थे, वो था मान लो ₹1। फिर हम पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट पे दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट लिखते थे, फिर इस पे भी सिंपल इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लिखते थे, यानी सबसे पहले तो 300 साल का साधारण ब्याज लिखते थे, फिर इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, और यही इंटरेस्ट अगर रेट सेम आती है तो 3 बार रिपीट होता है, फिर इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लिखते थे, मान लीजिए ये आया P। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आप चीज़ों को यहाँ से समझेंगे क्या कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताइए तो आप कहेंगे सर ये ऊपर वाली लाइन जो है ये सिंपल इंटरेस्ट को डिनोट कर रही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे 3 साल के CISI का डिफरेंस बताइए तो ये जो होगी ये वैल्यू बच्चों 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस होती है। तो यानी 3 साल के CI ये वाला हुआ, SI ये वाला हुआ, तो ये वाला रहता है 3 साल के कंपाउंड और सिंपल का डिफरेंस, यानी A, A2A, 3A+B, सो 3A+B, और 2 साल का ये हुआ 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो ये रहता है 2 साल के CISI का डिफरेंस। तो ये हुआ ए, यानी ए की वैल्यू है 6, तो ए की वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 × 3 = 18, तो बी की वैल्यू क्या रखें कि 19 आ जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए 2 साल में बच्चों मैं आपसे कहूँ कि 2 साल का कंपाउंड बताओ तो आप कहेंगे सर ये वाला ही तो है 2 साल का कंपाउंड। मैं कहूँ 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है तो यही वाला तो है सिंपल इंटरेस्ट, तो डिफरेंस क्या बना, सिर्फ ए बना। तो अगर ए 6 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 3A = 18 यूनिट और 3A+B 19 है, इसका मतलब बी की वैल्यू क्या बनी बच्चों 1। और अगर बी की वैल्यू 1 बनी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट अगर 1 यूनिट है तो ये वाला जो इंटरेस्ट है ये बना बच्चों 6 यूनिट। तो ये जो ब्याज लगता है ये वाला बी, ये बी इंटरेस्ट किस पे लगा होता है, ए पे, यानी इस पे इंटरेस्ट लगा होता है, यानी 6 पे 1 रुपया ब्याज, और 6 पे 1 रुपया ब्याज आप जानते हैं परसेंटेज आपने पढ़ा होगा, तो 1/6 होता है 16:2/3%। तो ये हुआ मेरे बच्चों आपका आंसर। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है, ए मैन वॉन्ट टू इन्वेस्ट ₹16,850 इन बैंक अकाउंट ऑफ हिज 2 सन्स। एक आदमी अपने 2 बच्चों जिनकी उम्र 12 साल और 16 साल है उनके बैंक खातों में ₹16,850 इस तरीके से बच्चों इन्वेस्ट करना चाह रहा है कि 120 साल की उम्र में 33 से 1/3% की दर से और 33:1/3% जो रेट है वो है बच्चों कैसी, कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट, इस रेट पे दोनों को बराबर हिस्सा मिले। आइए बच्चों अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों डिटेल में बताता हूँ, उसके बाद फिर हम इसे शॉर्ट में समझेंगे कि ऐसे सवालों में कहानी कैसे चलती है। तो आप ऐसे देखिए कि अमाउंट निकालने का फार्मूला होता है
प्रिंसिपल इंटू वन प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर टाइम। अब आप इस बात को भी जानते हैं कि रेट हमें दे रखी 33:1/3%। तो अगर रेट 33:1/3% दे रखी है तो उसकी फ्रैक्शन होती है कितनी बच्चों, 1/3। तो सॉर्ट आउट करोगे यू विल गेट 1/3 एज फ्रैक्शन रेज टू पावर टाइम। सो अमाउंट विल बिकम 4/3 रेज टू पावर टी इंटू पी, दैट रिलेशन बिकम्स अमाउंट। सो माई डियर स्टूडेंट्स, ही वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट और डिपॉजिट 16,850 rupees इन द बैंक अकाउंट ऑफ हिज टू सन्स। दो बच्चों के अकाउंट में पैसा जमा कराना चाह रहा है बच्चों। हम मान लेते हैं कि हमने छोटे वाले बच्चे को ए रुपए पैसा दिया है, या मैं सी रुपए मान लेता हूं ताकि आपको चीजें याद रहे। छोटे वाले बच्चे को हमने सी रुपए कैपिटल दे दी कि ठीक है जी 16,850 में सी रुपए आपको दे दिया छोटे वाले बच्चे को। तो बड़े वाले बच्चे को कितना दे रहे हैं बच्चों, बड़े वाले बच्चे को हम दे दे रहे हैं बी रुपए कि जी छोटे वाले को सी रुपए दे दिया, बड़े वाले को हमने बी रुपए दे दिया। छोटे वाला कितनी साल का है बच्चों, अभी 12 साल का है। तो छोटे वाला है 12 साल का, लेकिन 120 साल होने में इसे कितने साल लगेंगे, 108 साल। यानी जो पैसा इसे मिला है उस पे ये अगले 108 साल तक इंटरेस्ट खाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। जो बड़ा बच्चा है उसकी उम्र है आज 16 साल, यानी 120 साल की उम्र होने तक ये 104 साल तक अपने पैसे पे इंटरेस्ट कमा रहा होगा। तो इसको हमने प्रिंसिपल दे दिया सी, 1 + r/100, टाइम हो गया बच्चों 108 साल, क्योंकि 108 साल बाद आज जितनी उम्र का है 108 साल बाद ही तो वो 120 साल का होगा। तो यानी जब वो 120 साल का होगा तो उसे इतना पैसा मिलेगा। बड़े बच्चे को इतना तो प्रिंसिपल हो गया 1 + rate r/100, और बड़ा बच्चा अपने पैसे पे कितने साल ब्याज कमाएगा, 104 साल। यानी आज से 100, उसकी उम्र 16 साल है इसलिए 104 साल बाद, यानी जब वो 120 साल का होगा तो उसे इतना अमाउंट मिलेगा। और कह रहा है कि दोनों को जो अमाउंट मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए बच्चों, इक्वल। तो आप यहां से समझें कि 1 + r/100 मैंने सोल्व करके दिखाया तो इट विल बिकम 4/3 रेज टू पावर 108 और बी 4/3। अब आप ये देखिए कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए यहां मैंने लिखा है m रेज टू पावर 108 और मैं यहां लिख रहा हूं m रेज टू पावर 104, इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे जी m रेज टू पावर 4 इंटू m रेज टू पावर 104, m रेज टू पावर 104 ऐसे लिखेंगे। तो जब हम इसको इससे सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो सिंपली बच रहा होगा m रेज टू पावर 4। यानी जब हम इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं तो बेसिकली पावर माइनस कर देते हैं और जो बचता है वो हमारा आंसर। तो 108 से 104 गया, 4 बचा। ऐसे ही बच्चों मैं कह रहा हूँ कि जब आप इसको इससे कर रहे होंगे तो यहाँ बच रही होगी पावर कितनी, 4। तो 4 की पावर 4 आप कर रहे होंगे तो इट विल बिकम 256। 3 की पावर 4 कर रहे होंगे तो ये बन रहा होगा बच्चे 81, और यहाँ आ रहा होगा बी अपॉन सी। यानी बड़े बच्चे का हिस्सा अगर 256 यूनिट है तो छोटे बच्चे का हिस्सा होगा 81 यूनिट। तो दोनों का टोटल हिस्सा कितना बना, 6 और 1 = 7, 8 और 5 = 13, 2 और 1 = 3। यानी अगर टोटल 337 रुपये है या 337 यूनिट है, क्योंकि हम चीज़ें जब भी मानते हैं तो यूनिट में मानते हैं, तो अगर टोटल हिस्सा 337 यूनिट है तो उसमें बच्चों बी का हिस्सा है 256 यूनिट और सी का हिस्सा है 81 यूनिट। बी का हिस्सा 256 यूनिट तो सी का हिस्सा है 81 यूनिट, और यानी टोटल पैसा बना 337 यूनिट, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल जो धन बना है वो हमारा बना है 16,850। तो एक यूनिट की वैल्यू बच्चों आई हमारी कितनी, 50। तो अगर एक यूनिट 50 रुपये है तो 256 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, गुना कर देंगे तो ये आ रही होगी 1,28,000। इक्यासी यूनिट की वैल्यू आ रही होगी बच्चों, सॉरी 1,28,000 कह रहा हूँ, 12,800। आप बच्चों 81 यूनिट की जब हम वैल्यू निकालने लग रहे होंगे तो ये आ रही होगी 4,500,
देखो 50 से गुना करते हैं तो जीरो आया बच्चों, 5 एकम 5 18 40 4050 रुपये। तो छोटे बच्चे का हिस्सा 4050 है, तो बड़े बच्चे का हिस्सा है बच्चों 12800, क्योंकि एक यूनिट 50 था तो 256 यूनिट की वैल्यू कितनी, जीरो बच्चे 5 इंक 30 5 5 25 और 3 28 5 2 10 और 2 12। तो बड़े बच्चे का हिस्सा 12800 रुपये, छोटे बच्चे का हिस्सा 4050 रुपये। ये तो हुआ बच्चे डिटेल मेथड। अब आइए समझते हैं इसका शॉर्ट मेथड। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक बात आप यहाँ पे समझ रहे होंगे क्या, कि इस सवाल में इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि कितने साल की उम्र में उनको बराबर पैसा मिला। उनको 120 साल की उम्र में बराबर पैसा मिला, या 200 साल की उम्र में बराबर पैसा मिला, या 2 लाख साल की उम्र में बराबर पैसा मिला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब आप इसे कैलकुलेट कर रहे थे तो फर्क यहाँ पे क्या आ रहा था, पावर 4। यानी फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, इस बात से नहीं कि किस एज में उनको इक्वल पैसा मिला है, इस बात से फर्क पड़ता है कि दोनों की एज का डिफरेंस कितना है। तो जितना एज का डिफरेंस होता है बच्चों, उतनी ही उसकी पावर हमें चढ़ानी होती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? तो मैं अब इसी अप्रोच पर आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, बस इसी को आपको देखना है। तो ऐसे सवालों में आप ये मत देखिए कि कितने साल में उनको बराबर पैसा मिला, और इस बात का ध्यान रखिएगा कि छोटे वाले बच्चे के पास ज्यादा टाइम होता है पैसा कमाने का, बड़े वाले के पास कम टाइम होता है। इसलिए छोटे को ज्यादा पैसा मिलेगा, बड़े वाले को कम पैसा मिलेगा कमाने के लिए। बड़े के पास कम टाइम होगा ब्याज कमाने के लिए और छोटे वाले के पास ज्यादा टाइम होगा। तो छोटे वाले के पास ज्यादा टाइम होगा, बड़े वाले के पास कम टाइम होगा, और दोनों को इक्वल पैसा दिलाना है। तो हमेशा छोटे वाले को छोटा हिस्सा दिया जाता है, बड़े वाले को बड़ा हिस्सा दिया जाता है, क्योंकि उसका टाइम कम है, इसका छोटा हिस्सा है तो इस पर टाइम ज्यादा है। तो बच्चों हमेशा पेपर में सोल्व करते वक्त आपको बस ये देखना है कि इनकी एज का डिफरेंस क्या है, एज का डिफरेंस क्या है। अगर एज का डिफरेंस एन साल है, एन साल है, तो रेट उठाइए। रेट जैसे 33:1/3% है तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी 1/3। तो सोचिए छोटे का हिस्सा 3 होगा तो एक जोड़ के बड़े का हिस्सा कितना होगा, 4, क्योंकि 1+1/3 होता है। तो सीधा लिखिए छोटे का हिस्सा 3 तो बड़े का हिस्सा 4। अगर एज का डिफरेंस n साल है तो छोटे को 3^n मिलेगा, तो बड़े को 4^n मिल रहा होगा। यानी हमारे सवाल में उनकी एज का डिफरेंस कितना था बच्चों, 4 साल। तो छोटे को 3^4 यानी 81 यूनिट मिलेगा, तो बड़े को 4^4 256। यानी छोटे का हिस्सा 81 है तो बड़े का हिस्सा 256, इस रेशियो में बांट के आंसर निकल जाएगा। ये चीज़ ऐसे हर सवाल में फॉलो होगी जहाँ ये बोला जाए कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे दोनों को बराबर पैसा मिला है। बस आप रेट को बनाइए और इस तरह सोल्व करिए। जैसे मैं एक छोटा सवाल और ले लेता हूँ यहीं पर। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि रेट है बच्चों 25% और कुछ पैसा है, कोई एक सर्टेन अमाउंट हो गए, लेट्स ए रुपीज, इसको एक आदमी अपने दो बच्चों के बैंक अकाउंट में इस तरह से इन्वेस्ट कर रहा है कि जब वो 500 साल के हों तो उन दोनों बच्चों को बराबर पैसा मिलता हो, और छोटे वाले की उम्र है 10 साल 10 ईयर्स तो बड़े वाले की उम्र है 12 ईयर्स और रेट है 25% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। सो यू हैव टू जस्ट मेक इट्स फ्रैक्शन 1/4। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द शेयर ऑफ स्मॉलर सन और द यंगर सन इज 4 एंड द एल्डर सन इज 5। 4 में एक जोड़ना है, कितना बन रहा होगा बच्चे, 5। तो जितना उनकी एज का डिफरेंस है उतनी पावर कर दीजिए, वो आपका आंसर है। तो इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, 2। तो इसका मतलब छोटे को 16 यूनिट दोगे तो बड़े बच्चे को आपको बांटना होगा 25। बस इस रेशियो में बांट दीजिए आपका आंसर। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, ए मैन बोरोड ए सम ऑफ ₹3,000 फ्रॉम बैंक एट 30% पर एनम। ही पेज बैक ₹1,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट ही विल पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू क्लियर ऑल हिज ड्यूज। क्वेश्चन में इस तरीके से कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि एक आदमी है, उसने बैंक से ₹3,000 उधार लिया और रेट ऑफ जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसकी वो है 30%। तो 3000 का 30% लगाओगे तो 3000 का 30% बना बच्चों 900। तो ₹900 उसका पहले साल का ब्याज बना। तो पहले साल के आखिरी में अगर वो बैंक को कर्जा देना चाहे तो कितना रुपए उसे देना होगा बच्चों, ₹3,900 उसे बैंक को कर्जा देना होगा, तो उसका कर्जा खत्म होगा। लेकिन वो पहले साल के आखिरी में जाता है,
₹1000 दे देता है, तो अगर पहले साल के आखिरी में 1000 दे दिए तो अभी बचे कितने बच्चों 2900। तो यानी सेकेंड ईयर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो किस पे होगा बच्चों 2900 पे। तो 2900 का 30% निकालोगे तो इट विल बिकम 870 रुपीज़, तो 870 रुपये। तो 2900 में 870 जोड़ेंगे तो ये हमारा आ रहा होगा 3770 रुपये, यानी 2900 प्लस 870 तो ये आ रहा होगा हमारा बच्चों कितना 3770। फिर इसमें 1000 रुपये दे देगा वो, तब बचा कितना बच्चों 2770 रुपये। तो जो 2770 रुपये है अब इसे फिर तीसरे साल इंटरेस्ट लेगा, तो तीसरे साल इसका 30% निकालोगे तो 21 और 2 23, तो 831 रुपये इंटरेस्ट बनेगा। तो 2770 में 831 रुपये इंटरेस्ट जोड़ोगे तो इट विल बिकम 3601, यानी तीसरे साल के एंड में उसके ऊपर 3601 रुपये का कर्जा होगा। अगर वो 3601 रुपये चुकाए तो उसका कर्जा खत्म होगा। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इस तरीके से है, ए मैन बोरोड ए सम ऑफ ₹4500 फ्रॉम बैंक एट 20% पर एनम, ही पेज बैक ₹1500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, देन कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट डज ही पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू क्लियर ऑल हिज ड्यूज। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 20% है, उसने जो पैसा उधार लिया है वो 4500 रुपये, तो 4500 रुपये उसने उधार लिया है, तो 4500 रुपये पे 20%, तो 4500 का 20% कितना बना बच्चों 900 रुपये। तो 4500 में 900 जोड़ेंगे तो ये बन रहा होगा 5400 रुपये, यानी पहले साल के आखिरी में आए तो 5400 रुपये दे के अपना कर्जा खत्म करा सकता है। अब कह रहा है कि जी पहले साल के आखिरी में गया 1500 रुपये दिए और निकल गया, तो 5400 में से 1500 रुपये दे दिया तो बचा कितना 3900। अब इस 3900 रुपये पे इस 3900 रुपये पे फिर से 20% इंटरेस्ट लगेगा, तो 3900 का 20% मेरे बच्चों निकालोगे तो 780 रुपये बनेगा, तो 3900 में 780 रुपये इंटरेस्ट बनेगा तो ये हमारा बन रहा होगा 4680 रुपये। अब फिर से 1500 रुपये इंटरेस्ट दिया जाएगा तो बचा कितना बच्चों 3180 रुपये। अब 3180 रुपये पे तीसरे साल ब्याज लगेगा, तो 3180 पे जो इंटरेस्ट लगेगा बच्चों फिर 20% लगेगा, तो ये होगा 2 8 16 2 1 2 1 3 2 8 16 2 1 2 1 3 2 3 6, यानी 636 रुपये ब्याज बनेगा तीसरे साल। तो जोड़ेंगे तो ये आएगा 6 8 और 3 11, 6 और 1 7 और 1 8, 3। तो यानी तीसरे साल के आखिरी में 3816 रुपये का कर्जा उसे देना होगा और बैंक से उसका सारा कर्जा खत्म हो जाएगा, यानी तीसरे साल के आखिरी में 3816 रुपये का ड्यू उसे चुकाना होगा, उसका कर्जा खत्म हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले अभी हम इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं, तो इंस्टॉलमेंट से पहले मैं चीज़ें समझाता हूँ आपको। मान लो बच्चों कि अगर रेट 10% है और मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे 2 साल बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का रिलेशन बताइए, या रेट 20% है जो कराई भी थी आपको कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 20% की फ्रैक्शन बना लो 1/5, तो पहले साल 5 से 6, दूसरे साल फिर 5 से 6, तो 2 साल में 25 से कितना हो गया 36। ऐसे ही अगर टाइम 3 साल है और रेट 20% यानी 1/5, तो पहले साल 5 से 6, दूसरे साल फिर 5 से 6, तीसरे साल फिर 5 से 6, तो 3 साल में 125 से हो गया बच्चे 216। तो हम मेरे प्यारे बच्चों चीज़ों को इस तरीके से बोला करते थे या बोलते हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छा ये है कि मैं ऐसे बोलूँ कि दो पहले साल 5 से 6, दूसरे साल 2 साल नहीं दूसरे साल 5 से 6, तो 2 साल में 25 से 36। तो इससे ज़्यादा बढ़िया तरीका ये है कि मैं सीधा कहूँ कि 1 साल में 5 से 6, दूसरे साल में स्क्वेयर कर दूँ 5 का 25, 6 का और 36, तीसरे साल में 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216,
क्यों? क्योंकि मैं कर भी तो इनको मल्टीप्लाई ही रहा हूं, जब 6 को 3 बार गुना कर रहा हूं तो मतलब बेसिकली मैं 6 का क्यूब कर रहा हूं। तो मैं इन्हीं चीजों को सीधा सीधा बोलूंगा कि जी एक साल में कोई प्रिंसिपल 5 से 6 होता है, दो साल में वही प्रिंसिपल 25 से 36 होता है, तो तीन साल में वही प्रिंसिपल 125 से 216 होता है। तो ये जो होती है ये हमारी रहती है अमाउंट, इसे हम अमाउंट बोलते हैं बच्चों, और इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। तो बच्चों एक चीज समझो, अमाउंट का मतलब जिसके अंदर प्रिंसिपल का हिस्सा भी शामिल हो और इंटरेस्ट भी शामिल हो। तो जब हम इन चीजों को इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन पे जाते हैं तो इंस्टॉलमेंट के सवालों में होता क्या है कि प्रिंसिपल भी देना होता है और इंटरेस्ट भी देना होता है। तो जिसे हम अमाउंट कह रहे हैं वो बेसिकली हमारी हो जाती है इंस्टॉलमेंट, और जिसे हम प्रिंसिपल कह रहे हैं ये हमारा बेसिकली हो जाता है बच्चों क्या, प्राइस। ये हमारा प्राइस हो जाता है, ये हमारा जिसे हम प्रिंसिपल कह रहे थे, और जिसे हम अमाउंट कह रहे थे वो हो जाता है हमारा इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट दो हो, तीन हो, चार हो, इसी तरीके से करते हैं। अगर सवाल में ऐसे कह रखा हो कि इंस्टॉलमेंट इक्वल है तो इक्वल करेंगे, डिफरेंट है तो डिफरेंट लेके चलते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन चीज़ों का आंसर हमें करना होता है। आइए एक सवाल पर हम इन चीज़ों को लेते हैं और समझते हैं बातों को। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है कि सुभाष ने एक रेफ्रिजरेटर इस शर्त पर खरीदा कि वो 1620 रुपये तो देगा कैश डाउन पेमेंट, और बाकी फिर जो पैसा है वो तीन किस्तों में चुकाएगा। तो जो बच्चों पहली किस्त है वो हमारी है 2178 रुपीज़ की, सेकंड की इंस्टॉलमेंट है 2299 रुपीज़ की, और थर्ड इंस्टॉलमेंट है 2662 रुपीज़ की। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए एक्चुअल में उस फ्रिज का प्राइस था कितना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दी है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बच्चों 10% की बना लीजिए आप पहले फ्रैक्शन, तो 10% की फ्रैक्शन बनाएंगे इट विल बिकम 1/10। तो यू विल डायरेक्टली पुट इट कि एक साल में कोई धन 10 से 11 हुआ, दो साल में वही धन 10^2 यानी 100 से 121 हुआ, तीन साल में वही धन 1000 से 1331 हुआ। तो ये हमारा प्रिंसिपल था जिसे हम प्राइस भी कहते हैं, और ये हमारी इंस्टॉलमेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये है कि अगर हमने पहली बार 11 यूनिट की जो इंस्टॉलमेंट दी है उसमें प्रिंसिपल हमने 10 यूनिट चुकाया, दूसरी 121 यूनिट की जो इंस्टॉलमेंट दी उसमें प्रिंसिपल हमने 100 चुकाया, और तीसरी जो 1331 यूनिट की इंस्टॉलमेंट दी उसमें हमने बच्चों प्रिंसिपल चुकाया है कितना, 1000। तो प्रश्न इस बात पे है कि हमारी पहली इंस्टॉलमेंट है कितने की। तो पहली इंस्टॉलमेंट है बच्चों 2178 रुपए की। तो 11 यूनिट 2178, एक यूनिट की वैल्यू 2178 बटे 11, तो 11 एकम 11 99, तो एक यूनिट की वैल्यू आ रही 198। तो 10 यूनिट की वैल्यू होगी बच्चे 10 × 198 यानी 1980 रुपये, या 12 यूनिट की वैल्यू ना 121 यूनिट की वैल्यू जो दे रखी है वो 2299 है, तो 121 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो एक यूनिट की वैल्यू भाग दोगे तो आएगी 99, तो 100 यूनिट की वैल्यू 99 जोड़ेंगे तो 99। ऐसे ही मेरे बच्चों अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, सॉरी 19, तो 1900 बनेगी बच्चे। इसी तरीके से 1331 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2662 को, तो एक यूनिट की वैल्यू 2, तो 1000 यूनिट की वैल्यू होगी बच्चों 2000। इसका मतलब ये बना कि जो आखिरी 2662 की इंस्टॉलमेंट गई है उसमें हमने जो प्रिंसिपल चुकाया था वो चुकाया हुआ था बच्चों कितना, 2000 का। जो दूसरी 2999 की इंस्टॉलमेंट, 2299 की इंस्टॉलमेंट गई उसमें प्रिंसिपल चुका रखा है 1900, और जो तीसरी 2001 पहली जो 2178 की इंस्टॉलमेंट गई उसमें प्रिंसिपल चुकाया है 1980। तो कुल मिला के कितना प्रिंसिपल दे दिया, 0, 8, 9, 9, 18, 2, 1, 3, 1, 4 और 1, 5। यानी इसका अर्थ ये बना बच्चों के 5880 रुपए का तो हमने लिया था कुल मिला के, समझिए लोन 5880 रुपए का तो हमने लिया था लोन। तो जो भी उसका प्राइस रहा होगा, जो भी उसका प्राइस रहा था, उस प्राइस में से 1620 रुपए दे दी थी हमने कैश डाउन पेमेंट। कैश डाउन पेमेंट मेरे बच्चों मतलब जानते हो क्या होता है, कैश डाउन पेमेंट का मतलब आर्टिकल खरीदते हो जो पैसा आप नगद दे देते हैं, उसके बाद का जो पैसा बचता है उसका आप लोन कराते हैं बैंक से या जिससे भी। तो 1620 रुपए आपने कैश डाउन पेमेंट दी, यानी बेसिकली उस आर्टिकल का यानी उस फ्रीज का जो प्राइस था
वो था बच्चों जीरो, आठ और दो दस, आठ से चौदह और एक पंद्रह, पाँच एक छः और एक सात, यानी बेसिकली इस फ्रीज का जो प्राइस था वो था 7,500 रुपये। उम्मीद है समझ आया होगा आपको, यानी 7,500 रुपये का फ्रीज उसने खरीदा था, उसमें से 1620 कैश डाउन पेमेंट कर दी, बचा 5,880, उसे उसने तीन बराबर किस्तों में चुका दी। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या इस तरह से रहा है कि एक आदमी ने एक मान लीजिए स्कूटर खरीदा है और उस स्कूटर को उसने इस तरीके से खरीदा है कि 12,000 रुपये तो मेरे प्यारे बच्चों कैश डाउन पेमेंट कर दिया और फिर बाकी पैसे को 5% की रेट से, 5% कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से दो इंस्टॉलमेंट में उसे उतार दिया। पहली इंस्टॉलमेंट उसने 1,680 रुपये की दी तो दूसरी इंस्टॉलमेंट उसने दी 5,292 की और अपना कर्जा ख़त्म किया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ 5% की जो रेट है वो फ्रैक्शन क्या बनाती है, 1/20। तो हम कहेंगे जी एक साल में वो धन 20 से 21 हुआ तो दो साल में वही धन 400 से 441 यूनिट हुआ। तो यानी पहले ही इंस्टॉलमेंट 21 की गई तो उसमें इंटरेस्ट ना प्रिंसिपल 20 गया और एक गया इंटरेस्ट, दूसरी इंस्टॉलमेंट 441 यूनिट गई तो उसमें प्रिंसिपल गया 400। तो कह रहा है कि दूसरी इंस्टॉलमेंट 441 यूनिट नहीं गई, 5,292 यूनिट गई या इतने रुपए गई सॉरी, तो एक यूनिट की वैल्यू 12, तो 400 यूनिट की वैल्यू 12 × 4 = 4,800। और जो पहली इंस्टॉलमेंट थी वो 21 यूनिट की थी और वो है कितनी 1,680 की, तो एक यूनिट 80 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 20 यूनिट की वैल्यू करोगे तो ये आएगी बच्चों 1,600। अब जब हम इसे जोड़ रहे होंगे तो 0, 0, 8, 6, 14, 4, 1, 5, 4, 1, 6, यानी कुल मिला के इसका अर्थ ये बना कि जो भी उस स्कूटर का कैश प्राइस रहा होगा तो उस प्राइस में से 12,000 रुपये तो दे दिए कैश डाउन पेमेंट, और उसके बाद जो पैसा बचा उसका करा लिया लोन, तो लोन कराया 6,400 का, यानी कैश प्राइस था कितना 12 और 6, 18,400 रुपये, यानी 18,400 रुपये था उसका कैश प्राइस, बाकी 12,000 उसने कैश डाउन पेमेंट कर दिया तो 6,400 रुपये उसने इंस्टॉलमेंट में पे किया है। तो यानी स्कूटर का जो कैश प्राइस है हमारा वो हुआ 18,400। आइए प्यारे बच्चों हमारा जो क्वेश्चन वो इस तरीके से है कि एक सिलाई मशीन का कैश प्राइस है 20,000 रुपये, अगर आपके पास नगद है 20,000 तो बच्चों दीजिए और खरीद लीजिए, नहीं है तो एक कैश डाउन पेमेंट करिए, कितने रुपए की कैश डाउन पेमेंट करिए 5,000 रुपये की, 5,000 की कैश डाउन पेमेंट करिए, बचा कितना 15,000 रुपये, और 15,000 रुपये को तीन इक्वल इंस्टॉलमेंट में उतार दीजिए। रेट है बच्चों कितनी 12.5%, फ्रैक्शन बनी 1/8, यानी पहले साल कोई धन 8 से 9 हुआ तो दूसरे साल वही धन 64 से कितना बना 81, तीसरे साल 512 से कितना बना 729। अब तीनों इंस्टॉलमेंट इक्वल करनी होगी क्योंकि कह रहा है कि तीन इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो इक्वल करने के लिए इसे किससे गुणा करें 81 से, इसे 9 से, हो गया 729, इसे 81 से करेंगे, इसे 9 से करेंगे, इसे 700, यानी पहली 729 की इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल गया है 648, दूसरी 729 की इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल गया है 576 और तीसरी 729 की इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल गया है 512, यानी कुल मिला के अगर यूनिट वाइज देखें तो आपने कितना कर्जा उतारा 8, 6, 14 और 2, 16 हासिल हुई 6 ना 1, 4 और 7, 11, 11 और 1, 12, 12 और 1, सॉरी 8, 6, 14 और 2, 16, 6, 4, 7, 11 और 1, 12 और 1, 13, उसके बाद बच्चों 6, 5, 11 और 5, 16 और 1, 17, यानी 1736 यूनिट, यानी कुल मिला के अगर आपने 1736 यूनिट का कर्जा लिया है और आप उसे 12.5% की रेट से तीन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में उतारना चाह रहे हैं तो आपको हर एक इंस्टॉलमेंट मेरे प्यारे बच्चों कितने की देनी पड़ेगी 729 यूनिट की, तो हर एक इंस्टॉलमेंट आपको 729 यूनिट की देनी होगी। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने जो बैंक से लोन कराया है या जो कर्जा लिया वो 1736 यूनिट नहीं कितने का बच्चों 15,000 रुपये का, तो एक यूनिट की जो वैल्यू है वो आई 15,000 रुपये / 1736। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू तो हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की थी 729, सारी नहीं हर एक 729 की थी, पहली भी दूसरी भी तीसरी थी, तो 729 यूनिट की वैल्यू कितनी इंटू कर देंगे बच्चे, थोड़ी कैलकुलेशन टफ है लेकिन कर रहे होंगे तो लगभग आंसर आ रहा होगा 6,299 रुपये।
तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आइए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन इस तरह से, मैन परचेज ए मोटर बाइक फॉर ए सर्टेन प्राइस एंड प्रॉमिस टू पे द प्राइस इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹10,800 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। 20% की रेट से 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाने का वादा किया। तो 20% की फ्रैक्शन होती है बच्चों 1/5, तो हम कहेंगे जी पहले साल 5 से 6 हुआ, दूसरे साल 25 से 36 हुआ, तीसरे साल 125 से 216 हुआ। तो तीनों इंस्टॉलमेंट इक्वल करने की कह रहा है, तो इक्वल करने के लिए इसे 6 से इसे 36 से, तो इधर 36 से करेंगे, तो इसका मतलब ₹180 अगर प्राइस है तो पहली इंस्टॉलमेंट 216 की, इसे 6 से करेंगे तो दूसरी इंस्टॉलमेंट अगर 216 की है तो उसमें प्रिंसिपल उतारा है 150, और तीसरी 216 की इंस्टॉलमेंट है तो उसमें प्रिंसिपल उतारा है 125। यानी कुल मिला के आपने पैसा कितना, मतलब कुल मिला के जो आर्टिकल है उसके ये प्रिंसिपल और ये इंस्टॉलमेंट है सारी, तो कितना प्राइस लिया, 5, 8, 5, 13, 2, 15, 1, 2, 3, 4। यानी अगर आपने 455 यूनिट बच्चों उधार लिया था, अगर आपने 455 यूनिट पैसा उधार लिया था तो हर एक इंस्टॉलमेंट आपको कितने की देनी होगी, 216 यूनिट की। लेकिन सवाल में कह रहा है हर एक इंस्टॉलमेंट है 10,800 रुपये, तो एक यूनिट की वैल्यू करेंगे तो आ रही होगी ₹50। तो क्वेश्चन में कह रहा है इतने यूनिट की वैल्यू, तो गुना 50, तो 0, 5, 5, 25, 5, 5, 25 और 2, 27, 5, 20 और 2, 22, तो प्रिंसिपल हुआ ₹22,750। यानी ₹22,750 अगर उसने उधार लिए हैं तो हर एक इंस्टॉलमेंट उसे देनी होगी ₹10,800 की। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से, इन हाउ मच टाइम ए सर्टेन सम ऑफ ₹1,02,400 अमाउंट्स टू ₹1,45,800 एट द रेट ऑफ 12.5%, 12.5% की रेट से कितने साल में ये प्रिंसिपल इतने गुना हो जाएगा, ये इतने रुपए हो जाएगा। बच्चों अगर आप डिटेल करना चाहते हैं तो आप ये बात जानते हैं कि अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 रेज टू पावर टाइम। तो अमाउंट है हमारी 1,45,800, प्रिंसिपल है 1,02,400, टाइम हो गया, रेट हो गया जी 12.5%, 1/8 रेस टू पावर टाइम 729/512, तो यह है 9/8 की पावर 3। इसका अंदर टाइम आ गया बच्चों कितना, 3 साल। एक तो तरीका मेरे बच्चों ये वाला, दूसरा तरीका हमारा जो होगा वो ये कि 1,02,400 से 1,45,800 हो गए। तो आप रेशियो निकालिए, रेशियो निकालने तो आप देख रहे हैं 512 से 729 हो गया। तो मेरे बच्चों रेट है 12.5%, यानी फ्रैक्शन बनी 1/8, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, यानी कोई धन एक साल में 8 से कितना हुआ 9। तो 8 से 9 हुआ, मतलब आप ये देखिए कि 8 का स्क्वेयर है, ये 8 का क्यूब है, ये 8 की पावर 4 है। जितनी ये पावर है 8 की उतना ही बेसिकली समय होगा। तो 8 की पावर ये 3 है, तो इसका मतलब टाइम जो आया वो कितना आया बच्चों, 3 साल। ये हो गया हमारा आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, हमने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से कोशिश की कि कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझाया जा सके। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। जिस जगह आपको दिक्कत लगे उस जगह वीडियो को बार बार देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। हम अभी आपके साथ और भी बहुत सारे माध्यमों के साथ जुड़ रहे हैं बच्चों। अभी हम आपको पेन ड्राइव के थ्रू चीज़ें अवेलेबल करा रहे हैं, और धीरे धीरे हम समय के साथ साथ और भी चीज़ें बदलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बस 3-4 चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ कि सबसे पहले इस कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो को पूरा बहुत अच्छी तरह से देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार इस वीडियो को पूरे प्रोसेस से गुजरिए, और जब आप इन चीज़ों को देख लें तो उसके बाद इसकी बुक की प्रैक्टिस, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर की प्रैक्टिस करिए। बच्चों मैं पूरे मैथ में, जो कॉम्पिटेटिव मैथ है, मैं आपको हमेशा वहाँ सलाह देता हूँ कि आप सारे चैप्टर्स को मेरी 7300 वाली 7300 जो SSC मैथमेटिक्स है उस बुक से भी करें, एडवांस मैथ वाली बुक से भी करें, अर्थमेटिक वाली बुक से भी करें, आप क्लास नोट से भी करें,
लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ सलाह दूंगा कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट को 7300 वाली बुक से करिए, साथ में मेरे क्लास नोट से उसको करिए। यही दो बुक बहुत सफिशिएंट होगी। अगर आप इतने को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप अर्थमेटिक की मेरी बुक पर जा सकते हैं। बच्चों, फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लग रहा है तो मेरा एक डाउट ऐप है, RYP आस्क डाउट ऐप, आप उस पर जा सकते हैं। वो iOS और एंड्रॉयड दोनों ऐप है, उस पर जाकर आप कोई भी अपने क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों, हम एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लेके आ रहे हैं, जो हर वीक हम डालते हैं उस पर टेस्ट। और ये जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ये हर मंडे को टेस्ट आपको मिल जाता है। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक test.rakeshsir.com पे, या आप RYP ऑनलाइन टेस्ट हमारा एक ऐप है, उसको भी डाउनलोड करके इसे कर सकते हैं। तो ये दोनों अच्छे माध्यम होंगे। हम आगे आपसे मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। बच्चों, आपका कोई सुझाव हो हमें ज़रूर बताएं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी आने वाली बुक्स की इन्फॉर्मेशन के लिए, मेरे आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन के लिए। मेरी जो फेसबुक आईडी है वो है rakesh.yadav0011। तो आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं। बच्चों, धन्यवाद आप सबको। शुभ रात्रि। बाय बच्चों।